गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आवाज सबको आ रही है बढ़िया चलो फाइनली सुबह सुबह मिल ही गए हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं अपने को बस अरे इलेवंथ मैंने करा दिया था भाई किसने बोला मैंने इलेवंथ का फिजिकल नहीं कराया इलेवंथ का फिजिकल मैंने पहले करा दिया आरंभ वाले बैच में कराया तो है वन शॉट बहुत पहले ले लिया था इस बार उम्मीद से पहले मैंने उम्मीद पूरी कर दी थी भाई ठीक है बचा हुआ ट्वेल्थ का फिजिकल है वो अभी यहां कर लेंगे यार तीन ही चैप्टर तो रहते हैं तीन ही चैप्टर तो रहते हैं कर लेंगे अरे कल का जेई का पेपर देखो पता चल जाएगा जेई के कल दो पेपर हो गए हैं ना कल के जेई के पेपर देखो और जेई के पेपर देखने के बाद जिन लोगों ने जो लोग यकीनियंस और जो लोग भी अपने पास दूसरे बैच से आए हैं आप पेपर देखिए आपको रियलाइज होगा कि क्लास में जो कराया गया है वो काफी है इवन अगर आपका वो बैकलॉग हो गया है तो आज की क्लास में भरोसा कीजिए और आज की क्लास में हम लोग ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन पढ़ने वाले ठीक है बहुत बढ़िया भाई यस सर पढ़ सकते हो ठीक है पढ़ सकते हो हाँ हाँ पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप आराम से मतलब जो भी बैकलॉग यार उम्मीद सीरीज का मतलब यही है कि जो बैकलॉग वाली चीजें हैं वो सारी सारी खत्म करनी तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग शायद मुझे लगता है कि हाँ भाई थ्री मिलियन हो गए सी डब्ल्यू पे ऑब्वियस है हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है और आप तुम लोगों का प्यार ही है यार ठीक है मेरा नाम सुधांशु है हाँ <laughs> चलो हाँ क्लास ट्वेल्थ वाले देख सकते हैं बट उनके लिए थोड़ा फास्ट हो जाएगा क्योंकि क्लास ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो एग्ज़ाम देने आएँ क्योंकि जो एग्ज़ाम इनका पांच मई को है ना उनका माइंडसेट अलग है बेटा तो उनकी हालत तुम समझ नहीं सकते तुम अगले साल जब क्लास एलेवंथ वाले और क्लास ट्वेल्थ वाले अगले साल उसको समझ पाएंगे क्योंकि अभी उनका बस गिन के 25 दिन बचे हैं 26 दिन बचे हैं तो वो एग्जाम के लिए अलग है बेटा देखने को आप देख सकते हो माना थोड़े ना कोई कर साएगा आपको ठीक है ये 2024 का मेन फोकस है इसका मेन फोकस 2024 है और 2024 में ही अपने पास यूज करना है ठीक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा अगले वीक हो जाएगा ठीक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगले वीक हो जाएगा आ... लक्ष्य वाले पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं बट उनके लिए थोड़ा फास्ट हो जाएगा ना अब लक्ष्य में एक एक टॉपिक हो रहा होगा अभी वहाँ पे तीन दिन में कॉन्सन्ट्रेशन टाउन पढ़ा यहाँ एक घंटे में कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे तो दोनों में फर्क पड़ता है बाकी जो लोग एग्जाम देने वाले हैं बेटा टेंशन मत लो अगले मतलब तीन क्लासेस में आपका ट्वेल्थ का फिजिकल खत्म हो जाएगा अच्छा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स और ये तीनों चैप्टर मतलब अगर तुमसे बोलूँ ना सच बताऊँ तो ये देखो सॉल्यूशन चैप्टर में ना सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों के पास जो चैप्टर आने वाला है इसको अगर कल की क्लास को अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशंस चैप्टर को देखोगे ना ध्यान से ठीक है सॉल्यूशंस चैप्टर को देखोगे ध्यान से तो यहां पर क्या क्या मिलने वाला है तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोगों को कुछ कुछ चीजें मिलेंगी जैसे अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ना मोल कॉन्सेप्ट में भी आता है मोल कॉन्सेप्ट में भी आता है प्लस कहां आ जाता है कॉन्सनट्रेशन टर्म्स मोल कॉन्सेप्ट में भी आता है और कहां आता है अपने पास सर मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन में भी आता है तो ये दोनों से ओवरलैप कर रहा है दोनों से बस ओवरलैप कर रहा है ठीक है ना दोनों से ओवरलैप करता है याद रखिएगा ये अपने पास हाँ बेटा ज्यादा टाइम लेंगे ऑब्वियसली आज थोड़ा अब एग्जाम पास में मैं खुद ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा यार ठीक है कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो कंसंट्रेशन मूल कांसेप्ट में भी है यहां भी है लेकिन हाँ यहां पर हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज जरूर करेंगे फिर यहां पर जो मेजर पोर्शन है वो सॉल्युबिलिटी वाला है कि सॉल्युबिलिटी कैसे देखते हैं कि सर पहला पोर्शन सॉलिड इन लिक्विड सॉलिबिलिटी की बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे सर दूसरा पोर्शन हम लोग अगर बात करें तो यहां लिक्विड इन लिक्विड होगा लिक्विड लिक्विड सॉलिबिलिटी होगी फिर हम लोग तीसरे की बात करें तो गैस इन लिक्विड होगा गैस इन लिक्विड होगा अलग अलग लोगों की सॉलिबिलिटी हम लोग चेक करते चले जाएंगे फिर सॉलिबिलिटी करने के बाद मुझे किसने बोल दिया तो यहां पर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज की जाएंगी और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो मैंने कल मेन्स का पेपर देखा है और आज भी अपने तो पास मेंस का पेपर आएगा उन सबको मिला दो उन सबको मिला दो तो आपको पता चल जाएगा ये सारे के सारे ये सारे के सारे मिनिमम बेटा दो क्वेश्चन अपने पास मिनिमम टू क्वेश्चन इन चारों टॉपिक से मिला के देखोगे तो मिनिमम टू क्वेश्चन नीट 2024 में सिक्योरड है, मिनिमम दो क्वेश्चन आज की क्लास से आएंगे मिनिमम दो क्वेश्चन आने वाले हैं आज की क्लास से ठीक है आज की क्लास से मिनिमम टू क्वेश्चंस हैं तो अब आपके ऊपर अभी क्लास में साथ साथ में करेंगे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन की लाइन लगेगी लेकिन हाँ लेक्चर ड्यूरेशन बेटा कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो जाए खत्म कर लें हाँ जय 2000 कल भी पेपर हुआ है ना कल भी पेपर हुआ है तो आपको कल के पेपर अभी मैं आपको दिखा दूंगा उसके क्वेश्चंस आपको एक ट्राई करते हैं ठीक है जितना जल्दी होगा खत्म करेंगे लेकिन हाँ सोशल एन एग्जाइटी कैसे खत्म करें बेटा कुछ नहीं ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहो ही मत ना व्हाट्सएप पे स्टेटस देखो ही मत किसी को सबको म्यूट कर दो देखना ही नहीं क्यों है अब सीधा पाँच मई के बाद जो होगा देखा जाएगा लेकिन पाँच मई को भैया कम से कम बोल तो रहा हूं पाँच मई तक अपने को मिनिमम दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ठीक है ये लेक्चर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनका बैकलॉग है जो लोग बैच वैच में कर चुके हैं जिनको आता है बेटा आपके लिए फिर आप आपको पता है बैचेज में रिवीजन चल रहा है वहां से कीजिए यहां टाइम वेस्ट मत कीजिए उन लोगों के लिए खासकर बहुत बेनिफिशियल है जो थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे हैं और उनका एग्जाम है पास में ठीक है कोशिश करें करें तो स्टार्ट सीयूटी के लिए भी देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है के लिए भी देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हाँ बेटा कल का पेपर आप आराम से कर सकते हैं ठीक है चलो अरे टेंशन मत लो यार तुम शायद पहली बार पढ़ना बोल रहा है सर पूरा पढ़ाना अरे पूरा ही पढ़ाएंगे यार क्या बात कर रहे हो ठीक है तुम जाओ अभी देखो खत्म नहीं करेंगे बेटा अच्छे से फिनिश करेंगे जो होगा अपने पास यहीं पर देखेंगे स्टार्ट करेंगे ओके मैं बोल रहा हूँ मिनिमम दो क्वेश्चन अपने पास नीट 2025 2024 में और सोचो यहां पर एक अच्छी बात क्या है 20-25 दिन बाद जो आज पढ़ोगे ना आज के आज ट्राई करना मेरे साथ साथ क्लास में रिवाइज करने की और आज के आज मतलब सोचो ना पांच मई को ये दो क्वेश्चन कम से कम देखे जाएगा तो कोशिश करते हैं सोल्यूशन में सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म मूल कॉन्सेप्ट में भी किया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मूल कॉन्सेप्ट में भी किया हुआ है तो यहां पर एक बात थोड़ा आसानी से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चालू करते कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहां स्टार्ट करते ठीक है हाँ जई वाले भी देख लिया ले लेकिन जई वालों का ऑलरेडी अब चल रहा होगा मेन्स वाले ठीक है उनका मेन्स थी तो चल रहा है उसी को देख के तो मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं कि अब अपने पास यही सब होने वाला है ठीक है ये देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बात करें सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में चार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करता हूं एक होता है मास परसेंटेज एक होता है मास परसेंटेज इसको बोलते हैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू या फिर इसी को एग्जाम हॉल में लिखा होगा बाई मास याद रखिएगा मास परसेंटेज बाई मास सबसे पहले ये चार कंसंट्रेशन टर्म समझना सबसे पहले ये चार कंसंट्रेशन टर्म समझिएगा जो ये चार कंसंट्रेशन टर्म्स में देने वाला हूं अगर मैं बात करता हूं मास परसेंटेज और दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज वी बाई वी या फिर बाय वॉल्यूम अगर एग्जाम हॉल में ये मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज की बात की जाएगी तो आप जिस लेवल पे अब एग्जाम देने जा रहे हो वहां पर आपसे मास परसेंटेज अगर निकालने को कोई बोल देगा तो ये बहुत बड़ा मजाक उड़ा रहा होगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ टोटल मास इनटू हंड्रेड करना है ये आपसे बहुत रेयर है कोई आप से। आप से कोई मास परसेंटेज निकलवाएगा आपसे आपसे कोई मास परसेंटेज नहीं निकलवाने वाला ठीक है ना अब स्टार्ट कर दिया बेटा क्लास ठीक है ना थोड़ा सा क्योंकि टाइम की कमी है और जिन लोगों का एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए उनको पता अभी क्या हालत है तो बेटा जो भी इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करने आए प्लीज़ बेटा चैट सेक्शन बंद करो और पढ़ाई फोकस करो ठीक है बाकी जो मस्ती करने आए कर लो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा हूं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट चलो हम लोगों को यह पता है कि सर सॉल्यूट होता है सॉल्यूट को हम लोग टू से रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्वेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे वन से और उसी से हम लोग क्या बनाएंगे सॉल्यूशन बनाएंगे सॉल्यूशन जब भी बनता है इन दो लोगों से मिलके बनता है हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है टर्नरी क्वार्टरनरी है नहीं तो हमें सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन में देखना है दो कंपोनेंट है एक लार्ज क्वांटिटी में होगा एक लेस क्वांटिटी में होगा लार्ज क्वांटिटी वाले को सॉल्वेंट बोलेंगे और लेस क्वांटिटी वाले को क्या बोलेंगे सॉल्यूट बोलेंगे ठीक है लार्ज क्वांटिटी वाले को सॉल्वेंट uh, और लेस वाले को सॉल्यूट जनरली हम जो कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं वो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं अगर मैं बोलूँ मास परसेंट निकालो तो हमेशा याद रखना जब भी कोई परसेंटेज या कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोलेगा वो मतलब सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बोल रहा है जैसे मैं सिंपल सी ये देखना अपने पास ये देख लो मुझसे किसने बोल दिया मुझसे किसने बोल दिया कि भाई अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ टेन परसेंट एन एस सी एल एक्व सॉल्यूशन टेन परसेंट एन एस सी एल एक्व सॉल्यूशन देखिए बेटा 10% परसेंट एनए सीएल सोल्यूशन यह 10% परसेंट एनएसएल एक्वे सोल्यूशन का मतलब क्या होगा टेन परसेंट एन एस एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या होगा सर यहां पर w w अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि सर दस ग्राम एनए प्रेजेंट है ध्यान से देखना टेन ग्राम एन इज प्रेजेंट इन टेन ग्राम एनए इज प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन टेन ग्राम एन प्रेजेंट है हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन में हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन में अगर मैं यहां बात करूं सिमिलर चीज वॉल्यूम परसेंटेज के लिए बात करूं तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने जाओगे तो जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू क्या करोगे हंड्रेड करोगे सर ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बताइए अगर ये लाइन दिया हुआ है तो इसका मीनिंग बताइए ये परसेंटेज बेटा कभी निकालने को नहीं बोला जाएगा बहुत रेयर है आपसे परसेंटेज निकलवाया जाए देखना ध्यान से ठीक है ध्यान सुनना अपने पास ये देखो ये देखना टेन परसेंट वी वाई वी ये देख लो अपने पास इसका मतलब क्या होगा टेन एम एल ऑफ टेन एम एल ऑफ एन ए सी एल इज प्रेजेंट इन टेन एम एल ऑफ़ एन एस सी एल इज प्रेजेंट इन 10 ml एल ऑफ़ एन ए सी एल इज प्रेजेंट इन हंड्रेड ml ऑफ़ सोल्यूशन टेन एम ऑफ़ एन इज प्रेजेंट इन ऑफ़ टेन एम एल एन एस एल प्रेजेंट है हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन में टेन एम एल एन एस एल प्रेजेंट है हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन में तो देख लो दो कॉन्सेंट्रेशन दो टर्मसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज मास परसेंटेज निकालने जाओगे और वॉल्यूम परसेंटेज निकालने जाओगे दोनों का मीनिंग क्या है सर मास बोला तो मास परसेंटेज मतलब दस परसेंट प्रेजेंट है दस ग्राम प्रेजेंट है सौ ग्राम में जैसे मैं अगर बोलता हूं कि मेरे फिजिक्स में थर्टी मार्क्स थर्टी परसेंट मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में मेरे थर्टी परसेंट मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि सर सौ में आपके थर्टी नंबर्स आ रहे होंगे आप एस्टिमेट यही करोगे ना मैंने तो ये तो नहीं बोला कि भैया मेरा एग्जाम सेवेंटी मार्क्स का था या साठ मार्क्स का था मैंने बोला मेरे थर्टी मार्क्स आ रहे तो अपने माइंड में एक इमेज बना ली कि सर के ना सौ में से कितने आ रहे होंगे थर्टी आ रहे होंगे सौ में से कितने आएंगे थर्टी आएंगे ये दिमाग में इमेज बना ली यही होता है तो जनरली जैसे ही आपको ये बोला जाए टेन परसेंट मास बाई इसका मतलब टेन ग्राम इज प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम जैसे ही मैं बोलूं वॉल्यूम तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा टेन एम इज प्रेजेंट इन हंड्रेड एम ऑफ सॉल्यूशन टेन एम एल इज प्रंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन पक्का अब ध्यान सुनना यहां ध्यान सुनना क्या हो जाएगा थर्ड वन इसको बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम इसको हम लोग बोल देते हैं डब्ल्यू बाई वी यह क्या होता है अगर मास बाई वॉल्यूम निकालने को बोला जाए W बाई वी ऑफ सॉल्यूट बोला जाए तो कुछ नहीं देखना ध्यान से यह भी परसेंटेज निकलता है लेकिन यहां मास का परसेंटेज निकालते हैं टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मास का परसेंटेज निकालते हैं टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ठीक है ना मास का परसेंटेज निकालते हैं टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ठीक है मास का परसेंटेज निकालते हैं टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मतलब ये देखो अगर आपको दिया जाए टेन परसेंट W बाई वी दिया जाए W बाई वी एक्वे सोल्यूशन लिख के दिया जाए तो ये चीज ध्यान रखिएगा टेन परसेंट डब्ल्यू बाई वी एक्व सोल्यूशन लिख के दिया जाए तो इसका मतलब क्या गेस कर सकते हो कि सर 10 10 ग्राम ऑफ मास इज प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू इज प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ NaCl एस सी एल इज प्रेजेंट इन हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन एग्जाम हॉल में बेटा ये लाइंस डी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान सुन लेना अपने पास ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब लाइंस से ना आपको मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा मोलरिटी निकालने को मिल जाएगा अभी क्वेश्चंस आएंगे जब सारे फॉर्मूले एक साथ करा दूंगा फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा पता चलेगा अपने पास ये देख लो सर मास बाई वॉल्यूम निकालना है मास बाई वॉल्यूम मतलब मास डिवाइड बाई वॉल्यूम मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और लास्ट वन अगर ये चार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात की जाए वॉल्यूम बाई मास वॉल्यूम बाय मास वी बाई डब्ल्यू वॉल्यूम बाय मास वॉल्यूम बाय मास का मतलब क्या हो जाएगा वी बाई डब्ल्यू अगर सॉल्यूट का निकालता हूं वी बाई डब्ल्यू सॉल्यूट का निकालता हूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन टोटल मास इनटू क्या कर दूंगा हंड्रेड कर दूंगा इनटू क्या कर दूंगा हंड्रेड कर दूंगा इनटू क्या कर दूंगा हंड्रेड कर दूंगा ये देख लो भाई टेन परसेंट एन ए सी एल वी बाई डब्ल्यू एक्वा सोल्यूशन इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मीनिंग क्या होगा कि सर दस एम एल टेन एम एल एन ए सी एल का प्रेजेंट है टेन एम एल ऑफ एन ए सी एल इज प्रेजेंट इन टेन एम एल ऑफ एन ए सी एल इज प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन अब तुम बोलोगे सर ये सब क्यों है ये चार लाइंस का मीनिंग आप सोच भी नहीं सकते आपको बार 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 आपको यूज करने को मिलेगा ये चार लाइंस आपको हमेशा यूज करने को मिलेगा सो ध्यान देते रहिएगा इन सब के ऊपर क्योंकि यही सब ये सब लाइंस ना ये छोटी लाइंस है ये चार कॉन्सेंट्रेशन बहुत छोटी छोटी है लेकिन एग्जाम हॉल में कब क्या लिखेगा जैसे मुझसे कोई पूछ दे इसका वैल्यू इसका मीनिंग इसका मीनिंग सर जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना तो होता क्या है अलग लेवल का हार्मोन चल रहा होता है अलग लेवल पे सोच रहे होते हैं और वहां पर ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जब मास बाय मास बोलेगा तो मास इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू मास जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम सर यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम मास इज प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम बाई मास वॉल्यूम इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम मास परसेंटेज वाइज करना है ठीक है परसेंटेज वाइज करना है ध्यान सुनना अपने पास परसेंटेज वाइज करना है ठीक है ये बेसिक सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो हम लोग बेसिक सा बोलते हैं ना कि हाँ यार जिसके ऊपर एनसीआरटी शुरू होता है एनसीआरटी के इसके बेस्ड क्वेश्चन है लास्ट ईयर लास्ट ईयर हाँ लास्ट ईयर नहीं उसके लास्ट 2022 में अपने पास के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी भी आप जेई मेंस में देखेंगे कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन टपक ही जाता है कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन तो टपक ही जाता है ठीक है कहीं ना कहीं से एक टॉप क्वेश्चन टपक ही जाता है सॉल्वेंट नहीं लिखते बेटा सॉल्वेंट टोटल लिखते हैं यहां जब लिखा जाता है टोटल टोटल मतलब सॉल्यूशन का सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मास लिया जाता है टोटल का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टोटल मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूट को टू से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट को वन से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट को टू से इसलिए क्योंकि पहले क्या लेते हैं सॉल्वेंट फिर उसके अंदर क्या डालते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर क्या डालते हैं सॉल्यूट तो सर सॉल्वेंट को क्या रिप्रेजेंट करेंगे वन और सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे टू से यही कहलाएगा सॉल्यूशन यही कहलाएगा सॉल्यूशन पक्का हो जाएगा श्योर हो पक्का डन आप देखना एक सिंपल चीज बता रहा हूं ये देखो चार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने के बाद चार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने के बाद एक मिनट चार कंसंट्रेशन टर्म्स करने के बाद हम लोगों के पास पांचवा कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से आते हैं ध्यान से देखिएगा अगर मैं आपसे बोलता हूं ध्यान सुनना आपने पास पीपीएम और पीपीबी ठीक है पीपीएम और पीपीबी ये देखो पार्ट्स पर मिलियन और इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में पीपीएम और एक होता है पार्ट्स पर बिलियन ये दोनों साथ साथ पढ़ेंगे क्यों क्योंकि सर ये दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली exactly सब कुछ सिमिलर टाइप का है कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन दोनों को पढ़ने का तरीका सिमिलर है इसीलिए दोनों को साथ साथ पढ़ने वाले ध्यान सुनना अपने पास पार्ट्स पर मिलियन मिलियन की वैल्यू क्या होती है जब भी कोई वर्ड यूज करेगा मिलियन तो इसका मतलब टेन की पावर सिक्स वन बिलियन यूज करेगा बिलियन का मतलब क्या हो जाएगा टेन की पावर नाइन तो एक बात बताओ अभी जस्ट हमने पढ़ा है अभी जस्ट हमने पढ़ा है अभी जस्ट हमने, हमने पढ़ा है कि सर परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हंड्रेड से तो मिलियन और बिलियन पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान सुनना अपने पास ध्यान सुनना अपने पास ठीक है ध्यान सुनना <laughs> ठीक है नहीं 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 चलो पढ़ लो यार हाँ पढ़ाई कर लेते हैं भाई इसमें फुल सिलेबस में ढाई सौ ये स्कोर हो रहा है कोई बात नहीं अभी भी टाइम है, पढ़ेते है पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए कुछ अच्छा ही होगा ठीक है पढ़ते तो रहिए लेकिन ज़्यादा चैट करने से वो ढाई से पाँच होंगे नहीं बस आपको बता रहा हूँ अभी भी टाइम है रिविज़न करते रहिए ठीक है।, है हाँ चलो नहीं बेटा ये उम्मीद है उम्मीद का मतलब क्या होता है कि आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए काम आता है जब से आप बाहर कहीं पढ़ रहे थे या कुछ कर रहे थे तो आपको एक ब्रश अप करने के लिए उन बच्चों के लिए खासकर फायदेमंद है जिन्होंने ठीक है रिवीजन करने के लिए सोचा है बहुत सारे बच्चे जो क्लास कर रहे कहीं भी पढ़ रहे कहीं से पढ़ गया है कोई फर्क नहीं पड़ता आप रिविज़न करने के लिए यूज़ कीजिए देखिए पीपीएम निकालना है आपको कहीं भी पीपीएम निकालना है तो इन टर्म्स ऑफ देखना अपने पास इन टर्म्स ऑफ अगर मैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में बोलूं तो देखना पीपीएम ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है पीपीएम ऑफ सॉल्यूट कैसे आता है सर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल मतलब सॉल्यूशन या फिर इसको टोटल लिख दो और इनटू क्या करोगे परसेंटेज के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हो पीपीएम के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई नहीं करते किससे मल्टीप्लाई करते हैं टेन की पावर सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीपीएम ऐसे निकल जाता है मास के, तो के रिस्पेक्ट में किसने बोला नहीं सर मुझे तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पीपीएम निकालना है अगर मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करना चाहता हूं तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होगा पीपीएम ऑफ सॉल्यूट निकालने जाऊंगा अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लूंगा डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लूंगा इंटू क्या कर दूंगा टेन की पावर सिक्स कर दूंगा अब सर ये सेम चीज होगा आपके पास अब आप ऐसे ऐसे करते चले जाओ सर मास बाय वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लूंगा तो अरे भैया पीपीएम ऑफ सॉल्यूट अगर मास बाय वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालने जाओगे तो मास ऑफ सॉल्यूट लोगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लोगे इनटू क्या करने वाले हो टेन की पावर इनटू क्या करने वाले हो टेन की पावर सिक्स कर दोगे अब ऐसे करके सॉल्व करते चले जाओ इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बाई मास कर दो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाई मास कर दो तो ये क्या होगा पीपीएम ऑफ सॉल्यूट निकालने जाएंगे पीपीएम ऑफ सॉल्यूट निकालने जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इंटू टेन की पावर सिक्स याद रखिएगा ये बहुत छोटी क्वांटिटीज के लिए यूज किया जाता है मतलब पीपीएम कहाँ यूज किया जाता है अगर आप पढ़ चुके हैं आपने देखा हो कहीं बुक्स में तो आपको कहाँ मिलता रहेगा आपको मिलेगा वाटर की पॉल्यूशन लेवल में आप पॉल्यूशन के लेवल में जहाँ बहुत ज्यादा बड़ी क्वाटिटी में एक छोटा सा पॉइंट प्रजेंट हो जैसे मैं बोल दूं कि एक किलो में 0.001 ग्राम प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पी से रिप्रेजेंट करेंगे इस बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए यूज़ कहते हैं और ये फॉर्मूला कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भाई साहब अभी तक आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे यहां पर आप टेन की पावर सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे टेन की पावर सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे अब क्वेश्चन में देख लो नॉर्मली मास बाई मास पे चलते हैं लेकिन हाँ क्वेश्चन में देख लेना हो सकता है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पीपीएम निकालने को बोले वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकाल देना हो सकता है मास बाय वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकालने को बोले उसके रेस्पेक्ट में निकाल देना हो सकता है वॉल्यूम बाई मास के रेस्पेक्ट में निकाले इसके रेस्पेक्ट में निकालना पक्का ठीक है इसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो पार्ट्स पर बिलियन की बात करें तो पार्ट्स पर बिलियन में भी सब कुछ सिमिलर सा होगा सब कुछ सिमिलर सा होगा सर यहां पर मास बाय मास के रेस्पेक्ट में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ यहां निकालने जाएंगे सॉल्यूट का पीपीबी तो यहां कुछ नहीं सर मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल सॉल्यूशन का मास इंटू टेन की पावर सिक्स सर टेन की पावर नाइन इंटू टेन की पावर नाइन टू टेन की पावर क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा इंटू टेन की पावर नाइन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे volume volume के बारे बात किया जाएगा, तो यहां पर जो है, है, वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बस यहां परसेंटेज के बदले किससे मल्टीप्लाई कर दोगे टेन की पावर नाइन से मल्टीप्लाई कर दोगे इन टर्म्स ऑफ मास बाई वॉल्यूम है तो इसके केस में भी पीपीबी निकालने जाओगे पीपीबी ऑफ सॉल्यूट निकालने जाओगे तो वो क्या होगा सर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू टेन की पावर नाइन ये देख लो इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम करने जाओगे तो यहां पर पीपीबी ऑफ सोल्यूट जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा मास ऑफ सॉरी मास कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सब कुछ सिमिलर सा सिर्फ कुछ सिमिलर सा बट यहां पर डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा आपका 10 की पावर 9 आ जाएगा इन टू की पावर 9 आ जाएगा ठीक है हो जाएगा श्योर हो फटाफट लिखो भाई फटाफट छापो जल्दी लिखो पक्का हो जाएगा अब यहां पर ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में देख लो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में चाहे पार्ट्स पर मिलियन बोले चाहे पार्ट्स पर बिलियन बोले फर्क नहीं पड़ता ध्यान सुनना अपने पास ध्यान सुनना मुझे क्या बोला गया सर मास परसेंटेज परसेंटेज के टर्म्स में निकालो मैंने परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई किया हंड्रेड से अगर मुझे बोला गया सर परसेंटेज के टर्म्स में मत बात करो आप सेम चीज़ को पीपीएम में बात करो पीपीबी में बात करो मैंने ऐसे बात करी फिर मुझसे किसने बोला कि सर एक काम करते एक काम करते अब देखना अपने पास मुझसे किसने बोल दिया कि सर मास का फ्रैक्शन निकाल दो अब देखो मास फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन क्या होता है कुछ नहीं अगर मैं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने जाऊं देखना बेटा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने जाऊं फ्रैक्शन टर्म्स में जब भी आपको मास फ्रैक्शन निकालना है तो मास फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्यूट निकालने जाते हो तो कुछ नहीं फ्रैक्शन का मतलब होता है अपना डिवाइड बाई टोटल मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कर दो फ्रैक्शन का मतलब ये हो जाता है फ्रैक्शन का मतलब ये हो जाता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल मास ये देखना अपने पास ये मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा डब्ल्यू टू वन क्या है वन क्या है वन क्या है सॉल्यूट नहीं वन क्या है सॉल्वेंट टू क्या है सॉल्यूट वन क्या है सॉल्वेंट और टू क्या है सॉल्यूट हो जाता है तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऐसे आ जाएगा मुझसे किसने बोला ध्यान सुनना मास फ्रैक्शन ऑफ अगर मैं सॉल्वेंट निकालता हूं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन और ये क्या होगा W1 W1 डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू इन दोनों का एक काम करो दो चीजें अटेम्प्ट कर लो मास फ्रैक्शन का सम करके देखो मास फ्रैक्शन का सम करके देखो ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड करके देखना इसकी वैल्यू ऐड करोगे तो इन दोनों की वैल्यूज ऐड करके क्या आएगा वन आएगा कैसे ऐड करके देखो ऐड करके देखो कोई भी फ्रैक्शन टर्म है उनको ऐड करोगे आपको सम कितने के इक्वल आ जाएगा सर सम किसके इक्वल आ जाएगा वन के इक्वल आ जाएगा ये पॉइंट याद रखिएगा ये पॉइंट याद रखिएगा किसके इक्वल आ जाएगा वन के अब एग्जाम हॉल में ऑब्वियस डेरिवेशन करनी नहीं है तो अभी आपको ध्यान से ध्यान से अपने पास होता ना छोटे छोटे पॉइंट्स लेने लिखने की जरूरत आपकी मर्जी बेटा साथ साथ में लिख सकते हो फास्ट लिख सकते हो तो लिख लो क्योंकि कुछ दिनों बाद डॉक्टर बनने वाले हो तो ऐसे भी राइटिंग लपेटनी है तो अभी लपेट लो नहीं तो कोई बात नहीं ये पीडीएफ आपको मिल जाती है ऐप में ये सब कुछ मिल जाता है बैच फ्री है आप ऐप में जाके लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है ये देखो मैं तुमसे एक चीज और बोल रहा हूं मुझसे किसी ने बोल दिया मास फ्रैक्शन का रेशियो बताओ चलो एक काम करो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का रेशियो बताओ मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का एक रेशियो बता दो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का एक रेशियो बता दो सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का एक रेशियो बता दो क्या होगा क्या रेशियो आएगा डब्ल्यू टू बाई स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा सर कोई भी फ्रैक्शन टर्म हो कोई भी फ्रैक्शन टर्म हो इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ होगी जीरो से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है वन तक क्यों क्योंकि सर मास हमेशा छोटा ही रहेगा टोटल मास से तो छोटा ही रहेगा ना टोटल मास से तो छोटा ही रहेगा पक्का ये देखिएगा ये देखिएगा अगर मैं एर्थ वन अगर मैं वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करूं, बेटा वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करूं, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन को भी आप निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी ये देखिएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ अगर आप सॉल्यूट का वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालते हो तो ये किसका होगा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये देख लो सर वी टू बाई वी वन प्लस वी टू वी वन प्लस वी टू और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने जाओगे तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये कितना हो जाएगा वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू देख लो हो जाएगा वी वन प्लस वी टू सर वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात की जाएगी तो वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर आप निकालने जाओगे तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर ऐड करोगे ना तो इसका सम पता है किसके इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल आ जाएगा वन के इक्वल आ जाएगा वे किसके इक्वल आ जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वन के इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसके इक्वल आ जाएगा वन के इक्वल आ जाएगा अगर आप वॉल्यूम फ्रैक्शन में अगर आप वॉल्यूम फ्रैक्शन सॉल्यूट वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो लोगे वॉल्यूम का रेशियो लोगे क्या आएगा रेशियो बेटा सर वन बाई इन दोनों का रेशियो लोगे तो रेशियो में क्या आ जाएगा टू बाई वी आ जाएगा तो ये सारी चीजें अब आप, आप देख लीजिए किसी भी टाइप का फ्रैक्शन हो किसी भी टाइप का फ्रैक्शन हो किसी भी टाइप का फ्रैक्शन हो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी सर जीरो से लेकर वन तक होगी छोटे छोटे ये कॉन्सेप्चुअल याद रखिएगा कि सर वॉल्यूम फ्रैक्शन हो चाहे मास फ्रैक्शन हो सबका सम करते हैं अगर कंपोनेंट्स के वैल्यूम फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन का सम करते तो वो किसके इक्वल आता है सर वन के इक्वल आता है अगर उनका रेशियो करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है वो किसके इक्वल आएगा वो किसके इक्वल आएगा वी टू V1 या ऐसे आ जाएगा हो जाएगा हो जाएगा पक्का हाँ, तो V2 अब देखना अपने पास यहां पर वॉल्यूम फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन हो गया तो ये मेरे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रीजन क्या है कि मास फ्रैक्शन वॉल्यूम फ्रैक्शन जानना है एक्चुअली इससे ना हमें एक पता चल गया कि यार कुछ नहीं एक सिंपल सी चीज बताता हूं तुम्हें तो एक सिंपल सा रिलेशन बताता हूं ये देखना ये देखो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ध्यान सुनना बेटा अगर ये टर्म लिखा है अगर मैं इसको इनटू वन कर दूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं मास फ्रैक्शन बोलूंगा इसको मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोल दूंगा अगर मैं इस टर्म को इंटू हंड्रेड कर दू इंटू हंड्रेड कर दू तो क्या बोल दूंगा इंटू हंड्रेड कर दूंगा तो क्या बोल दूंगा कि सर ये क्या हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा और इंटू अगर टेन की पावर सिक्स कर दू टेन की पावर सिक्स कर दूं तो ये क्या कहलाएगा सर पीपीएम ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा पीपीएम ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा और अगर इंटू टेन की पावर नाइन कर दू तो ये पीपी B ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा तो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके साथ रिलेट किए जा रहे हैं कुछ नहीं एक ही चीज का है एक ही चीज का है और कुछ नहीं ठीक है जल्दी ओके okay. चलो तो मैं ये बोल रहा हूं अगर सिमिलरली यहां देखना अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देता हूं तो बेटा एक सिंपल सी चीज है अगर मैं ये करता हूं तो ये देखो अगर इसको मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब फ्रैक्शन है क्या है वॉल्यूम फ्रैक्शन है यह क्या है वॉल्यूम फ्रैक्शन है अगर मैं इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह क्या कहलाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा कि सर परसेंटेज निकाल दिया इसी रेशियो को अगर टेन की पावर सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो पीपीएम हो गया सॉल्यूट का और अगर इसी को टेन की पावर नाइन से मल्टीप्लाई कर

अब देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन से मोल फ्रैक्शन क्या है सर मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे प्रोनाउंस कैसे करते हैं प्रोनाउंसड एज इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं काई हिंदी में बोले तो ऐसे काई प्रोनाउंस करना है ठीक है काई की तरह प्रोनाउंस करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है कि अगर आपके पास अगर आपके पास कोई भी कंपोनेंट है मान लो वन है टू है थ्री है अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स एन वन दिए हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स एन टू दिए हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स एन थ्री दिए हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं एन वन एन टू एन थ्री ठीक है एन वन एन टू एन थ्री तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर वन का बोला गया अगर मैं बोल दूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वन मोल फ्रैक्शन वन का निकालो तो आप कुछ नहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर वन बोला गया तो काई ऑफ वन इज नथिंग एन वन अपन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री मतलब सर अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स को हम क्या बोल देंगे ये बोल देंगे सर किसने बोल दिया कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ टू निकालो सर मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर टू निकालो तो आप क्या निकालोगे काई टू काई टू की वैल्यू क्या होगी एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू ये हो जाएगा एन टू बाई टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड का निकालना है मूल फ्रैक्शन अगर थर्ड का निकालना है तो मूल फ्रैक्शन ऑफ थ्री इज नथिंग एन थ्री अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एंड दैट इज इक्वल्स टू एन थ्री अपॉन एन टोटल ये निकल जाएगा मूल फ्रैक्शन इज नथिंग ध्यान सुनना अपने पास मूल फ्रैक्शन मतलब कुछ नहीं जैसे वॉल्यूम फ्रैक्शन था कि अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मूल फ्रैक्शन भी वैसा ही होता है मूल फ्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है अपना मूल्स डिवाइड बाय टोटल मूल्स मास में अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास सिमिलरली मूल फ्रैक्शन में अपना मूल्स डिवाइड बाई टोटल मूल्स अपना मूल्स डिवाइड बाई टोटल मूल्स पक्का हो जाएगा श्योर हो यह देखना अगर मोल फ्रैक्शन का सम करोगे काई वन प्लस काई टू प्लस काई थ्री करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा सर ये किसके इक्वल आ जाएगा वन के इक्वल आ जाएगा अगर तीन कंपोनेंट है तीनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे वन के इक्वल आ जाएगा और अगर मोल्स का रेशियो मोल फ्रैक्शन का रेशियो लोगे ये रेशियो जो आएगा वो हमेशा मोल्स के रेशियो में आएगा ये रेशियो जो आएगा हमेशा किसके रेशियो में आएगा मोल्स के रेशियो में आएगा तो कोई भी फ्रैक्शन हो चाहे मास फ्रैक्शन हो चाहे वॉल्यूम फ्रैक्शन हो चाहे मोल फ्रैक्शन हो इन सबकी बात देखोगे तो इन सबका जो होता है का मीनिंग क्या है अपना डिवाइड बाय टोटल अपना डिवाइड बाय टोटल चाहे मास हो चाहे मोल्स हो कुछ भी कर लो ठीक है ये देख ले भाई हो जाएगा ये देख लो अपने पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर मोल फ्रैक्शन है मोल फ्रैक्शन है अपने पास मोल फ्रैक्शन हो गया मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कि सर इसमें एक सॉल्यूट है सॉल्यूट कौन सा होगा टू सॉल्वेंट कौन सा होगा वन सॉल्यूट कौन सा होगा टू सॉल्वेंट क्या होगा वन और यहां पर सॉल्यूट टू सॉल्वेंट वन बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं सॉल्यूट टू सॉल्वेंट वन तो यहां पर देख लीजिएगा अगर मैं आपसे बोलता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलता हूं या काई टू बोलता हूं तो काई टू इज नथिंग एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू काई ऑफ सॉल्वेंट बोलता हूं तो दैट इज अगेन काई वन एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो रेशियो आएगा सॉरी वन आएगा और जो रेशियो होगा सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का ये मोल्स के रेशियो में आएगा अब ये क्यों बता रहा हूं इसका रीजन आपको अभी थोड़ी देर बाद जब आपस में रिलेशन करूंगा तब आपको पता चलेगा ये सारे फॉर्मूले यूज करूंगा हा ठीक है हाँ ठीक है भाई ओके अब देखो अपने पास यहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट निकाल लो ठीक है बाइनरी सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐसे निकलेगा अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई और क्या क्या हो सकता है तो मोल फ्रैक्शन में हम लोगों के पास मोल फ्रैक्शन हो गया अब हम लोगों की लाइफ में यहां पर एक नई चीज आती है जिसको बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एस से रिप्रेजेंट करते हैं ये क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग अगर फॉर्मूला लिखें तो ये क्या सर अभी देखेंगे फॉर्मूला ये किसको रिप्रेजेंट करता है अगर कहीं बोला जाए इट रिप्रेजेंट्स ये रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व या फिर प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन वन लीटर या फिर थाउजेंड एम एल ऑफ सॉल्यूशन वन लीटर या फिर थाउजेंड एम एल ऑफ सॉल्यूशन वन लीटर या फिर थाउजेंड एम एल ऑफ सॉल्यूशन वन लीटर और थाउजेंड एम एल ऑफ सॉल्यूशन तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर या थाउजेंड एम एल ऑफ सॉल्यूशन ठीक है इसी को क्या बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे इसी को क्या बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे इसी क्या बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर आपसे कोई बोलता है ध्यान सुनना अगर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पूछता है तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला इज नथिंग मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये किस में आ जाएगा लीटर्स में ये किस में आ जाएगा ग्राम में सर स्ट्रेंथ का यूनिट देख लीजिएगा स्ट्रेंथ का यूनिट जो होगा वो किस में लेंगे ग्राम पर लीटर लेंगे ग्राम पर लीटर लेंगे स्ट्रेंथ का यूनिट क्या लेंगे ग्राम पर लीटर लेंगे स्ट्रेंथ का यूनिट क्या लेंगे ग्राम पर लीटर लेंगे पक्का ग्राम पर लीटर लेंगे स्ट्रेंथ का यूनिट क्या लेंगे ग्राम पर लीटर लेंगे स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूश डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऐसी आती है अगर ध्यान सुनना अब स्ट्रेंथ जब आया ना तो स्ट्रेंथ में उतना मजा नहीं आता क्यों क्योंकि हम लोगों को ना यहाँ दिक्कत आती है हमें मास से फर्क नहीं पड़ता हम नॉर्मल साइंस वाले मोल्स में डील करते हैं मोल्स याद है मोल्स याद है मोल्स कैसे निकलता है मोल्स याद है नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाते हो किसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाते हो मान लो किसी के भी निकालने जाओ एक्स के निकालने जाओगे तो क्या लिखोगे सर मोल्स निकालने के ये कुछ तरीके हैं गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइड बाई मोलर मास गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा गैड्रो नंबर अपॉन गैड्रो नंबर हो जाएगा ये जो फॉर्मूला है ये सबके लिए वैलिड है वैलिड फॉर ऑल सबके लिए वैलिड है वैलिड फॉर ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैस सबके लिए वैलिड होगा सॉलिड लिक्विड एंड गैस सबके लिए वैलिड होगा सॉलिड लिक्विड और गैस सबके लिए वैलिड हो जाएगा सॉलिड लिक्विड एंड गैस सबके लिए वैलिड हो जाएगा ठीक है और अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा एक और तरीका है गैस के लिए गैस के लिए, गैस के लिए क्या होगा सर गैस के लिए एक पार्टिकुलर फॉर्मुला यूज करते हैं दैट इज गिवेन गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स गिवेन वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है सर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स होती है अगर प्रेशर वन atm है और टेम्परेचर 273 सेवेंटी है ये पहले यूज़ करते थे अब आज के टाइम पे 22.7 लीटर यूज़ करते हैं बिकॉज आज हम लोग एस टी पी बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको एस बोल दिया जाता है ये क्या कहलाता है आज के टाइम पे नया एस है ये ओल्ड एस है मतलब पहले हम इसको एस बोलते थे आज के टाइम पे हम 22.7 लीटर्स लेते हैं 22.7 लीटर्स ले लेते हैं 22.7 लीटर्स ले लेते हैं सर 22.7 आज के टाइम पे एनसीआरटी ने अपडेट कर दिया है ये वाला ये वाली वैल्यू याद रखिएगा सॉल्वेंट को टू से डिनोट नहीं करते बेटा सॉल्वेंट पहले प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट पहले प्रेजेंट होता है तो सॉल्वेंट को वन देते हैं सॉल्यूट क्या बोल देते हैं टू बोल देते हैं सॉल्यूट लोग क्या बोल देते हैं टू बोल देते हैं लोग क्या बोलेंगे टू बोलेंगे सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे टू बोलेंगे पक्का हो जाएगा शोरूम देख लो अपने पास अब मुझसे मोल्स निकालने आ गया तो मैं यहां से अब कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मोल्स के टर्म में बात करना चाहता हूं और वो है मोलैरिटी मोलैरिटी क्या है कैपिटल एम बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर या फिर हम बोल देते हैं थाउजेंड एम एल ऑफ सॉल्यूशन वन लीटर या फिर थाउजेंड एम एल ऑफ सॉल्यूशन वन लीटर या थाउजेंड एम एल ऑफ सॉल्यूशन वन लीटर या फिर थाउजेंड एम एल ऑफ सॉल्यूशन वन लीटर या फिर क्या बोल देंगे थाउजेंड एम एल ऑफ सॉल्यूशन मोलारिटी का वॉल्यू बोल देखोगे तो मोलारिटी कैसे निकाली जाती है मोलारिटी का फॉर्मूला देखोगे तो ये देखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन याद रखिएगा ये लीटर्स में लिया जाता है ये मोल्स लिया जाता है इसीलिए मोलारिटी का यूनिट देखेंगे तो यूनिट मोलारिटी का क्या आता है मोल्स पर लीटर मोल्स पर लीटर मोल्स पर लीटर या फिर और मोलर लिख देते हैं या फिर हम लोग कैपिटल एम दे देते हैं ध्यान से देख लीजिएगा कैपिटल एम लिख देते हैं मोलर लिख देते हैं या फिर कैपिटल एम लिख देते हैं ध्यान देखना अपने पास ठीक हाँ बेटा फॉर्मूलाज ही हैं अब वे ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज ही आएंगे भाई यहाँ देखना यहाँ देखना मोल्स पर लीटर मोलरिटी अब मुझसे किसने बोल दिया मोलरिटी आ गई सर यहाँ पर एक दो चीजें और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बदले यहां देखना अगर वॉल्यूम किस में दिया है वॉल्यूम अगर एम में दिया है अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एम में दिया है अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एम में दिया है तो थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थाउजेंड ऊपर आ जाएगा क्यों क्योंकि सर थाउजेंड से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये करना पड़ेगा सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं डब्ल्यू टू बाई एम टू इन टू थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम इन एम लिखते हैं सर टू क्या है टू क्या है तू क्या है सर टू क्या है अपने पास टू ये वाली चीजें जाएंगे मोलरिटी में ये चीजें आ जाएंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐसे निकाल लो डब्ल्यू टू बाई एम टू निकालते रहो पक्का तो मोलारिटी में अपने पास देखोगे तो मोलारिटी ऐसे निकाला जाएगा इसका फॉर्मूला ये होगा इससे एक दो चीजें और निकाली जा सकती हैं वो क्या है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं कैसे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम किस में लेंगे लीटर्स में अब कहने को ये भी फॉर्मूला हो जाएगा कहने को ये भी फार्मूला हो जाएगा अब मुझसे कोई पूछ दे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं मोलारिटी इंटू वॉल्यूम लीटर्स में रख के एक चीज और अगर मुझसे किसने पूछ दिया कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाल दे और क्या करेंगे तो ये देखना अगर वॉल्यूम एम में हुआ अगर वॉल्यूम एम में हुआ तो एम को किससे डिवाइड करना पड़ेगा थाउजेंड से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालने जाओगे तो ये आएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐसे निकलेगा लेकिन एक चीज़ और कर सकते हैं और वो है नंबर ऑफ मिली मोल्स, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब सर अगर आपके पास ये मिली मिलीलीटर दिया है मूलरिटी इनटू वॉल्यूम अगर आप डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या निकाल के दे देगा ये आपको निकाल के दे, दे देगा नंबर ऑफ मिली मूल्स ऑफ सॉल्यूट ये हम सॉल्यूट के मोल्स क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि यहां दो केसेज आने वाले हैं क्योंकि यहां दो केसेज आने वाले हैं यहां दो केसेज आने वाले हैं और दो केसेज कौन कौन से हैं ध्यान से देखिएगा एक केस क्या होगा एक केस क्या होगा डाइल्यूशन की बात करेगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन की बात करेगा भाई देख जो टाइम वेस्ट करने आया है कोई दिक्कत नहीं जो लोग बेचारे पढ़ रहे हैं प्लीज़ बेटा आप जाके ना कल जेई मेंस का पेपर देखना सारे दे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखा है जेई मेंस का पेपर देखिएगा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखा है ठीक है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया अपने डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिया गया है डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा गया है तो प्लीज़ बेटा तैयार हो जाओ क्योंकि यही सब क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे अभी मिले चाहे मतलब एग्जाम के बाद देखो चाहे एग्जाम में मिलेगा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा सर डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन जब भी करते हैं जब भी आप डाइल्यूट करते, करते, करते हैं या किसी सॉल्यूशन को अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं डाइल्यूट करते हैं या कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं डाइल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो उस केस में हम लोग एक चीज जानते हैं कि भैया सॉल्वेंट का सर सॉल्वेंट डाइल्यूशन में क्या होगा सर डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा पानी को ऐड करना सॉल्वेंट को ऐड करना, करना सॉल्वेंट को आप ऐड करते हो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट करते हो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सर पानी को निकाल दो जला दो पानी को तो ऑब्वियस है रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट यहां पर एक चीज कॉमन है वो क्या है कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा कांस्टेंट सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं आने वाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा और वो क्या होगा सर मोलैरिटी इन टू वॉल्यूम यह क्या रहने वाला है कॉन्स्टेंट रहने वाला है सर ये तो बोल ही सकते हैं ना कि सर डायल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो इन सबके बीच में ये एक चीज कॉमन रहेगी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अगर दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन अगर कॉन्स्टेंट होता है तो बेटा बार बार बोल रहा हूँ मोलारिटी इनटू वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा दो लोगों का अगर मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट है तो मोलारिटी और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा रहेगा ऐसा रहेगा डाइल्यूशन की बात जब कर रहे हैं तो आपको भी पता है मान लो ये सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी एम वन है वी वन है इसको उठा के मैं एक बड़ा सा ले जाऊं इधर से इधर ले जाऊं एम टू और वी टू तो यहां पर एक चीज कॉमन है चाहे इधर ले जाऊं चाहे इधर ले जाऊं यहां पर एक चीज कॉमन है एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू और इसी फॉर्मुले से मैं सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा इसी फॉर्मुले से मैं सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूंगा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा इसी फॉर्मूले से मैं सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा तो डाइल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो मैं ऐसे कर सकता हूँ डाइल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो मैं ऐसे कर सकता हूँ पक्का रेक्टेंगुलर हाईपर बोला होगा एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू मोलरिटी जितना टाइम्स बढ़ाओगे वॉल्यूम उतने टाइम्स कम हो जाएगा मुलेरिटी जितने टाइम्स बढ़ाओगे उतने टाइम्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो है हुँ? हो जाएगा ये डाइल्यूशन का केस मोलैरिटी के अंदर ये आएगा दूसरा केस आता है मिक्सिंग का आप देखेंगे आपको मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे और जब मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा अभी मिक्सिंग नॉर्मलिटी में ज्यादा अच्छे से करेंगे मिक्सिंग ऑफ जब सॉल्यूशन आता है तो वो क्या होता है ध्यान सुनना मिक्सिंग का मतलब भी क्या होता है मान लो एक सॉल्यूशन है एम वन वी वन इसको मैंने किसके साथ मिक्स कर दिया एम टू V2 के साथ मिक्स कर दिया इन दोनों को मिला दिया गया तो यहां पर मेरे पास ऑप्शन है ये देखना ये देखना अपने पास मैं जब मिलाऊंगा इन दोनों को तो इसमें होगा क्या यहां पर भी आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहने वाला है कांस्टेंट। मतलब जो शुरुआत में रहेगा वही बाद में रहने वाला है

शुरुआत में कितने मूल्स हैं सोल्यूट के क्योंकि सोल्यूट सर चेंज नहीं होगा ना आप मिक्स कर रहे हो मिक्स कर लो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपने सोल्यूट के अंदर चेंज नहीं करना है तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे आएगा तो सर वो किसके इक्वल होगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाई सर वी मिक्सचर यही होगा शायद यही होगा

हो सकता है वी वन प्लस वी टू ना हो तो ये ध्यान रखिएगा आपके पास मोलैरिटी का मोलैरिटी के सारे फॉर्मूले बता दिए मोलैरिटी के सारे फॉर्मूले बता दिए और मोलैरिटी के अंदर अलग अलग केसेस भी आ गए हम लोगों के पास कि सर मोलैरिटी में अलग अलग केसेस कौन कौन से होंगे पक्का हाँ ये अपने पास ये अपने को ध्यान रखना है वी वन प्लस वी टू होता है कहीं कहीं पर हो सकता है पानी ऐड कर दे तो ऑब्वियस वहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा आंख बंद करके वी वन प्लस वी टू मत कर देना वहां देखना पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर और कुछ तो ऐड नहीं कर रहा लाइक वाटर तो नहीं ऐड कर दे रहा तो वहां पर कुछ और में आ जाएगी वहां पर वी वन प्लस वी टू नहीं आएगी ठीक है वहाँ पर वी वन प्लस वी टू नहीं आएगी पक्का हो जाएगा ठीक है एक बार देख लो उसके बाद मुझे बोला गया कि सर मूलरिटी का ध्यान से देखना एक वर्ड होता है अगर मैं इसको ध्यान से याद करूं तो डेंसिटी होती है डेंसिटी का मतलब क्या होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सर ये डेंसिटी ना किसी की भी निकाली जा सकती है डेंसिटी किसी की भी निकाली जा सकती है मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी किसी की भी निकाली जाती है ठीक है ना डेंसिटी किसी की निकाली जाती है ठीक है डेंसिटी किसी की भी निकाली जा सकती है ठीक है अब देखो डेंसिटी किसकी निकाली जाएगी कैसे निकाली जाएगी एक बात बताना सर एक बात बताइएगा ठीक है ये देखना अपने पास डेंसिटी जब भी अब डेंसिटी सॉल्यूशन का अलग आएगा क्यों क्योंकि सर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूशन तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो अगर मैं बोलता हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट बताओ तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट पानी का अलग होगा ना यार मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इसकी डेंसिटी अलग आती है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट अलग चीज है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सर ये सारी डेंसिटी टर्म्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिफाइंड है डेंसिटी मतलब क्या हो गया अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं एक चीज ध्यान रखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको डेंसिटी बोला जाए जब भी आपको डेंसिटी बोला जाए तो वो क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम या फिर आप सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे तो सॉल्यूशन का मास उसका वॉल्यूम सॉल्वेंट का निकालेंगे तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मास उसका वॉल्यूम अगर मैं बोलूं ठीक है अगर मैं बोलूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये देखना अपने पास अगर अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर रिलेशन निकालने के लिए कि रिलेशन किसके किसके बीच में होता है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी मोलैरिटी परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट एंड डेंसिटी प्लीज ये छोटे छोटे रिलेशन याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे और वहां आप डेरिवेशन कर नहीं पाएंगे बेटा तो अब बस ये उम्मीद लगा के रखिए कि यही सब क्वेश्चन आएंगे और ये सीधा सीधा टेन टाइम्स मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम हॉल में ये डायरेक्ट दो चार रिलेशंस हैं जो पूछे जाएंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाता है टेन टाइम्स एक्स डी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो ये फॉर्मूला आप सीधा सीधा अपने जो भी जहाँ भी फॉर्मूला शीट बनाते हों चाहे इसी को इसी नोटबुक को यूज कर रहे हो आप याद रखिएगा मोलैरिटी और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड डेंसिटी के बीच का रिलेशन डेंसिटी के बीच का रिलेशन हो जाएगा सर ये देख लो मोलारिटी और स्ट्रेंथ का भी रिलेशन निकाल सकते हो इस रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ भी आ सकता है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ भी निकाली जा सकती है मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ भी निकाला जा सकता है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ भी निकाला जा सकता है मोलारिटी और स्ट्रेंथ के बीच का भी रिलेशन निकाला जा सकता है क्या क्या रिलेशन होगा तो सर रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सर मोलारिटी देखो मोलारिटी क्या है स्ट्रेंथ क्या है स्ट्रेंथ क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किसमें लीटर्स में ये किसमें ग्राम में व्हाट इज मोलारिटी मोलारिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लीटर्स में व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू टू बाई एम टू इन टू वॉल्यूम किस में लीटर्स में सर इसी को तो क्या बोलेंगे यही तो क्या होगा तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि मोलरिटी इज नथिंग स्ट्रेंथ बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये रिलेशन भी आपको याद रखना है एग्जाम हॉल में ये छोटे छोटे रिलेशंस आपसे पूछे जाएंगे और इन्हीं के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा छोटे छोटे रिलेशंस पूछे जाएंगे और इन्हीं के ऊपर आपको देखना पड़ेगा तो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी मास परसेंटेज एंड सॉल्यूट रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ इनके बीच का ये जो बॉक्स बना रहा हूं प्लीज ये ध्यान रखिएगा डेरीवेशन बेटा नहीं पूछ रहा नहीं आपको करना है अब आप देखो ना अपने पास मुझसे किसने पूछ दिया एक नया टर्म दे दिया गया एक नया टर्म दे दिया गया क्या तो सर मेरे पास एक नया टर्म दिया गया दैट इज अः कौन सा नंबर आ गया है, कौन सा नंबर था इलेवेंथ एक नया टर्म है एंड दैट इज नोन एज ट्वेल्थ इस चैप्टर में काफी यूज होगा दैट इज मोलालिटी मोलिटी क्या है सर मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं व्हाट किससे रिप्रेजेंट होती है ध्यान से देखना अपने पास इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन के जी या फिर हम बोल सकते हैं थाउजेंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट याद रखिएगा ये बंदा थोड़ा अलग आया और ये क्यों आया इसका रीजन अभी आपको पता चलेगा जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस देखना शुरू करेंगे जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस देखना शुरू करेंगे तब हमें पता चलेगा मोलालिटी है क्या ये किसको रिप्रेजेंट करता है मोलालिटी रिप्रेजेंट करता है ध्यान से देखना अपने पास मोलालिटी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता है सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ Solvent. याद रखना ये किस में मोल में है और ये क्या है के में है याद रखिएगा यहां सॉल्वेंट का मास लिया जाता है तो मोलिटी क्या होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ ऑफ मोल्स सॉल्यूट सोलवेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सर इसको कैसे निकाल सकते हैं अगर ये केजी में ना देके एन टू ये क्या दिया हो डब्ल्यू वन अगर ग्राम्स में दिया हो तो ऊपर क्या हो जाएगा थाउजेंड और तुम्हें ही पता है एन टू की वैल्यू कैसे आती है डब्ल्यू टू बाई एम टू एन टू थाउजेंड बाई डब्ल्यू वन तो मोलालिटी का अगर तुमसे कोई फार्मूला पूछेगा मोलालिटी का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो मोलालिटी का फॉर्मूला आप ये बता सकते हो और ये फॉर्मूला बार बार यूज करना है याद रखिएगा मोलालिटी का फॉर्मूला ये फार्मूला बार बार यूज होगा ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा मोलालिटी का यूनिट देख लो तो यूनिट क्या आ गया यूनिट आ गया मोल्स पर जी मोल्स पर के जी या फिर मोलालिटी कुछ नहीं एन टू बाई डब्ल्यू वन याद रखना मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है बेटा सब कुछ मिल जाएगा यार ठीक है वो तुम्हारी तुम्हारी अपनी तुमने कभी खोजा ही नहीं होगा सब कुछ मिल जाता है यूट्यूब पे आपको हरेक पी डब्ल्यू के हर एक टीचर्स के लेक्चर्स मिल जाते हैं कहीं भी मिल जाएंगे अभी एग्जाम है अब ऑब्बियस है इस टाइम अब टाइम नहीं है ना भाई ये चीज़ मैं तीन घर तीन, तीन चार घंटे में पढ़ाऊंगा जब ट्वेल्थ क्लास को पढ़ाऊंगा या रिपीटर को जब यकीन वाले बैच में पढ़ाऊंगा लेकिन भाई अभी टाइम है क्या नहीं है ना तो अब सारा एक ही पेज में मैं तुम्हारे लिए भी शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ कि हाँ भाई ये तो अच्छा जो यूज़ करना चाहता है डायरेक्ट डायरेक्ट यूज़ करे ठीक है जिसको ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ना है बेटा बैच में मिलू ना यार बैच में आराम से मिलेंगे वहां करेंगे ठीक है हाँ सबके मिल जाएंगे चलो देखो ये देखना मोलालिटी की बात कर रहा हूं तो मोलालिटी ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है लिखता हूं थ्री मोलर एन एच एक्व सोल्यूशन दोनों के बीच में एक्व सोल्यूशन अगर मैं थ्री मोलर एन एच एक्व सोल्यूशन बोलता हूं और अगर मैं बोल देता हूं थ्री मोलल थ्री मोलर एन एच सॉल्यूशन इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा क्या डिफरेंस होगा चलो बताओ ठीक है दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता है दोनों के बीच का डिफरेंस आप लिख सकते हो कि सर ये क्या बता रहा है ये थ्री मोल्स एन को बता रहा है ये भी सर नीचे वाला भी थ्री मोल्स एन बता रहा है ये भी थ्री मोल्स एन को बता रहा है ये भी थ्री मोल्स ऑफ एन बता रहा है ये भी थ्री मोल्स ऑफ एन बता रहा है ये भी थ्री मोल्स एन एच ये भी थ्री मोल्स एन एच लेकिन दोनों के बीच का एक डिफरेंस है क्या डिफरेंस है सर ये थ्री मोल्स ऑफ एन एच इज प्रेजेंट इन ये थ्री मोल्स ऑफ एन एच इज प्रेजेंट इन थ्री मोल्स ऑफ इज प्रेजेंट इन एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूं वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूं और यहां पर थ्री मोल्स ऑफ एन एच इज प्रेजेंट इन ये प्रेजेंट है किस में सर ये प्रेजेंट है थ्री मोल्स ऑफ एन एच इज प्रेजेंट इन ये कौन सा है अपने पास वन के या फिर हम बोल सकते हैं वन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ये सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में तीन मोल्स प्रेजेंट है वो पूरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में थ्री मोल्स प्रेजेंट है दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस देख लीजिएगा जो लोग भी एग्जाम हॉल में बैठे सर ये देख लो सर 2022 हजार का क्वेश्चन आपको याद हो सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ लिया गया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो बेटा जिसके ऊपर अब ये घंटा हो गया ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है अब वो चाहे रिलेशनशिप इसके पीछे पूछ ले ये पूछ ले ये पूछ ले डेफिनेशन बेस्ड पूछ ले आना ही आना क्वेश्चन है तो जो लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है ठीक है ना तो चुपचाप लगे रहो देखते रहो क्योंकि एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन पूछा गया है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि सर ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये इसका मीनिंग क्या होगा इसका मीनिंग क्या होगा मोलैलिटी का मीनिंग क्या होगा जितना कंसाइज हम कर सकते हैं उतनी कंसाइज पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है ओके ये देखना ये देखो अपने पास हम लोगों के पास मोलैलिटी और उसके बीच का रिलेशन ध्यान से सुनना अपने पास अब यहां पर दो तीन रिलेशन देख लो रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन याद रखिएगा क्या है रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन का मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन देखेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा ये देख लो मोलालिटी जो होती है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉलवेंट इंटू थाउजेंड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं मतलब अगर सही से लिखे तो काई टू अपॉन थाउजेंड अपॉन सर क्या हो जाएगा uh, रिलेट तो कर सकता हूं एन टू अपॉन एनवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो ये रिलेशंस एग्जाम हॉल में आप डिराइव करने नहीं जाएंगे ऑब्वियस ये रिलेशंस आप डायरेक्ट डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट डायरेक्ट यूज करेंगे ठीक है मोलालिटी और मोल मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर एक लास्ट रिलेशन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, कैपिटल एम एंड कैपिटल एम एंड स्मॉल एम एंडिटी रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन निकालना है इन दोनों बीच है, के बीच का अगर रिलेशन निकालना है मोलैरिटी और मोलालिटी के बीच का रिलेशन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा मोलारिटी और मोलालिटी के बीच का रिलेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा तो मोलारिटी इज नथिंग और मोलालिटी आपस में रिलेट करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा मोलालिटी और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे जल्दी ही आ जाएंगे इस साल आ जाए चाहे जा अगले साल आ जाए क्योंकि सच बताऊं तो अभी आपको पता है एनसीआरटी आप लोग देखोगे एनसीआरटी में इनके रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन है डायरेक्ट नहीं दिया गया इनडायरेक्ट वे में आपस में रिलेट करने को बोला गया है मोलारिटी का फॉर्मूला स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है थाउजेंड टाइम्स मोलारिटी थाउजेंड टाइम्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाई थाउजेंड टाइम्स थाउजेंड टाइम्स डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इसको अगर मैं सही से लिखूं तो इस छोटे फॉर्म में लिखूं तो थाउजेंड टाइम्स कैपिटल एम थाउजेंड टाइम्स डी माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो ये फॉर्मूला अब आप अपने हिसाब से ये दो रिलेशन ये दो रिलेशन आप ध्यान रखिए मोलारिटी और मुलालिटी का ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है आप जाके अगर भरोसा ना हो तो एनसीईआरटी खोलिएगा फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट का इलेवेंथ क्लास का आपको लास्ट एग्जाम्पल इसके ऊपर बेस्ट दिख जाएगा अब एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है कि एनसीआरटी ने अपने पास ये वाला ये वाली चीज इस तरह से फॉर्मूले ना देके अलग अलग तरीके से दे रखी है ठीक है देखोगे एन में नॉर्मलिटी वर्ड यूज़ नहीं किया गया है एक्चुअली एन में नॉर्मलिटी वर्ड यूज़ नहीं किया गया है मोलरिटी ही वर्ड यूज़ किया गया है लेकिन क्योंकि टाइट्रेशन अब हमारे सिलेबस में है टाइट्रेशन लैब हमें करना है तो हमें नॉर्मलिटी के बारे में पता होना चाहिए नॉर्मिलिटी कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए ठीक है नॉर्मिलिटी हमें कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए ठीक है अब नॉर्मलिटी निकालते क्यों क्योंकि ऑब्वियस है हमें मोलरिटी मोलिटी देखो बेटा कॉन्सेंट्रेशन तो टर्म से बात करें तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यही बारह कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएंगे यही टर्म्स है एक छोटा सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करें एक छोटू सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो वो कौन सा है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मिलिटी ये देख लो फॉर्मेलिटी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ये कुछ नहीं मोलैरिटी ऑफ ये किसके इक्वल होता है मोलारिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आयनिक सॉलिड्स का मोलारिटी को ही क्या बोल देते हैं फॉर्मुलिटी बोल देते हैं मतलब कुछ नया नहीं है बस आयनिक कंपाउंड्स की ही फॉर्मुलिटी होती है ठीक है और कुछ भी नहीं होगा ठीक है ये कुछ भी नहीं होने वाला जो मेजर चीज है वो ध्यान सुनना और अब यहां से बेटा जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं क्योंकि अब अलर्ट मोड पर रहिएगा एग्जाम हॉल में यही सब क्वेश्चन अगर आए उिटूर्क नॉर्मिलिटी डायरेक्ट आ सकता है टाइट्रेशन के फॉर्म में आ सकता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के फॉर्म में आ सकता है तो ध्यान सुनना अपने पास ये जो टर्म है दैट इज लास्ट टर्म्स और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि सर यहां से आपकी लाइफ में थोड़ा अलग चीजें आ जाती हैं आपने रिडॉक्स में पढ़ भी लिया होगा जिन लोगों ने पढ़ रखा है अच्छी बात है नहीं तो बस देख लेना ठीक है नॉर्मिलिटी की बात कर रहा हूं नॉर्मिलिटी है क्या यह किसको रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा तो सर ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर या फिर हम बोल देते हैं थाउजेंड एम एल ऑफ सॉल्यूशन वन लीटर या फिर थाउजेंड एमएल ऑफ सॉल्यूशन वन लीटर या फिर थाउजेंड एम एल ऑफ सॉल्यूशन नॉर्मलिटी सर अलग है क्यों क्योंकि सर यहां नॉर्मलिटी का मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट होता है डिवाइडेड बाई सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ये लीटर्स में होगा सर नॉर्मलिटी का यूनिट देखोगे तो नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होगा सर इक्विवेलेंट पर लीटर बोल दिया जाएगा ठीक है या फिर नॉर्मल सॉल्यूशन बोला जाता है कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है अब दिक्कत क्या आती है कि सर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे कैसे 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 निकाला जाएगा सर number of equivalent कैसे आएगा तो तो निकालोगे भाई number of equivalents कैसे निकाले? तो number of equivalents के लिए हमारे पास आता है कि सर कुछ नहीं इक्विवेलेंट निकालना है तो गिवन मास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे और ध्यान सुनना अब फिर यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई ये क्या है इक्विवेलेंट मास क्या है तो सर यहां देखना इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास इज नथिंग मोलर मास अपॉन एन फैक्टर मोलर मास अपॉन एन फैक्टर मतलब फाइनली हमारे पास एन फैक्टर आएगा कि भाई इक्विवेलेंट मास क्या होगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर एक नई चीज आ गई एन फैक्टर देखो यहां एक नई चीज आई नंबर ऑफ इक्वेलेंट उसको खोजने गए तो एक नई चीज आ गई इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास खोजने गए तो पता चला एन फैक्टर आ गया ये एन फैक्टर क्या होता है अपने पास जैसे मोल्स होते हैं वैसे इक्विवेलेंट्स होते हैं और कुछ नहीं जैसे मोल्स निकालते थे वैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं इक्विवेलेंट्स में अच्छी बात क्या होगी अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगी नंबर ऑफ मोल्स जैसे निकालते थे वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास करते थे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था याद करो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखते थे हम लोग सर गिवन मास अपॉन मोलर मास करते थे लेकिन अब तुम्हें भी पता है सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो इक्विवेलेंट मास कर दो। किसने बोला सर एन फैक्टर क्या है अच्छा चलो एक काम करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को देखो पहले गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिख सकते हैं और इसको सही से अरेंज करें तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज नथिंग नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर आ जाएगा ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अब आपके लिए ये सब क्वेश्चंस बनेंगे ये तो याद रहे चाह ना रहे नॉर्मिलिटी को देखिएगा नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स को क्या लिख सकते हैं डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले लू लीटर्स में ये देख लो इसको क्या बोलते थे मोलरिटी बोलते थे तो नॉर्मलिटी इज नथिंग मोलरिटी इंटू एन फैक्टर अब आपको जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है एन फैक्टर निकालना है और बाकी सारी लाइफ आपकी शॉर्टेड है क्यों क्योंकि एन फैक्टर आ गया तो number of equivalents निकालना आसान है number of moles into n फैक्टर कर दो, number of moles into n फैक्टर कर दो आखिर बस एन फैक्टर निकल जाए अपना नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्यों क्योंकि सर याद रखना एक सिंपल चीज रखना सर इन एनी रिएक्शन इन एनी केमिकल रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन हो इन एनी केमिकल रिएक्शन सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी इक्वल मे और मे नॉट बी इक्वल ये इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं बट एक चीज इक्वल होगी बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन लोगों की इक्विवेलेंट्स निकालने जाओगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमेशा इक्विवेलेंट इक्वल होंगे इसीलिए हमारा टाइट्रेशन करना आसान रहता है प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या रहेगा ऑलवेज इक्वल रहेगा हमेशा इक्वल रहने वाला है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा क्या रहेगा इक्वल रहेगा याद रखिएगा हमेशा ठीक है ना हमेशा याद रखना नॉर्मिलिटी में हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो चाहे ना हो नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स कैसे होंगे सर नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स का फॉर्मूला देख लो क्या आ जाएगा नॉर्मिलिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं नंबर ऑफ इक्वलेंट ये भी तो हो सकता है नॉर्मिलिटी इंटू वॉल्यूम पक्का तो किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मूल्स इक्वल हो चाहे ना हो नंबर ऑफ इक्वेलेंट जरूर इक्वल होते हैं और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोल देते हैं सर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोल देते हैं लॉ ऑफ स बोल दिया जाता है पक्का ये देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नंबर ऑफ इक्वेलट एन फैक्टर अगर मैं एन फैक्टर की बात करूं तो एन फैक्टर किसके लिए क्या होता है ध्यान सुनना एन फैक्टर किसके लिए क्या करते हैं अगर एटम है तो एटम के केस में एन फैक्टर क्या होती है उसकी वैलेंसी होती है एटम के केस में एन फैक्टर क्या होती है उसकी वैलेंसी होती है आयंस के केस में उसका क्या हो जाता है एन फैक्टर उसका चार्ज हो जाता है सर फैक्टर मतलब जो भी आपको चाहिए था जो आपको इक्विवेलेंट निकालने के लिए चाहिए था नॉर्मेलिटी निकालने के लिए चाहिए था इन फैक्टर क्या होता है एटम के केस में क्या होता है बैलेंसी के केस में क्या होता है चार्ज अगर मैं एसिड के केस में बात करूं एसिड्स के केस में बात करूं तो नंबर ऑफ एच प्लस आयन रिलीज्ड इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं एसिड के केस में बेसिसिटी बोल देते हैं इसी को एसिड केस में क्या बोल जाता है बेसिसिटी अगर मैं बोलता बेसिस के बारे में बात करूंगा, तो बेसिस के लिए क्या लिखूंगा कि सर नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयन इसको क्या लिख देते हैं एसिडिटी या फिर बेसिस के के केस में नंबर ऑफ एच प्लस आयन एक्सेप्टेड भी लिख देते हैं क्योंकि बेस जो एक्सेप्ट करता है उसको भी उसका क्या होगा सर बेस का दो काम है ओ एच माइनस रिलीज करना या फिर एच प्लस एक्सेप्ट करना ओ एच माइनस रिलीज करना या फिर एच प्लस एक्सेप्ट करना तो बेसिस केस में क्या कहलाएगा एसिडिटी और अगर मैं बेसिड हो गया बेस हो गया अगर मैं सॉल्ट्स के बारे में बात करूं तो सॉल्ट्स के केस में क्या हो जाता है कि सर चार्ज ऑन कटायन और एनायन चार्ज ऑन कटायन और एनायन किसी एक के ऊपर चार्ज ले लो कटाइन का हो चाहे नायन का हो न्यूट्रल होगा ऑब्वियस है बराबर होंगे वो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में क्या करोगे सर एन फैक्टर क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट अगर सर ऑक्सीडेशन या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आप सबने रिडॉक्स रिएक्शन किया हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और अगर रिडक्शन हो रहा है अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड या फिर हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड द लास्ट वन अगर आपके पास कोई भी बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है याद रखिएगा बैलेंस्ड होना चाहिए क्योंकि पता चला आपने बैलेंस्डॉक्स रिएक्शन है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या तो इंक्रीज ले लीजिएगा या फिर डिक्रीज ले लीजिएगा क्योंकि आपको ही पता है ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज होता है वो इक्वल होता है ये अलग अलग लोगों का एन फैक्टर है बेटा अलग अलग लोगों का एन फैक्टर है ये अलग अलग लोगों का एन फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं अलग अलग लोगों का एन फैक्टर निकाल के लाए कि अलग अलग लोगों का एन फैक्टर ऐसे होगा किसी का भी निकाल लो किसी का भी निकाल लो किसी का भी निकाल लो पक्का हाँ भाई चलो अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करता हूं ऑक्सीजन की बात करता हूं चलो ऑक्सीजन के लिए एन फैक्टर बताओ जल्दी जल्दी बताओ ऑक्सीजन के लिए एन फैक्टर बताओ ऑक्सीजन के लिए इक्विवेलेंट मास कितना आएगा ऑक्सीजन एटम है उसका एन फैक्टर कितना आएगा ऑक्सीजन एन फैक्टर कितना आएगा ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना आएगा जल्दी बताओ क्या होगा ऑक्सीजन का इनफेक्टर कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का फैक्टर कितना आ जाएगा टू क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है टू इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा मोलर मास बाय टू एट ग्राम हो जाएगा अगर मैं यही चीज आयरन प्लस थ्री के लिए बोलूं आयरन प्लस थ्री का एन फैक्टर कितना होगा जल्दी जल्दी निकालो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा बेटा जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा मोलर मास अब आना चाहिए अब एग्जाम भैया एक महीना भी नहीं बचाए आज से एग्जैक्ट एक महीना बाद एग्जाम है पांच अप्रैल है पांच मई को एग्जाम है यार अब इस टाइम पे आयरन का मास ना पता हो तो दिक्कत आ जाएगी एन फैक्टर कितना हो जाएगा थ्री और यहां पर कितना हो जाएगा फिफ्टी सिक्स बाई थ्री आ जाएगा ये कितना हो जाएगा फिफ्टी सिक्स बाई थ्री आ जाएगा पक्का अगर मैं बोलूं चार्ज के बदले अगर मैं ऐसा सॉल्ट दे दूं AlCl3 दे दूं AlCl3 का n फैक्टर पूछूं n फैक्टर AlCl3 का कितना होगा और इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा AlCl3 का इक्विवेलेंट मास किस तरह निकालोगे वो सॉल्ट है सॉल्ट के केस में क्या करते हैं चार्ज उन कैटायन और एनायन सर किसी एक का चार्ज ले लो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा सर बताएंगे एस थ्री पी ओ फोर का यहां पर एन फैक्टर इस रिएक्शन में कितना है इस रिएक्शन में कितना है इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा इस केस में कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट मास हाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं भाई दो मिनट रो दे दो बस खत्म करते हैं उसका पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म फिनिश करेंगे फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे फिर हम लोग आएंगे सॉलबिलिटी और इन सब के ऊपर क्या होगा ये देख लो कितना होगा एन फैक्टर दो एच प्लस दे रहा है तो ऑब्वियस टू ही होगा थ्री होने से मतलब नहीं कि सर यहां तीन हाइड्रोजन है तीनों हाइड्रोजन नहीं दिया इस रिएक्शन को देखो दो ही हाइड्रोजन दे रहा है इक्विवेलेंट मास क्या होगा मोलर मास बाई टू हो जाएगा मोलर मास बाई टू हो जाएगा तो एन फैक्टर क्या होता है एन फैक्टर क्या होता है कि सर ऑक्सीजन हो चाहे आयरन हो चाहे कोई भी हो अपने पास एसिड दिया हो बेस दिया हो एटम दिया हो किसी का भी एन फैक्टर निकाल लो नॉर्मलिटी और मोलरिटी कर लो ठीक है पक्का तो चलो स्टार्ट करते अच्छा नॉर्मलिटी हो चाहे मोलारिटी हो दोनों के केस में क्यों यहां पर देखिएगा इन केस ऑफ नॉर्मलिटी सब कुछ सेम चलेगा क्यों क्योंकि सर देखिएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या आया नंबर ऑफ मूल्स इनटू एन फैक्टर आया अगर नॉर्मलिटी की बात करेंगे तो वो क्या आया मोलारिटी इनटू एन फैक्टर आ गया मोलरिटी इनटू एन फैक्टर आ गया ये होगा नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स अब देखना मुझसे किसने पूछ दिया तो मैं क्या करने वाला हूं केस ऑफ नॉर्मलिटी यहां पर भी आपको क्या करा जाएगा मान लो मिक्सिंग करते हो सॉरी पहले डाइल्यूशन और मिक्सिंग कर डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं अगर डाइल्यूशन या कॉन्सन्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पर भी फॉर्मूला सिमिलर होगा एम वन वी वन के बदले यहाँ मोलरिटी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे एन वन वी वन इज इक्वल्स टू एन टू वी टू सेम चीज़ यहाँ पर इस केस में डाइल्यूशन करो चाहे कॉन्सन्ट्रेशन करो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या आएगा कांस्टेंट आएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या आएगा कॉन्सटेंट आएगा नंबर ऑफ इक्विलेंट्स क्या आएगा कांस्टेंट आएगा लेकिन ध्यान सुनना ध्यान सुनना अब डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन के बाद अगर आप मिक्सिंग करते हो ध्यान सुनना अपने पास क्योंकि अब यहां से अब अलग आएगा मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन करते हो अब देखना मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में क्या दिक्कत आएगी सर मिक्सिंग करने गए पता चला पहला केस व्हेन टू स्ट्रांग एसिड्स आर मिक्स्ड अगर दो स्ट्रांग एसिड मिक्स कर दिया गया व्हेन टू एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मिक्स जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिए गए तो क्या होगा टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मिक्स उस केस में क्या होगा क्या होगा क्या होगा जब दो स्ट्रांग एसिड होंगे दोनों के दोनों H प्लस देंगे तो उस केस में नॉर्मिलिटी ऑफ मिक्सचर जो होगा वो एग्जैक्ट फार्मूला होगा सर N1 V1 वी वन प्लस एन टू वी टू डिवाइडेड बाई वी मिक्सचर जो फॉर्मूला आपने मोलैरिटी का वहां पढ़ा था वही सेम फॉर्मूला आप यहां लगा सकते हैं केस टू ध्यान सुनिएगा केस टू अगर केस टू की बात करूं कि जब दो स्ट्रांग बेसिस मिल जाए वेन टू स्ट्रांग बेसिस आर मिक्सड अगर दो स्ट्रांग बेसिस अगर मिक्स रहे मिक्स हो रहे हैं वे टू स्ट्रॉन्ग भी पढ़ लिया है, तो मैं यहां, बता दू। आ गया। यहां बोल सकते हैं H I यहां से एच प्लस मिक्सचर का आ जाएगा और जैसे ही मिक्सचर का मिला उसके बाद आप पीएच ऑफ मिक्सचर भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको अब आयनिक इक्वरियम पता है तो यहां से पीएच निकल जाएगा दोनों स्ट्रॉग एसिड है तो दिक्कत नहीं है दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है तो कोई दिक्कत नहीं यहां भी नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर यहां भी अपने पास क्या हो जाएगा एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू डिवाइडेड बाई दोनों सेम टाइप के लोग हैं तो वी मिक्सचर क्या हो जाएगा वी मिक्सचर कोई दिक्कत नहीं यहां से क्या आ जाएगा ओ एच माइनस ऑफ मिक्सचर आ जाएगा बेस के केस में याद रखिएगा हमेशा ओ एच माइनस लेना है और पी ओ एच ऑफ मिक्सचर ये निकाल सकते हैं फिर पी एच ऑफ मिक्सचर निकालेंगे फिर आप क्या निकालेंगे पी एच ऑफ मिक्सचर निकालेंगे फिर आप पी एच ऑफ मिक्सचर निकालेंगे केस टू ये हो गया केस टू ये हो गया ये देखना केस थ्री से आपको मजा आएगा केस थ्री में अपने पास अलग अलग कंडीशंस आएंगे जब मिक्सिंग कर रहे हो ना तो नॉर्मलिटी में आपको अलग अलग कंडीशन बताई गई मोलैरिटी में टेंशन नहीं है लेकिन हाँ नॉर्मलिटी में अपने पास अब पता होना चाहिए केस टू केस टू अपने पास केस वन केस टू ये देख लो जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करेंगे दोनों मिक्स हो गए बेस मिक्स करेंगे दोनों मिक्स हो गए लेकिन अगर केस एक स्ट्रॉ एसिड स्ट्रॉ एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर मिक्सड अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर रहे हैं तो इस बेस इस केसेस में देन देखना अगर एसिड और बेस के एसिड और बेस के इक्वैलेंस इक्वल हो गए नंबर ऑफ इक्वेलेंस ऑफ ये क्या हो गया नंबर ऑफ इक्वैलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेलेंट ऑफ बेस अगर इक्वल हो गया तो फिर इस केस में हम बोल देते हैं सर ये क्या हो गया कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया ये क्या हो गया कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया और इस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है सेवन कोई टेंशन है ही नहीं फिर किस बात का कंसंट्रेशन सब कुछ एक दूसरे को वो ले लो लेकिन अगर मैं यहां बात करूं ये देख लो अपने पास अगर इसके एसिड के इक्वेलेंट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इसके तो यहां देख लो नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ एसिड ज्यादा है मतलब एच प्लस ऑफ मिक्सचर निकालने जाओगे तो वो क्या आएगा ये निकालेंगे और यहां से फिर पीएच ऑफ मिक्सचर आएगा सर इक्विवेलेंट्स किसके ज्यादा है एसिड के तो एच प्लस निकला क्यों क्योंकि सर ऑब्वियस एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा है अगर दोनों बराबर हैं तब तो, तो फिर टेंशन ही नहीं और अगर दोनों ही कम हो गए ये एक दूसरे से बेस का ज्यादा हो गया ये बेस का ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा ओ एच माइनस मिक्सचर का क्या हो जाएगा सर यहाँ पर पी ओ एच मिक्सचर आएगा और फिर उसके बाद पीएच ऑफ मिक्सचर आएगा तो याद रखिएगा जब भी आपको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वर्ड यूज करेगा मतलब इक्वेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस इक्वेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस हमेशा क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा अगर वर्ड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोल रहा है तो इसका पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन लेस देन सेवन होगा इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन सेवन होगा वो कैलकुलेशन आप कर लेंगे पीएच की कैलकुलेशन आपको आयनिक आयनिक्लोरियम में बताई जा चुकी है आयनिक ल्यूरियम में बताई जा चुकी है ठीक है आयनिक आइनिकम में बताई जा चुकी है तो आप के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं तो मेरी तरफ से भैया इतना ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है यही उनके बीच का रिलेशन है उन्हीं के बीच में ये सारा का सारा नॉर्मेलिटी हो गया चाहे मोलिटी हो गया ये सारी चीजें आपस में ऐसे रिएक्ट करेंगी अटैक करेंगे हो जाएगा पक्का बस यही है मेरे से पूछो तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अब अपना खत्म है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिससे एक क्वेश्चन आना सिक्योर है चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट में उठा के पूछ ले चाहे यहां से उठा के पूछ ले जैसे भी पूछ ले ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं स्टार्ट करें क्वेश्चन hmm? करना तैयार शुरू हो कितने लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो हाँ भाई हिमांसु भाई मिल लेंगे पहले आप आराम से सिलेक्शन ले लो फिर उसके बाद मिलेंगे ठीक है बेटा बाकी पीएच की कैलकुलेशन आयनिक लूरियम में सीखा है मैं तो बस रिवाइज़ करा रहा हूँ मैं ये टॉपिक चाहता तो स्किप भी मार सकता था बट मुझे पता था कि नहीं यार कुछ लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट करा होगा नहीं करा होगा बेटर रिवाइज़ करा देता हूँ अदरवाइज़ ये सारा कॉन्सेप्ट आपने कही कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट में किया होगा आयनिक आइनिक्लूरियम में किया होगा तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं ठीक है क्वेश्चन करना शुरू करते हैं चलो पहले एक काम करता हूँ कल ही ना कल के पेपर में एक क्वेश्चन आया बहुत डिफिकल्ट जेई मेन्स का एक पेपर है जेई मेन्स का पेपर है देख लेना अपने पास ये देख लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ जे मेंस का पेपर है मैं मैं ना कल ही कल ही आया है ना ये देखना मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ गया वे यार अरे यार किसको भेज दिया मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जेई मेंस का चलो मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ ताकि तुम्हें लगे कि भाई डिफिकल्टी कराई जा रही है ठीक है कहाँ गया यार अभी ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन आया है ना तो इसलिए अभी लिखा नहीं गया है ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है कहाँ गया भाई भाई गुस्सा हो गया क्या चलो ये क्वेश्चन देखना जे ही मेंस का क्वेश्चन है कल का क्वेश्चन है ठीक है कल का एक क्वेश्चन है निकालो अपने पास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो ये क्वेश्चन दिया गया है बोला जा रहा है कैलकुलेट द कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ एन ए सी एल सॉल्यूशन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ एन ए सी एल सॉल्यूशन इफ फाइव पॉइंट एट फाइव ग्राम ऑफ फाइव पॉइंट एट फाइव ग्राम ऑफ एन एस सी एल फाइव पॉइंट एट फाइव ग्राम ऑफ एन एस सी एल इज डिजोल्ड इन फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन ये क्वेश्चन दिया गया यह क्वेश्चन दिया गया है और इसके ऑप्शन दिए गए बेटा जल्दी जल्दी निकालो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जीरो पॉइंट वन एम जीरो पॉइंट टू एम इसके ऑप्शन दिए गए हैं जीरो पॉइंट थ्री टू एम और इसके ऑप्शन है जीरो पॉइंट फोर एम ये क्वेश्चन दिया गया है जेई मेन्स मतलब कल ही के अपने पास कल के पेपर में आया है जेई मेन्स दो हजार चौबीस सोचो एनटीए का पेपर है आप ही अटेम्प्ट करके देख लीजिए आप ही अटेम्प्ट करके देख लीजिए कॉन्सनट्रेशन टर्म्स के ऊपर बेस्ड बैस, ये क्वेश्चन आया है ठीक है कल के पेपर में ये देख लो जिसको लगता हो अब इसको मोल कॉन्सेप्ट में काउंट करो चाहे जहां काउंट कर लो अपने को क्या हो जाएगा मोलैरिटी का मतलब क्या था मोलैरिटी मतलब क्या होता है W2 टू बाई एम टू इन टू थाउजेंड बाई वॉल्यूम वॉल्यूम किसमें ml में बस इस फॉर्मूले पे पुट करना है इस फार्मूले पे पुट करना है 5.85 पॉइंट एट फाइव डिवाइड बाई फिफ्टी एट थाउजेंड अपॉन कितना लेना है 500 लेना है ये कितना टाइम्स हो गया 10 टाइम्स ये कितना हो गया अपने पास जीरो से जीरो गया जीरो से जीरो गया वन बाई फाइव वन बाई फाइव इज़ नथिंग जीरो पॉइंट टू एम कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट एम ये देख लो कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट एम क्या आंसर आ जाएगा बी सीधा सीधा फार्मूला पुट करके आंसर निकालना सीधा सीधा फार्मूला पुट करके आंसर निकालना है अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एनटीए ऐसे ही पूछता है बस एग्जाम हॉल में क्या होगा ना यही छोटी छोटी चीजें आप छोड़ दोगे अब आपको ही पता है जेई का exam, का एग्जाम 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 या नीट कोई भी है इसमें क्या है बहुत मतलब एग्जाम में 720 भी आ रहे हैं तब भी डर है कि भाई फर्स्ट रैंक आएगी कि नहीं आएगी क्यों क्योंकि सात पे ही पांच लोग बैठे हुए हैं तो यह वाली हालत क्रिएट हो गई है तो थोड़ा सा प्लीज अपने पास चलिए अब क्वेश्चन करते हैं जो मैं लेके आया हूं इनका बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा क्या होगा क्या आंसर आएगा सबका आंसर क्या आ रहा है यहां पर एस थ्री पीओ फोर की बात करें जब यहां रिएक्शन नहीं दी हुई है तो इसके हम लोग एन फैक्टर कितना ले लेंगे सर जितना भी एच प्लस दे सकता है देखो रिएक्शन नहीं दिया है तो हम इतना आयनाइजेबल ले लेंगे तो वो कितना आ जाएगा थ्री के इक्वल तो सर नॉर्मिलिटी क्या होती है मोलारिटी इन टू एन फैक्टर ले सकते हैं और यही चीज हम लोग यूज करेंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू वन इन टू थ्री कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा थ्री सिक्स और फाइव थ्री फिफ्टीन जीरो पॉइंट वन फाइव सिक्स थ्री क्या आंसर आ जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए किसकी नॉर्मलिटी और मोलारिटी सही फिट हुई है किसकी नॉर्मलिटी और मोलारिटी सही फिट हुई है बताओ किसकी नॉर्मलिटी और मोलारिटी सही फिट हुई है क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा अरे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है भाई यही सिली मिस्टेक्स तो कर देती है सारा का सारा बंटा धार क्योंकि अब एग्जाम हॉल पास में है एग्जाम हॉल का बस तुम्हें ही पता है अभी हमारी जरूरत सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए ये देख लो सर कौन सा करेक्ट रिलेशन है तो मुझे पता है इसका एन फैक्टर मोलरिटी दी है एन फैक्टर इसके केस में कितना होगा सर इसके केस में एन फैक्टर कितना होने वाला है मोलरिटी हाँ एन फैक्टर कितना होने वाला है इसके केस में अगर ए एल टू एस ओ फोर होल थ्राइज देखें तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा एन फैक्टर सर कितना होगा सर सिक्स हो जाएगा क्यों क्योंकि सर देख लो इसका चार्ज कितना होगा एल्युमिनियम पे प्लस थ्री होता है दो एल्युमिनियम है तो सिक्स हो जाएगा मोलारिटी दी गई है मोलारिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो सही है यार इसमें देखोगे तो सर इसका एस टू एस ओ फोर का एन फैक्टर क्या होगा एच टू एस ओ फोर का एन फैक्टर क्या होगा टू होगा और मोलारिटी दी गई अरे यार इसमें इनकरेक्ट बताना है करेक्ट बताना है इनकरेक्ट बताना था साहब क्या मोलारिटी दी है मोलारिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा मोलारिटी थ्री दी है इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मलिटी आ जाएगी यहां देखोगे तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना दिया है एन फैक्टर थ्री है तो मोलारिटी दी गई है नॉर्मलिटी ये गड़बड़ है इसकी मोलैरिटी दी गई है कितना हो जाएगा इसका इन फैक्टर फिर से कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा तो नॉर्मलिटी क्या हो गया अच्छा इनकरेक्ट बताना है क्या गड़बड़ हो रखा है यार क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन गलत नहीं है क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछना चाहिए था Çünkü, इनकरेक्ट इसको सही कर लो यार क्वेश्चन में इनकरेक्ट करना था इनकरेक्ट आना चाहिए था हाँ ठीक है इनकरेक्ट करना था करेक्ट पूछा है तो फिर यहां पर सारे ही करेक्ट हो जाएंगे ना उल्टा कर दिया है नहीं मुलेरिटी में अगर सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा ना मोलैरिटी में अगर सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे अब स्प्रिंट हो गया है भाई थोड़ा सा गलत लिख दिया है और कुछ नहीं इनकरेक्ट वो देना पड़ेगा ये देखो मोलैरिटी है मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करो एन फैक्टर से देखो थ्री आएगा तो सही तो है ये देखो सिक्स है ये देखना अपने पास ये सिक्स नॉर्मलिटी है सॉरी मोलारिटी है तो मोलारिटी थ्री है तो इसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो सिक्स इसकी मोलारिटी देखो वन है इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो थ्री आना चाहिए था बस नहीं आया यहां देख लो वन मोलारिटी है एन फैक्टर है मल्टीप्लाई करो सिक्स एन हो जाएगा ठीक है चलो डाइल्यूशन का बात करो डाइल्यूशन कर रहे हैं बताओ क्या आएगा डाइल्यूशन कर रहे हैं क्या होगा डाइल्यूशन कर रहे क्या हो जाएगा क्या होगा क्या होगा ये देख लो यहां पर हम लोग क्या करेंगे अगर नॉर्मलिटी की बात कर रहा है तो एन वन वी वन इज इक्वल्स टू एन टू वी टू लेंगे नॉर्मलिटी लेना है तो एक सिंपल सी चीज है ये देखना अपने पास सर उसका वॉल्यूम 2.5 है उसकी मोलारिटी कितनी है 0.2 पॉइंट एन फैक्टर कितना हो जाए घट टू मोलैरिटी दी है तो एन फैक्टर ले सकते हैं टू यहां पर नॉर्मलिटी कितनी है नहीं पता एन टू निकालना है वॉल्यूम कितना है जीरो है वॉल्यूम कितना है जीरो नॉर्मिलिटी क्या हो जाएगी सर 2.5 पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई जीरो होगा डेसिमल से डेसिमल चला गया ये फाइव टाइम्स हो गया नॉर्मिलिटी कितनी आ जाएगी टू एन आ जाएगी नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट टू मतलब सॉरी जीरो पॉइंट फोर इंटू टू फाइव अरे एक मिनट क्या किया मैंने टू पॉइंट अच्छा डेसी मीटर क्यूब है ओहो एक मिनट बेटा गड़बड़ हो गया 0.5 लीटर हो गया मतलब 500 क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये कितना हो जाएगा 500 डेसीमीटर क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा यूनिट गड़बड़ है ठीक है तो ये देख लो बहुत बढ़िया बेटा जिन लोगों ने सही किया बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं भी ट्रैप में फंस गया था और बहुत बढ़िया यार अगर किसी ने बहुत सही ठीक है ये देख लो अपने पास अगर मैं इसको डेसिमल डेसिमल उड़ा दूँ तो नीचे हंड्रेड हंड्रेड आ जाएगा सर ये ट्वेंटी फाइव इंटू फोर हंड्रेड ऊपर आ गया और हंड्रेड इंटू फाइव हंड्रेड आ गया वन बाई फाइव हंड्रेड को क्या लिख सकते हैं नॉर्मलिटी में जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू ये कितना आ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू डी इज द करेक्ट आंसर देख लो मैंने भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया देखो इनिशियल वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया था फाइनल वॉल्यूम कितना दिया था 0.5 डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब इज अगेन इक्वल टू लीटर और लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये देख लो इस तरह के क्वेश्चन फंस सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन फंस सकते हैं ठीक है थीके? हाँ ये देख लेना अपने पास ये अच्छे क्वेश्चन हैं इसलिए बोल रहा हूं दो चार ही क्वेश्चन करो बट अच्छे क्वेश्चन करो एसिड और बेस को मिक्स किया जा रहा है एसिड और बेस को मिक्स किया जा रहा है बताओ कौन सा किसका क्या बनेगा एसिड बचेगा बेस बचेगा नंबर ऑफ इक्वेलेंट निकालो नंबर ऑफ इक्वेलेंट निकालो करो अटेम्प्ट करो अटेम्प्ट क्या होता है क्या होगा यहां एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिली इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स लिखता हूं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स लिख देता हूं क्यों क्योंकि सर मिली लीटर है हंड्रेड इंटू वन बाई टेन कितना आ जाएगा टेन मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे फाइव हंड्रेड इंटू दिस कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे फाइव हंड्रेड इंटू वन बाई टेन कितने आ जाएंगे फिफ्टी मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे मिली इक्वेलेंस फिफ्टी आ गए किसके इक्विवेलेंट ज्यादा है किसके इक्वेलेंट ज्यादा है अरे मोलरिटी दिया है ओहोर फाइव हंड्रेड इंटू वन बाई टेन इंटू नॉर्मलिटी एन फैक्टर फिफ्टी मिली इक्वेलेंट आ गए इसके और इसके में देखोगे तो यहां पर इंटू टू करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी मिली इक्वेलेंट आ जाएंगे देख लो किसका एसिड का ज्यादा है या बेस का ज्यादा है एसिड का ज्यादा है या बेस का ज्यादा है क्या हो जाएगा एसिड का ज्यादा है या बेस का ज्यादा है एसिड का कम है बेस का ज्यादा है तो ऑब्वियस सॉल्यूशन क्या बचेगा बेसिक बचेगा तो पहले ये दोनों ऑप्शन हटा दो किसके इक्वेलेंट ज्यादा है बेस के ज्यादा है तो अपने पास नेचर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन तो क्या बचेगा बेसिक बचेगा अब ओ एच आयन कितना आएगा तो सर कुछ नहीं उसके मिली इक्वेलेंट फिफ्टी माइनस ट्वेंटी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सिक्स ये देख लो थर्टी

ये तो रिपीट हो गया एक मिनट चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो क्या होगा रिडक्टेंट या ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा टू से मल्टीप्लाई इसलिए किया था बिकॉज एस टू फोर का एन फैक्टर टू था एन फैक्टर टू होता है लीटर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर दोनों साइड वॉल एम एल एम एल है तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दोनों साइड ही लीटर लीटर से कन्वर्ट करना पड़ेगा इसलिए हमें टेंशन नहीं उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यही फंस गए तुम लोग डी क्यों होगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के केस के में भाई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में यही फॉर्मूला होगा ना यार यही फॉर्मूला होगा ये बी और डी इसने किसका फॉर्मूला पूछा है डी क्यों होगा ऑल अफ दफ क्यों होगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में रिडक्टेंट या ऑक्सीडेंट के केस में सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करता है क्योंकि खुद को रिड्यूस करेगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा खुद को लूज करेगा तो भाई डी कैसे आंसर आ जाएगा डी थोड़ी ना आंसर होगा डी इज नॉट द करेक्ट आंसर डी आंसर नहीं आएगा भाई अरे ये सब के अगर कोई पूछता है इक्वेलेंट मास कौन कौन सा होता है किसी का भी पूछता तो मैं तीनों फॉर्मूले सही मानता लेकिन इसमें तो सीधा सीधा बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट तो फिर क्यों मैं ए आंसर मारूंगा फिर मैं क्या मारूंगा ए आंसर करूंगा फिर मैं ए आंसर करूंगा देखो इक्वेलेंट मास पूछ रहा है फॉस्फोरिक एसिड का बताओ कितना होगा इक्वेलेंट मास इस रिएक्शन में इक्वेलेंट मास कितना होगा इस रिएक्शन में इक्वेलेंट मास कितना होगा इस रिएक्शन में कि मास कितना होगा इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा सर यहां एन फैक्टर कितना है एन फैक्टर है कितना उसका एन फैक्टर सर वन है क्यों क्योंकि देखो एक एच प्लस दे रहा है एक ही एच प्लस दे रहा है तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा मोलर मास मोलर मास इसका कितना होगा सर नाइन्टी एट बाई वन कितना हो जाएगा नाइन्टी एट कितना इक्विवेलेंट मास आ जाएगा यही आ जाएगा पक्का श्योर हो तो ये नाइन्टी एट बाई वन कोई भी इक्विवेलेंट एक ही एच प्लस दे रहा है ना एक ही एच प्लस दे रहा है तो यहां देख लो अपने पास एक ही एच प्लस दे रहा है तो निकालते चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी ये क्वेश्चन क्या है डाई बेसिक एसिड है डाई बेसिक एसिड का मतलब क्या हो गया एन फैक्टर कितना हो गया इसका एन फैक्टर कितना हो गया इस एसिड का टू हो गया सर नॉर्मलिटी दी हुई है सर मास वॉल्यूम भी दिया हुआ है मास बताना है तो नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में नॉर्मलिटी क्या होती है सर गिवन मास मोलर मास मोलरिटी इन क्या लिखते हैं मोलारिटी इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम एम एल में मोलारिटी इंटू एन फैक्टर लिख देते हैं साथ सब कुछ दिया हुआ है वैल्यूज पुट करो आंसर आएगा नॉर्मलिटी कितनी है जीरो पॉइंट वन गिवन मास कितना है गिवेन मास कितना है अपने पास डब्ल्यू टू कितना है नहीं पता यही निकालना है मोलर मास कितना है सर दो सौ थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम किस में लेंगे एम में वॉल्यूम किस में लेंगे तो वॉल्यूम हंड्रेड एम ले लिया इन टू एन फैक्टर एन फैक्टर क्या होने वाला है तो एन फैक्टर देख लो यहां पर टू ले सकते हैं तो ये देख ले भाई ये टेन हो गया और डब्ल्यू टू की वैल्यू टेन इंटू जीरो पॉइंट वन मतलब वन ग्राम आ गया डब्ल्यू टू की वैल्यू कितनी आ गई वन ग्राम आ गई वन ग्राम आ गया निकाल दो अपने पास वन ग्राम आ जाएगा तो नॉर्मलिटी के क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे सर आपको बाकी कॉन्सेंट्रेशन टप के क्वेश्चन आपको सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड मिलेंगे सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड मिलेंगे आप उनको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूँ अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूँ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए क्या मिलेगा क्या मिलेगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 परसेंट मास बाय वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम मतलब w बाई वी इसका मीनिंग क्या होगा KOH का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा ध्यान से सुनना आपने जब शुरुआत किया था हमने यही तो शुरू किया था 2.8 ग्राम ऑफ इज प्रेजेंट इन 2.8 ग्राम ऑफ इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यही तो पढ़ा था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यही पढ़ा था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था 2.8 पॉइंट एट ग्राम ऑफ केवेज इज प्रेजेंटेड हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन हंड्रेड ग्राम नहीं हंड्रेड एमएल लेंगे क्यों क्योंकि सर यहां मास बाई वॉल्यूम है मास बाई वॉल्यूम है देख लो मोलैरिटी पूछ रहा है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास into थाउजेंड अपॉन थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम इन एम एल ले लेंगे सर मोलरिटी निकालना है तो कैसे निकलेगा टू पॉइंट एट एच का मास कितना होगा सर फिफ्टी सिक्स होगा इन टू थाउजेंड अपॉन कितना हो गया वन बाई टू दैट इज जीरो पॉइंट फाइव कितनी मोलारिटी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी कितनी मोलारिटी आ जाएगी 0.5 एम आ जाएगी कितनी मोलारिटी आएगी 0.5 एम आ जाएगा पक्का कितना आ जाएगा 0.5 एम आ जाएगा श्योर हो पॉइंट चले चलो एक दो क्वेश्चन और देखो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन निकालो मुलालिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन वाला क्वेश्चन करो जल्दी मोलरिटी और मोलालिटी वाला जल्दी खत्म करो बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मेजर पार्ट खत्म मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया है सॉल्वेंट निकालना है सॉल्वेंट का निकालना है तो सर मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन टू थाउजेंड अपॉन सर क्या लिखते हैं सर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मोलॉलिटी कितनी है थ्री मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सर एक काम करते हैं सॉल्वेंट का निकालना है तो एक्स ले लेते हैं ये वन माइनस एक्स थाउजेंड अपॉन एक्स सॉल्यूशन है मतलब पानी होगा मैंने सॉल्वेंट का क्या ले लिया मोल फ्रैक्शन एक्स ले लिया क्यों क्योंकि मुझे वही निकालना है तो मैं क्यों ज्यादा मेहनत करूं इसको एक्स लूंगा ये क्या हो गया वन माइनस एक्स इन टू थाउजेंड अपॉन एटीन कर दूंगा ये देख लो अब सॉल्व करने जाऊंगा तो सर यहां पर क्या हो जाएगा ये कितना हो गया फिफ्टी फोर एक्स इज नथिंग थाउजेंड माइनस थाउजेंड एक्स थाउजेंड एक्स इधर गया तो वन थाउजेंड फिफ्टी फोर एक्स इज इक्वल्स टू थाउजेंड हो गया एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी थाउजेंड अपॉन वन थाउजेंड फिफ्टी फोर सर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा मतलब जीरो पॉइंट नाइन फाइव के आसपास पहुंच जाएगी आंसर क्या आ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर आंसर क्या आ जाएगा डी आंसर क्या आ जाएगा डी अपने पास डी इज द करेक्ट आंसर तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्स सॉल्यूशन ऑफ एनवे यूजिंग हैविंग मोलालिटी एतना मोलालिटी का रिलेशन इसके साथ रिलेट कर सकते हैं ठीक है पक्का अब मोल फ्रैक्शन की मोडलिटी के साथ एक चीज और पीपीएम निकाल के दिखा दो पीपीएम निकाल के दिखाओ पीपीएम कैसे निकलेगा ये कितना पीपीएम आएगा कितना पीपीएम आएगा क्या होगा पी निकालना है तो पी के लिए क्या करेंगे के का पी निकालना है मास दिया है मास के रिस्पेक्ट में ही निकालना है टोटल मास कितना हो गया 100 क्यों क्योंकि सर यहां पर ना बहुत छोटी वैल्यू है वो तो इसको हम लोग सीधा सीधा पी के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं टेन की पावर सिक्स से ये कितना हो जाएगा सर डिवाइड बाई थाउजेंड हो जाएगा तीन डेसिमल उतरे तो सर ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव सर छः जीरो ऊपर है पाँच जीरो नीचे है तो 250 ppm हो गया क्या आंसर आएगा 250 फिफ्टी पी आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा अब यहां पर देख लो कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स अपना आप खत्म होता है अब कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स हम लोग फिनिश कर रहे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स हम लोग फिनिश कर रहे और कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स के बाद अब हम लोग आ रहे हैं सॉल्यूशंस पे कि सॉल्यूशंस आखिर थे क्या तो सॉल्यूशन्स हमें पता है कि सॉल्यूशंस की अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन्स क्या था होमोजीनियस मिक्सचर था सॉल्यूशन क्या था होमोजीनियस मिक्सचर होता है सोल्यूशन क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है सर होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है ठीक है सॉल्यूट होता है सॉल्वेंट होता है अलग अलग सॉल्यूट अलग अलग सॉल्वेंट के साथ चल रहे होते हैं यहां पर एनसीआरटी में टेबल देखोगे तो ऐसा टेबल मिल जाएगा सॉल्यूट इन सॉल्वेंट यहां सॉल्यूट ये सब है सॉल्वेंट ये सब है गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है सर लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है गैसियस सॉल्यूशन में गैस इन गैस लिक्विड इन गैस सॉलिड इन गैस ठीक है तो गैस एंड लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं और इसी टाइप के सॉल्यूशन में हम लोग ये भी जानते हैं कि सॉल्यूशन में हम लोग को तो सिर्फ और तो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है मतलब जहां दो ही कंपोनेंट हो उसी की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ दो ही कैलकुलेशन करेंगे पक्का ठीक है तो सॉल्यूशन क्या है होमोजीनियस मिक्सचर है अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं बाइनरी सॉल्यूशन क्या है तो उसके लिए देख लो पक्का अब देखो गैसीय सॉल्यूशन हो चाहे लिक्विड सॉल्यूशन हो चाहे सॉलिड सॉल्यूशन हो हम एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम होगा सॉलिबिलिटी उसको हम बोलेंगे सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी क्या होती है सॉलिबिलिटी क्या होती है सॉलिबिलिटी देखो अपने पास िटी क्या होगी अगर मुझसे बोला जाए कि सॉलिबिलिटी के बारे में बात करें तो सॉलिबिलिटी किसको बोलते हैं किसी भी लिक्विड को अगर लिक्विड हो या सॉलिड हो सॉल्यूट है सॉल्वेंट में डालेंगे सोलिबिलिटी क्या होगी तो सोलिबिलिटी इज नथिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट कैन बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट कैन बी डिजॉल्व दैट कैन बी डिजॉल्व इन That can be dissolved in that can be dissolved in given amount of given amount of solvent at constant temperature and pressure at constant temperature and pressure. Ye

िटी को ऑन द बेस ऑफ सॉलिबिलिटी सोल्यूशन क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन करने जाए तो हमारे पास तीन टाइप के सोल्यूशन आते हैं एक को बोलते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन एक को बोलते हैं हम लोग अनसेड सोल्यूशन एक को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन और तीसरा हो जाता है तीसरा हो जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन में देख लो सैचुरेटेड लू ये अलग अलग तीन टाइप की क्लासिफिकेशन हो जाएगी कैसे ऑन द बेस ऑफ सॉलिबिलिटी मतलब यहां पर क्या है कि सर यहां पर मोर सोल्यूट कैन बी मोर सोल्यूट कैन बी एडेड अभी आप सोल्यूट एड कर सकते हो अभी आप सॉलिबिलिटी अचीव नहीं कर पाए कैन बी एडेड टू अ गिवन अमाउंट ऑफ टू अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट याद रखना सॉल्वेंट चेंज मत करते रहना पता चला सॉल्वेंट चेंज कर दिया फिर फायदा नहीं एट गिवन टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर सॉल्वेंट और ये सब चीजें चेंज मत कर देना पता चला अनसे मतलब अभी और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हो यहां पर सैचुरेटेड का मतलब होता है कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड अब इससे ज्यादा सॉल्यूट एड नहीं कर सकते नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू गिवन अमाउंट ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवेन टेम्परेचर एट गिवेन टेम्परेचर ठीक है एट गिवेन टेम्परेचर ये देख लो अपने पास यहां पर अगर मुझसे किसने पूछ लिया सर सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है तो सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है कि मोर सॉल्यूट इज एडेड मोर सॉल्यूट इज एडेड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर इट इज गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर यहां पर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तीन टाइप के सॉल्यूशन आते हैं कौन कौन से अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड ये जो सैचुरेटेड वाला है ये क्या होता है हमेशा इक्लिबेरियम पे होता है एट इक्वेरियम होगा इक्लिबेरियम होगा इक्लिबेरियम पे बोलते हैं कि सर इसके बाद अगर आप कोशिश करोगे जैसे बोलते ना दिमाग सैचुरेट हो जाता है कुछ लोगों का हो गया होगा कि दो घंटे में अब दिमाग सैचुरेट हो गया तो दिमाग सेचूरेट का मतलब क्या हो गया कि सर अब इससे ज्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते अब इससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते अब उनको मोटिवेशन चाहिए कि भाई साहब अब सिलेक्शन के लिए पढ़ना है अब ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन अभी के टाइम पर क्या ही मोटिवेशन गिन के पच्चीस मतलब 28 दिन बचे हैं अब एग्जाम में तो अब क्या ही मोटिवेशन चाहिए मोटिवेशन सबसे बड़ा 28 दिन बाद ही पता चल जाएगा ठीक है तो ये देख लो अपने पास हाँ एटिक्लिबेरियम यह आता है सुपर सैचुरटेड याद रखना हाई टेम्परेचर पे दिखाया जाता है हाई हैचर पे होता है सुपर सेचुरेटेड क्या होता है हाई हैचर पे होता है तो सोलिबिलिटी के बेस पे हम सॉल्यूशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं सॉलिबिलिटी के बेस पे हम सॉल्यूशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं तो ये देख लो सॉलिबिलिटी अपने पास याद रखना सॉलिबिलिटी जब भी मेजर की जाएगी सॉलिबिलिटी जब भी मेजर की जाएगी हमेशा सॉलिबिलिटी मेजर की जाती है इन मोल्स पर लीटर अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो और 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 अगर मोल फ्रैक्शन में मेजर किया जाएगा सॉल्युबिलिटी को अगर सामने वाला गैस में है तो मोल फ्रैक्शन में मेजर करा जाएगा अगर सामने वाला गैस में है तो याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी मेजर करने के लिए लिक्विड सॉल्यूशन में मोल्स पर लीटर लेते हैं गैस के लिए क्या लेते हैं गैस के लिए मोल फ्रैक्शन लेते हैं मोल फ्रैक्शन लेते हैं बिलिटी हमें तीन लोगों का पढ़ना है सबसे पहले सॉलिबिलिटी किसकी पढ़ेंगे हमारे सॉल्यूशन में सॉलिबिलिटी तीन लोगों की है कौन कौन से सॉलिड इन लिक्विड 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 और फिर गैस इन लिक्विड ठीक है तो हम लोग यहां पर देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉलिड क्या है तो सर ये क्या है सॉल्यूट है और ये क्या है सॉल्वेंट है ध्यान देखना अगर सॉलिड सॉल्यूट अगर मिक्स हो रहा है सॉलिड सॉल्यूट अगर लिक्विड सॉल्वेंट के साथ सॉलिड सॉल्यूट अगर लिक्विड सॉल्वेंट के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो क्या बनाएगा सॉल्यूशन बनाएगा ये सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो सॉलिबिलिटी होती है अब देखना ध्यान से ये जो सॉलिबिलिटी होती है ये जो सॉलिबिलिटी होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी इसकी जो सॉलिबिलिटी होगी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा ध्यान से देखना कब सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी कब कम होगी ये देख लो सबसे पहले नेचर ऑफ सॉलवेंट पे सॉल्वेंट पे क्यों क्योंकि सर सॉल्वेंट एक बेसिक रूल फॉलो करता है सॉल्वेंट एक बेसिक रूल फॉलो करता है सॉल्वेंट पर एक बेसिक रूल फॉलो करता है क्या सॉल्वेंट एक बेसिक रूल फॉलो करता है लाइक डिजॉल्व लाइक सॉल्वेंट एक बेसिक रूल फॉलो करता है किसको लाइक डिजॉल्स लाइक जिस नेचर का सॉल्वेंट होगा उसी को डिजॉल्व करता है लाइक डिजॉल्व लाइक जैसे हम बर्बाद होने वाले हैं तो हम बर्बाद वाले दोस्तों को बनाएंगे ठीक है अगर आबाद होने वाले हैं तो आबाद वाले दोस्तों से बनाएंगे बात करेंगे लाइक डिजॉल्वस लाइक सर जैसी जैसी इच्छा वैसे लोग मिल जाते हैं मतलब अगर सर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट किसको डिजोल्व करता है पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व पोलर सॉल्यूट और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ डिजोल्व होता है जैसी अपनी टेंडेंसी होगी वैसे ही दोस्त मिल जाएंगे आपको नॉन पोलर सॉल्यूट मिल जाएगा ठीक है नॉन पोलर सॉल्वेंट मिल जाएगा तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट लाइक लाइक पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्यूट सोल्यूटॉल्स नॉन पोलर सॉल्यूट ठीक है अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ सॉल्यूट की नेचर ऑफ सॉल्यूट की तो सॉल्यूट में भी दो टाइप के हो जाएंगे सॉल्यूट कैसा होना चाहिए सर सॉल्यूट दो टाइप का हो जाएगा कौन कौन सा ये देख लो सॉल्यूट सर अगर कोवेलेंट कंपाउंड है कोवेलेंट सॉल्यूट है कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट कंपाउंड अपने पास अलग होगा और अगर आयनिक कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड है आयनिक सॉल्यूट है तो इसकी सॉल्युबिलिटी अलग लेवल पे होगी आयनिक सॉल्यूट और कोवेलेंट सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग फ्लक्चुएट करती है कैसे ये देखना ये देखना आय कोवेलेंट में भी दो टाइप के होते हैं अगर वो पोलर कोवेलेंट है अब आप सब लोग केमिकल बॉन्डिंग कर चुके हो तो पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट इज सोलिबल इन इज सॉल्यूबल इन पोलर सोलवेंट और अगर नॉन पोलर कोवेलेंट है अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो सर नॉन पोलर सोल्यूट क्या होगा इज सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट अब आपको यह सब पोलरिटी क्या होती है नॉन पोलर क्या होता है यह सब आपको पता है कैसे आप सबने केमिकल बॉन्डिंग कर लिया है तो यह हो जाएगा ठीक है ये देख लो आइनिक सॉल्यूट है तो आइनिक सॉल्यूट में क्या होता है कोई भी आइनिक कंपाउंड तभी डिसॉल्व करता है कोई भी आइनिक कंपाउंड तभी डिसॉल्व करता है जब वो क्या बना दे देख लेना अपने पास अब आपको थोड़ा सा थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग वाली चीजें याद दिलाता हूं आइनिक कंपाउंड तब डिसॉल्व करता है जब आयनिक कंपाउंड तब डिजोल्व करता है जब उसका ये जो एनर्जी होती है इसको आप सब लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं लैटिस इनर्जी बोलते हैं ये क्या होती है लैटिस एनर्जी होती है ये जो एनर्जी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा याद रखिएगा कोई भी आयनिक कंपाउंड तभी सॉलिबल होगा ये सोलिबल तभी होगा सर जब क्या हो जाए सर जो लैटिस इनर्जी है ना उसका वो जो है वो ग्रेटर हो किससे हाइड्रेशन एनर्जी से लैटिस एनर्जी इज स्मॉलर देन हाइड्रेशन एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी से कम होना चाहिए लैटिस एनर्जी तभी क्या होगा सोल्यूबल कहलाएगा तो देख लो सॉल्यूट पे डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है सॉल्यूट पे डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है सर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए लाइक like, लाइक सर जो पोलर है वो पोलर को डिजोल्व करता है नॉन पोलर नॉन पोलर को डिजोल्व करता है नॉन पोलर नॉन पोलर को डिजोल्व करता है यहां पर देखोगे तो यहां पर हम लोगों के साथ सीधा सीधा देखेंगे तो ये सब चीजें आएंगी उसके बाद यहां पर कोई बोल दे कि सर तीसरा फैक्टर टेम्परेचर टेम्परेचर भैया टेम्परेचर के केस में दो चीजें टेम्परेचर के केस में दो चीजें होती आप सबने घर में चाय वे कहीं बनाने की कोशिश की हो जिनके एग्जाम्स हैं आप लोग थोड़ा जगने उगने के लिए आजकल चाय बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या कर रहे होते हैं कि सर जैसे जैसे अगर ये प्रोसेस अगर क्या है अगर ये सॉल्यूशन या एक्सोथर्मिक है मतलब सॉलिड सॉल्यूट अगर ये प्रोसेस ये जो रिएक्शन हो रही है लिक्विड सॉल्वेंट अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है जैसे चाय बनाना क्या होता है हम हीट देते हैं तो अगर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो उस केस में ये देख लो अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है देन सॉलिबिलिटी जो होगी सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर सॉलिबिलिटी किसके साथ इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी और अगर प्रोसेस इफ प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक अगर यह प्रोसेस एक्जोथर्मिक है तो अपोजिट चला जाएगा अगर प्रोसेस एक्जोथर्मिक है तो देन सॉलिबिलिटी इज सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सर तो तीन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बाकी प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं प्रेशर के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिड लिक्विड का प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता नो इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड नो इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड नो इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कोई इफेक्ट नहीं होता नो इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड नो इफेक्ट सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ठीक है हो जाएगा सर याद रखिएगा जब भी आपसे कोई बोल दे तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आपसे कोई बोलेगा तो ये बेसिक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भैया जब भी कोई रिएक्शन का बोलेगा कि सर सॉलिड होगा सॉलिड सॉल्यूट है लिक्विड सॉल्वेंट में एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये ध्यान रखना अपने पास एनसीईआरटी में सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो सबके नेचर पे डिपेंड करता है लाइक डिजॉल्वस लाइक एक बेसिक नेचर है और दूसरा टेम्परेचर अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो आपको ही पता है चाय बनाते टाइम टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है अगर प्रोसेस एक्जोथर्मिक है तो चाय मतलब एक्सोथर्मिक है तो वहां सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज कर जाएगी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी पक्का अब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता अगर मुझसे कोई बोल दे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सर दूसरा देखो अब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये क्या कहता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्लास चलेगी बेटा चार पाँच बजे तक तो चलेगी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड गैस एंड लिक्विड की सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं अगर गैस सॉल्यूट है ये क्या है गैस सॉल्यूट हो गया गैस क्या हो गया सॉल्यूट हो गया लिक्विड क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया गैस क्या हो गया सॉल्यूट लिक्विड क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया अब अगर गैस सॉल्यूट को आप लिक्विड सॉल्वेंट में सोच रहे हो गैस एक बहुत रैंडम आदमी है उसको आप लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने जाओगे तो वो क्या बना देगा सॉल्यूशन तो बनाएगा लेकिन याद रखना ये प्रोसेस जो होगा ना ये जो प्रोसेस होगा ये हमेशा के लिए क्या होगा एक्सोथर्मिक होगा ये प्रोसेस क्या होगा एक्सोथर्मिक होगा ये प्रोसेस क्या होगा एक्सोथर्मिक होगा और जो एक्सोथर्मिक होता है तो उसमें सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज कि सर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज अगर गैस इन लिक्विड की बात करें तो इसकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी क्यों क्योंकि सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्यों क्योंकि सर एक्स क्या क्योंकि सर एज दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक क्योंकि प्रोसेस जब एक्सोथर्मिक होता है तो ऑब्वियस है आप उस केस में ली चैटलियस प्रिंसिपल लगाएंगे तो आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी हीट इधर है हीट इधर है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे हीट बढ़ाएंगे रिएक्शन कहाँ चली जाएगी पीछे की तरफ सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो याद रखिएगा इस केस में आपसे कोई पूछे तो सबसे पहला काम टेम्परेचर कम होना चाहिए और इसका एप्लीकेशन भी याद रखिएगा इसके एप्लीकेशन दो मिल जाएंगे आपको इस टॉपिक का इसका एप्लीकेशन दो मिल जाएगा क्या सर सबसे पहले सबसे पहले आप जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स हम जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है सीओ टू गैस होता है ना सीओ टू गैस होता है किस में सीओ टू गैस इन लिक्विड होता है जितना भी आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो जाए थम्सअप हो चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स आर प्रिफरेबल एट लो टेम्परेचर क्यों आपने देखा होगा भाई हमेशा कोल्ड ड्रिंक जितना भी पीते हैं कोल्ड टेम्परेचर पे ही पीते हैं गर्म टेम्परेचर पे नहीं पीते क्यों क्योंकि उसके अंदर जो गैस डिजोल्व है जो गैस डिजोल्व है कौन सी सीओ गैस वो जो सीओ गैस है ना जो सीओ गैस अपने डिजोल्व है वो अपने पास वो लिक्विड के अंदर वो जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगी तभी देखोगे जितना चिल्ड कोल्ड ड्रिंक होगा जितना चिल्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा वो उतना पीने के बाद ना मज़ा आएगा कि हाँ यार खूब अच्छा पिया हमने खूब मजा आ रहा है जितना चिल्ड होगा अपने पास तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली पोशन इनवर्सली पोशन टू टेम्परेचर एंड दूसरा अगर दूसरा एप्लीकेशन देखोगे तो ये क्या है एक्वेटिक स्पेसीज जो होती हैं एक्वेटिक स्पेसीज जो होंगी एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वॉटर क्यों क्योंकि सर देन हॉट वाटर ऐसा क्यों एक्वेटिक जितने पानी के जो एक्वेटिक स्पेसीज होती हैं उनके लिए क्या होता है कि सर उनको क्या चाहिए उनको क्या चाहिए उनको अपने पास ऑक्सीजन गैस चाहिए किसके अंदर उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर चाहिए और वो कब ज्यादा अच्छा मिलेगा जब टेम्परेचर क्या हो जाए कम क्योंकि ऑक्सीजन गैस जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ऑक्सीजन गैस क्या होगा पानी के अंदर डिजोल्व होता चला जाएगा पानी के अंदर डिजॉल्व होता चला जाएगा पक्का पानी के अंदर डिजॉल्व होता चला जाएगा पक्का ये देखो दूसरा दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है दूसरा ये, दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है पहला फैक्टर तो टेम्परेचर आ गया दूसरा फैक्टर सर दूसरा फैक्टर कि सर नेचर ऑफ गैस गैस कैसा होना चाहिए तो सर नेचर ऑफ गैस गैस कैसा होना चाहिए तो पहली चीज पहली चीज गैस अगर मैं पहली चीज बोलूं गैस शुड नॉट बी शुड नॉट रिएक्ट विथ गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ लिक्विड एक तो गैस रिएक्ट ना करे लिक्विड के साथ ठीक है गैस रिएक्ट ना करनी चाहिए पहली चीज़ नेचर ऑफ गैस ये होना चाहिए गैस रिएक्ट ना करे और दूसरा सर दूसरा अपने पास किसी गैस होना चाहिए जो गैस ये क्या होना चाहिए गैस शुड बी ईजिली लिक्विफिएबल मतलब आराम से लिक्विफाई हो जाए लिक्विफिएबल आराम से लिक्विफाई हो जाए तभी तो देखते हैं हम लोगों के पास क्या आता है जितना भी हम लोग देखते हैं गैस शुड बी ईजिली लिक्विफिएबल आराम से लिक्विफाई हो जाए गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ लिक्विड गैस रिएक्ट ना करे लिक्विड के साथ और दूसरा गैस आराम से लिक्विफाई हो जाए गैस शुड ईजिली लिक्विफाइड लिक्विफिएबल ठीक है वो गैस हमेशा क्या हो जाए ईजिली लिक्विफिएबल हो जाए पक्का तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है एक तो गैस रिएक्ट ना करना चाहिए दूसरा गैस आराम से लिक्विफाई होना चाहिए एंड थर्ड वन प्रेशर इसके ऊपर ही एक लॉ बनता है ध्यान सुनना प्रेशर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ये बात ना मैं ऐसे लिख रहा हूं ये चीज किसने बोला था ये बोला गया था ये बोला गया था हेनरीज लॉ ये किसने बोला था एक साइंटिस्ट हेनरीज ने और इसी के ऊपर क्या नाम दे दिया गया हेनरीज लॉ इसके ऊपर क्या नाम दे दिया गया सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इसी का नाम क्या दे दिया गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इसी का नाम हो गया हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ अब यहां पर दो तरीके है। हैं हेनरीज ने क्या बोला कि सर हम ना गैस इन लिक्विड ले रहे हैं तो सॉलिबिलिटी को एस ले लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी और सॉलिबिलिटी को उसने क्या मेजर करना शुरू कर दिया कि सर अलग अलग तरीके से मेजर करेंगे तो एस वन बाई एस टू सॉलिबिलिटी अलग अलग तरीके से मेजर करेंगे पी वन बाई पी टू लोगों ने बोला सर सॉलिबिलिटी क्या हो सकती है उसने बोला सर एक काम करते हैं के पी कर देते हैं के क्या है कॉन्स्टेंट है ये देख लो सॉल्युबिलिटी क्या लेंगे अब देखना सॉल्युबिलिटी अलग अलग लोगे सर अव्य है अव्य है के का यूनिट क्या होगा अलग अलग होगा कैसे देखना अगर सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर लोगे तो के का यूनिट क्या होगा मोल्स पर लीटर लोगे तो ये मोल्स पर लीटर पर प्रेशर का जो भी यूनिट होगा एटीएम इनवर्स अगर सॉल्युबिलिटी किसने बोल दिया सर ग्राम पर लीटर लूंगा सॉल्युबिलिटी तो इसने क्या ले दिया सर ग्राम पर लीटर एटीएम इनवर्स तो लोगों ने बोला यार ये बेकार है क्यों क्योंकि सर ये टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है जो भी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है जो भी वॉल्यूम के ऊपर जहां भी टर्म वॉल्यूम टर्म आता है वो चीज ना टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो लोगों ने बोला नहीं यार ये चीज ध्यान रखना ये चीज ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ही लिखवानी थी यहां एक टर्म लिख लो ध्यान सुनना एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज या टर्म्स या टर्म्स याद रखना अपने पास ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि जिनमें टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन होगी सर वेन वॉल्यूम इज यूज या वॉल्यूम टर्म इज यूज्ड उसको हम लोग क्या बोल देंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों क्योंकि सर वॉल्यूम टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है जैसे अगर तुमसे बोल दिया जाए तो मोलैरिटी हो गया ये सब कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा मोला Molar, मोलरिटी हो गया नॉर्मिलिटी हो गया नॉर्मिलिटी हो गया सर अपने पास वॉल्यूम परसेंटेज हो गया सर वॉल्यूम बाई ये वॉल्यूम परसेंटेज हो गया मुझसे किसने बोल दिया स्ट्रेंथ हो गया ये सब कुछ क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट है लेकिन अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वान्टिटीज़ की बात

ये सब चीजें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाती हैं ये ध्यान रखना ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है तो ये ध्यान रखना अपने पास ये अपने को ये थोड़ा सा अलग हमने गैस के केस में तुम्हें ही पता है गैस के केस में हम लोग ने क्या पढ़ा कि सर सॉलिबिलिटी होगी गैस एंड लिक्विड में ये देखेंगे मुझे बोल दिया गया सॉलबिलिटी सर मोल्स पर लीटर में ले ले तो ठीक है भाई तेरा ये यूनिट हो जाएगा ग्राम पर लीटर में लेगा तो ये यूनिट हो जाएगा लोगों ने बोला नहीं सर ये पसंद नहीं यहाँ पर आए कौन से यहाँ पर आए डोल्टनस भाई साहब और डाल्टन ने बोला कि यार डोल्टनस इंटरप्रिटेशन सेम लॉ का डॉल्टन ने इंटरप्रिटेशन करके दिखाया उन्होंने बोला कि सुनिए सॉल्युबिलिटी को ना गैस के लिए आप मोल्स पर लीटर में मत मेजर कीजिए गैस के लिए आप किस में मेजर करेंगे मोल फ्रैक्शन में तो इन्होंने बोला जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा सॉल्युबिलिटी और गैस के लिए सॉल्युबिलिटी किस में मेजर की जाएगी सर मोल फ्रैक्शन में और पी इज इक्वल्स टू केज इनटू काई कर दिया े फॉर्मूला आप एनसीईआरटी में खूब पढ़ेंगे P इज इक्वल्स टू केच इन टू काई कर दिया केच क्या है सर ये हेनरीज कांस्टेंट है केच क्या है हैनरीज कांस्टेंट है डॉल्टन ने बोला चलो आपके नाम पे यूनिट लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है यूनिटलेस होता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है यूनिटलेस होता है तो हेनरीज कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या होगा सर यूनिट ऑफ प्रेशर ही इसका यूनिट आ जाएगा तो लोगों ने बोला अच्छी बात है प्रेशर का यूनिट ही यूनिट ऑफ प्रेशर आ रहा है यहां पर देखना तुमसे एक दो चीजें पूछ देता हूं अगर प्रेशर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर अगर कांस्टेंट प्रेशर हो जाए तो सर सॉलिबिलिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एक दूसरे के इनवर्सली पोषण होंगे क्यों क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है इनवर्सली पोषण चलता है अगर नॉर्मल बोला जाए कभी भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर में बोला जाए तो हमेशा हमारे लिए प्रेशर क्या रहता है कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर क्या रहेगा कॉन्सटेंट तो केच की वैल्यू बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी केच की वैल्यू बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर केच बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो पक्का अब इसके ऊपर कैलकुलेशन मिलेगा कैलकुलेशन करते रहना सर याद रखना p इज इक्वल्स टू के एच इंटू काई पी इज इक्वल्स टू के एच इंटू काई जो कांस्टेंट है हैनरीज कांस्टेंट अब हेनरीज कांस्टेंट मैंने क्या बोला सर प्रेशर अपने पास देखना प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी इंक्रीज होगी सर अगर प्रेशर और सॉलिबिलिटी का ग्राफ खींचा जाए प्रेशर और सॉलिबिलिटी का ग्राफ खींचा जाए तो वो कैसा जाएगा स्ट्रेट लाइन स्लोप कितना होगा के एच हो जाएगा स्लोप कितना होगा के एच हो जाएगा तो ये हेनरीज कांस्टेंट का आ जाएगा डाल्टन ने ये बताया बोला कि भाई साहब बहुत बढ़िया आप लोग ऐसे ऐसे करिए अपने पास देखिए मूल फ्रैक्शन यूनिटलेस ये सब चीजें आ जाएंगी श्योर हो स ध्यान रखना कि भैया डोल्टन लॉ में बस क्वेश्चन में देख लेना मोल फ्रैक्शन जब निकालते हो ना यहां देख लो अपने पास P पीव टू के लोगे उसी गैस का मोल फ्रैक्शन लोगे सर कभी कभी क्या होगा आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो एक सिंपल सी चीज बता देता हूं न्यूमेरिकल में क्या आएगा सर आपको ना एक सिंपल चीज बताई जाएगी अगर आपका मोल फ्रैक्शन अगर आपका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू वेरी लो है वेरी लो

बस ये ध्यान रखना अपने पास आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि कैलकुलेशन में ये खूब आएगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होती है तो आपको ये खूब देखने को मिलता है काई की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो नंबर ऑफ़ गैस प्लस लिक्विड को आप क्या ले लोगे कैलकुलेशन करते टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड ले लेना ठीक है ना तो ऐसे ले लिया जाएगा ओके ये देख लेना अपने पास बाकी इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे से आएंगे बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे काई की वैल्यू बहुत छोटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लेस देन लिक्विड निकाल लो पक्का हो जाएगा श्योर हो अब देखना मुझसे किसने पूछ लिया कि सर ये डॉल्टन लॉ हेनरीज लॉ है हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशन है क्या लिमिटेशन है हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या है तो हेनरीज लॉ की लिमिटेशन देखोगे तो सबसे पहली चीज सर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए प्रेशर ऑफ द गैस शुड नॉट बी वेरी हाई क्यों क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हुआ तो भी दिक्कत आएगी क्या सर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा ना तो प्रेशर हाई हो गया मतलब सॉलिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी प्रेशर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी सर सॉलिबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वन हो सकती है और भाई मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट डाल रहे हो ना अगर उसकी वैल्यू वन हो गई सिर्फ सिर्फ गैस ही बचेगा ना लिक्विड तो बचा ही नहीं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि सॉल्यूशन फिर रहेगा ही नहीं सॉल्यूशन पूरा बर्बाद हो जाएगा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई करोगे तो भी सॉल्यूशन बर्बाद है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि सर सॉलिबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर लो करेंगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर लो करेंगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी गैस की लेकिन पता चला टेम्परेचर इतना लो कर दिया कि लिक्विड ही फ्रीज हो जाए पता चला टेम्परेचर इतना लो कर दिया कि लिक्विड ही फ्रीज हो जाए तो उस केस में ये देख लेना अपने पास टेम्परेचर को बहुत लो नहीं करना एंड तीसरा और चौथा चीज सर टेम्परेचर टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए गैस की बात करें तो गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट गैस कभी भी किसी के साथ केमिकल रिएक्शन ना करे सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन ना करे गैस सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन ना करे ये शुरुआत में ही बोला था क्योंकि केमिकल रिएक्शन किया मतलब ऑब्वियस है फिर वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा फिर वो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप सामने वाले को केमिकल रिएक्शन ना करने दे दूसरा गैस शुड नॉट डिडर गु डिसोसिएशन वो डिसोसिएट नहीं करना चाहिए वो डिसोसिएट नहीं करना चाहिए पक्का तो गैस आपस में डिसोसिएशन नहीं करना चाहिए ये तीन चार लिमिटेशन है जिनका ध्यान रखना है हेनरीज लॉ तभी वैलिड होगा हेनरीज लॉ तभी वैड होगा हेनरीज लॉ तभी वैलिड होगा अदरवाइज वैलिड नहीं होने वाला है तो ये ध्यान रखना अपने पास हेनरीज लॉ का लिमिटेशन क्या है प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं हो टेंचर बहुत ज्यादा कम ना हो गैस कोई भी रिएक्शन ना करे और गैस का डिसोसिएशन ना हो रहा हो पक्का तो लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ हो गया एक और चीज एनसीआरटी में दी हुई है जिसके ऊपर लास्ट ईयर दो में क्वेश्चन पूछा गया था और वो है उसका एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ एनसीआर के अंदर दिया हुआ एनसीआर टी की लाइंस है एट हाइयर एल्टीट्यूड्स जो पहाड़ों पे रहते हैं वहां पर क्या होगा पहाड़ों पे क्या होगा ऑब्वियस है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा आपके ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा और इसके कारण आपका आपको जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं एनॉक्जिया उसको जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं एनोक्सिया अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे ना तो याद रखना एनॉक्जिया मतलब याद ना हाई एल्टीट्यूड्स पे जाओगे तो लोग बोलते हैं ना कि भाई चक्कर आ रहा है अजीब सा डिजनेस आ रहा है क्यों आ रहा है बिकॉज आपकी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए जितना ब्लड में ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिलेगा नहीं और जब उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसके कारण जो प्रॉब्लम आएगी उसको क्या बोलेंगे एनॉक्जिया बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे एनॉक्जिया बोलेंगे ठीक है ये याद रखिएगा पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन आया था आप सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे इससे क्वेश्चन आया था पिछली बार स्कूबा डाइवर्स की बात कर रहे हैं स्कूबा डाइवर्स की बात कर रहे हैं स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं तो सर स्कूबा डाइवर्स आपको ही पता है पानी के अंदर जाते हैं गहरे पानी के अंदर जाते हैं पानी के एकदम बेस पे चले जाते हैं तो नीचे जाएंगे आपको एक सिंपल चीज़ पता है कि जितना नीचे जाएंगे, सर अगर नीचे जाते जगह तो यहाँ पर क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा पानी का भी अपना प्रेशर लगेगा और पानी का जब खुद का प्रेशर लगेगा तो वो क्या करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ एटमॉस्फेयर हाइड्रो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रहेगा अंदर जाएंगे तो पानी के साथ साथ पानी के ऊपर अपना प्रेशर लगेगा होगा क्या कि भाई साहब खूब सारा खूब सारा ऑक्सीजन क्या होगा ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस डिजोल्व हो जाएगा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा ऑक्सीजन गैस तो चलो दिक्कत नहीं करेगा क्यों क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है तो वो दिक्कत नहीं करेगा दिक्कत कहाँ होगी दिक्कत कहाँ होगी पता है कहाँ पर होगी जब आप ऊपर आएंगे तो होगा क्या नाइट्रोजन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नाइट्रोजन वो अब वो डिजोल्व तो होता नहीं वो सॉल्युबिलिटी करेगा नहीं तो जैसे ही ऊपर आएंगे वो लोग क्या करने वाले हैं वो अव्वे से नाइट्रोजन के जो बबल्स होंगे वो क्या बनाएंगे आपकी ब्लड कैपलरीज़ को वो ब्लड कैपलरीज़ को क्या करेंगे ब्लॉक करेंगे याद रखिएगा ये कब होता है इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बेंड्स और ये कब होता है जब आप सर्फेस की तरफ आते हैं जब आप सर्फेस की तरफ आते हैं एक बहुत पेनफुल इफेक्ट है जब आप सरफेस पे आएंगे तो शुरुआत में क्या हुआ लोगों को लगा कि अरे वहां पर अंदर आए एयर लेके गए ऑक्सीजन तो आराम से हीमोग्लोबिन में डिजॉल्व हो गया नाइट्रोजन गैस क्या हुआ जैसे ही प्रेशर कम हुआ सडनली बाहर निकलने की कोशिश करेगा और इसीलिए वो देख लो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड इसको अवॉइड करने के लिए अब आज के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम हम लोग क्या करते हैं हम लोग स्कूबा डाइवर्स जो लेके जाते हैं सिलेंडर उसके अंदर हीलियम गैस डिजॉल्व की जाती है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस देख लो नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कम कर दिया जाता है हीलियम गैस को क्यों यूज करते हैं हीलियम गैस को इसलिए यूज करते हैं क्य। क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी क्या है बहुत कम है लो सॉलिबिलिटी इन ब्लड है बहुत सॉलिबिलिटी क्या है कम है इसकी ब्लड के अंदर इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी कम होती है तो इसीलिए हीलियम गैस को यूज किया जाता है लो सॉलिबिलिटी इन ब्लड लो सॉलिबिलिटी इन ब्लड ये बहुत कम सोलिबिलिटी दिखाता है इसीलिए स्कूबा डाइवर्स में अपने पास, हम लोग क्या करते, है? नाइट्रोजन, ये सब यूज करते हैं हो जाएगा सर अगर हैं जाए, तो लॉ का क्वेश्चन ये बताओ क्या आंसर आएगा हाँ इसीलिए जो स्कूबा डाइविंग के लिए जो गैस होती है ऑब्वियस हमें है, क्या करती है जैसे आप ने किया होगा तो उनको आइडिया होगा कि वो बहुत अजीब सी लगती है सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किस पे डिपेंड करता है नेचर गैस पे टेम्परेचर पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे सब पे डिपेंड करता है क्या आंसर आ जाएगा सब पे डिपेंड करेगा सब पे डिपेंड करेगा ये देखो ये देखना क्या होगा लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल हैविंग हाई टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड क्यों होता है लो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा क्या होगा सर क्या होगा ऑब्वियसली वहां पर कम का हो 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 होने, होने का रीजन क्या होता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है लो हो जाता है टेम्परेचर लो होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लो ऑक्सीजन होने का रीजन क्या होता है भैया वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू है, हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू है केएच की जो वैल्यू है वो किसके साथ इंक्रीज करती है केएच की वैल्यू किसके साथ इंक्रीज करती है किस साथ डिक्रीज करती है केएच की वैल्यू सॉलिबिलिटी के साथ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी सॉलिबिलिटी जितनी कम होगी केएच की वैल्यू कितनी होगी उतनी ज्यादा हो जाएगी हीलियम गैस की सॉलिबिलिटी बेटा ब्लड के साथ अपने पास कम होती है ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस का सॉलिबिलिटी का लॉजिक ही नहीं है ना सॉलिबिलिटी तो लिक्विड के साथ देखेंगे ना वो गलत दिया था स्टेटमेंट जो तुम पिछले साल का क्वेश्चन सोच रहे हो वो पिछले साल का क्वेश्चन उसका आंसर देखा था उन्होंने करेक्शन कर लिया था उन्होंने गलत उसका आंसर नॉन ऑफ अपीज कर दिया था हीलियम गैस सॉलिबल ऑक्सीजन गैस के साथ थोड़ी ना होता ऑक्सीजन गैस है ठीक है आंसर क्या आ जाएगा बी पक्का चलो हमने सॉलिबिलिटी किसकी देख ली सर सॉलिड इन लिक्विड की देख ली गैस इन लिक्विड की देख ली अब एक सबसे सिंपल चीज़ लिक्विड लिक्विड की सॉल्यूशन और यहां से अब आपकी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें आनी शुरू होती है क्यों यहां पर लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन जो होता है थोड़ा अलग होता है हमने क्या पढ़ा हेनरीज लॉ पढ़ा हेनरीज लॉ में क्या बताया कि सॉलिबिलिटी होती है गैस की लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है यहां लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में अलग कहानी होती है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में क्या कहानी होती है सुनना एक बार ये देखना अपने पास लिक्विड लिक्विड में मान लो ये प्योर लिक्विड है ये देखो ये देखो ये प्योर सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट है चलो इसको हीट देना शुरू किया तुम लोगों ने हीट दोगे तो इसका वेपर्स बनेगा लिक्विड है तो उसका वेपर बनेगा लिक्विड है तो उसका वेपर बनेगा और यहां वेपर्स बनेंगे इसके इसके ऐसे ऐसे करके वेपर्स बनेंगे ऐसे ऐसे छोटे छोटे बबल्स बनेंगे यहां पर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा इसको हम लोग बोल देंगे सर इसका वेपर प्रेशर ऑफ आप देखो लो अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर इसको हम लोग बोल दें पी वन नॉट पी वन नॉट ध्यान सुनना पी वन नॉट क्यों क्योंकि सर प्योर कौन सम्... जितना भी एनर्जी दोगी जितनी भी हीट दोगे वो सारी की सारी किस में जाएगी प्योर सॉल्वेंट में जाएगी जैसे मान लो दूध गर्म कर रहे हो दूध को पूरा पूरा हीट जो दे रहे हो दूध को दे रहे हो अब सडनली क्या करूंगा मैं इसी सॉल्वेंट के अंदर अब यही सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट के अंदर अब क्या डाल दूंगा अब सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया अब ये जो है ना ये सॉल्यूशन है मतलब अब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है तो अब दोनों को अब हीट दोगे अब ध्यान से देखना इसको हीट दोगे सर ये पीवन नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अब बताओ अब बताओ सर यहां पर भी वेपर्स बनेंगे लेकिन किसके वेपर्स बनेंगे ऑब्वियस सॉल्यविट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे मुझे बताओगे ये वेपर प्रेशर ऑफ इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोल दें या फिर हम लोग इसको बोलें वेपर प्रेशर ऑफ इन सॉल्यूशन दोनों सेम ही चीज है क्यों क्योंकि सर ये सॉल्वेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है इसकी जो वैल्यू ले रहे हैं ये P1 ले रहे हैं वो पहले वाला कितना है P1 वन नॉट मुझे बताओगे विच वन इज ग्रेटर विच वन इज ग्रेटर कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा बताओ वन नॉट ज्यादा होगा या P1 वन ज्यादा होगा सर सीधी सी बात है अकेला बंदा था तो ऑब्वियस सारी की सारी हीट उसको जाती थी तो ये कहां चला जाता था ऐसे चला जाता था तो ये P1 वन नॉट हो गया ग्रेटर देन P1 क्यों क्योंकि सर अकेले बंदे का इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सॉल्यूट ऐड किया जाएगा वेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट कभी भी सॉल्यूट ऐड करोगे सॉल्वेंट के लिए वेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट सर क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस सर अकेला होता सारी एनर्जी उसको मिलती सारी एनर्जी उसको मिलती अब जैसे ही तुमने सॉल्यूट डाल दिया कुछ एनर्जी इन पार्टिकल्स को मिल रही होगी तो सर पी वन नॉट हमेशा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू पी वन अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्वेंट का वे प्रेशर क्या करते हो डिक्रीज करते हो वे प्रेशर क्या करते हो डिक्रीज करते हो वेपर प्रेशर है क्या वेपर प्रेशर है क्या अगर कोई पूछे वेपर प्रेशर क्या है भाई तो वेपर प्रेशर के बारे में बात करें तो वेपर प्रेशर देखोगे प्रेशर एग्जॉर्टेड बाई वेपर्स ऑफ लिक्विड प्रेशर एक्सॉर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड सर वेपर प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना हाई होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा वेपर प्रेशर तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे वे प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे वे प्रेशर कम हो जाएगा अपने पास इंटरमोलिकुलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा ठीक है ना जब भी किसी लिक्विड लिक्विड को आप डिजोल्व करेंगे लिक्विड लिक्विड को डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूट जब भी ऐड करते हैं आपका सॉल्यूशन का वे प्रेशर क्या होता है कम होता है अब ये चीज जैसे ही हमने पढ़ी हमारे दिमाग में आता है एक लॉ दैट इज नोन एज राउल्स लॉ उसको हम लोग क्या बोलते हैं राउल्स लॉ वो क्या बोला जाता है राउल्स लॉ क्या बोला जाता है राउल्स लॉ देखना ध्यान से राउुल्स लॉ क्या बोलता है लिक्विड या बोल सकते हैं राउल्स लॉ कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ध्यान सुनना राहुल्स लो क्या बोलता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन मतलब अगर आपको पी वन का अगर वन का लेना है तो वो डायरेक्टली पोस्टर टू तो क्या होगा काइवन वट इज पी वन पी वन किसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वन इन सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ वन इन सोल्यूशन और काइवन क्या होगा सर मूल फ्रैक्शन ऑफ वन इन लिक्विड फेज मूल फ्रैक्शन ऑफ वन इन लिक्विड फेज ये लिक्विड फेज का मूल फ्रैक्शन होगा सिमिलरली अगर आपको दो कंपोनेंट है तो यहां पर पी टू की बात करेंगे डायरेक्टली बोशनल टू क्या हो जाएगा काई टू सर यहां पी वन इज डायरेक्टली बोर्स ऑफ दिस तो पी वन इज नथिंग पी वन नॉट का इक्वल आ जाएगा पी वन नॉट ये डायरेक्टली बोशन हटाएंगे तो ये क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर प्योर वन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वन अगर पी टू की बात कर रहे हैं तो पी टू इज नथिंग पी टू नॉट काई टू लगा देंगे और पी टू नॉट क्या है सर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टू डॉल्ट राउुल्स लॉ ने क्या बोला राउल्स लॉ ने क्या बोला ध्यान सुनना अपने पास राउल्स लॉ ने क्या बोला कि जब भी आप देखोगे वेपर प्रेशर जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ किसी भी कंपोनेंट का अगर निकालने चलते हो तो डायरेक्टली पोषण टू क्या होगा मोल फ्रैक्शन होगा डायरेक्टली पोषण टू क्या होगा मोल फ्रैक्शन होगा डायरेक्टली पोषण टू क्या होगा मोल फ्रैक्शन और लिक्विड फेज में अगर दो लोग हैं मतलब मैं यहां से दो लिक्विड फेज बना रहा हूं ये देखना ये अलग अलग लिक्विड्स ऐसे बना दिया मान लो अलग अलग दो लिक्विड लिए मैंने दो लिक्विड लिए मैंने दो लिक्विड लिए और दोनों के बीच का दो लिक्विड्स मैं ले रहा हूं ये दो लिक्विड्स हैं ये मेरा सॉल्यूशन है किसका किसका लिक्विड वन और लिक्विड टू का ये मेरा सॉल्यूशन है इसका मोल फ्रैक्शन वन है इसका मोल फ्रैक्शन टू है ठीक है अब मैंने बोला कि ऊपर जो वेपर्स बनेंगे लिक्विड वन बन का अलग बनेगा लिक्विड टू का अलग बनेगा लिक्विड वन बन का अलग बनेगा लिक्विड टू का अलग बनेगा ये लिक्विड टू का अलग बनेगा लिक्विड वन का अलग बनेगा लिक्विड टू का अलग बनेगा ध्यान सुनना ये देखना अपने पास लिक्विड वन लिक्विड टू का अब जो ये वेपर्स बन रहे हैं ना ये जो वेपर्स बन रहे हैं इनका जो वेपर प्रेशर होगा इसमें वन का कितना रोल होगा पी वन नॉट का और इसमें टू का कितना रोल होगा पी टू नॉट काई टू मतलब अगर तुम ऊपर देखोगे तो अगर कोई तुमसे पूछ दे टोटल प्रेशर बताइए तो आप क्या करोगे इंडिविजुअल प्रेशर ले लोगे पी वन प्लस पी टू या फिर इसी को लिख सकते हैं पी वन नॉट काइ वन प्लस पी टू नॉट का देख लीजिएगा ये देख लेना अपने पास पी टोटल पी वन प्लस पी टू लिख सकते हैं पी वन प्लस पी टू लिख सकते हैं ये पी वन प्लस पीटू हो जाएगा पी वन प्लस पी टू हो जाएगा तो देख लो अब तुमसे कोई पूछ दे तो ऐसे निकालेंगे ये देख लो मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक काम करते ये डायरेक्टली अब यहां पर देख लो ना राउल्ड लॉ राउल्स लो क्या बोलता है कि सर हर एक लिक्विड का हर एक लिक्विड का अगर आप लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड वन कितना वेपर्स बनाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी पी वन इज नी वन नॉट अगर लिक्विड टू की बात करते हैं तो पी टू इज नथिंग पी टू नॉट इंटू काई टू हो जाएगा पी टू नॉट इंटू काई टू हो जाएगा पक्का हो जाएगा अब सर सामने वाले ने बोला राउल्स लॉ का और क्या एप्लीकेशन होता है तो सर इसका ग्राफ बनता है इसका ग्राफ बनता है ये देखिए पहली बार आपकी लाइफ में अब क्लोज ग्राफ बनना चालू होगा पहली बार आपकी लाइफ में क्लोज ग्राफ बनना चालू होगा पहली बार एक क्लोज ग्राफ बनना चालू होगा देखना क्या बोला कि P1 वन डायरेक्टली पोर्सनल टू काई टू मतलब P1 वन इज नथिंग P1 वन नॉट काटली पोर्सनल टू काई टू ये इसका मतलब P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी P2 टू नॉट का और अगर मैं पी टोटल की बात करूं तो पी टोटल इज नथिंग पी वन प्लस पी टू हो जाएगा या पी वन नॉट काई वन प्लस पी टू नॉट पी टू नॉट काई टू यही होगा अब यहां पर देखना क्या बोला जाएगा ध्यान सुनना अपने पास क्या बनने वाला है यहां पर देखो मैं क्या करने वाला हूं मैं देखो क्लोज ग्राफ क्यों बनेगा अगर काई वन की वैल्यू जीरो पुट करता हूं तो यहां काई वन की वैल्यू वन पुट करूंगा मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां जा सकती है जीरो से लेकर वन जहां पर हम सब ने पढ़ा है कि सर काई वन प्लस काई टू क्या होता है काई वन प्लस काई टू क्या होता है वन होता है अगर जहां काई वन जीरो हुआ वहां काई टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और जहां काई वन वन हुआ वहां काई टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वहां काई टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ये देख लो मैं क्या करने वाला हूं मैं क्या करने वाला सर एक बार देखना अगर मुझसे बोला गया तो मैं क्या करूंगा देखो प्रेशर पी वन का पी वन का ग्राफ खींच रहा हूं डायरेक्टली पोर्सनल टू डायरेक्टली पोर्सनल टू काइवन सर पी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है पी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है पी वन नॉट सर ये किसका ग्राफ है पी वन इज नथिंग पी वन नॉट काइवन का ग्राफ है पी वन नॉट इन टू काई है पी वन नॉट इन टू काई वन है पी वन नॉट इन टू काई है पी नॉट इन टू वन है पक्का वन नॉट इन टू काई वन हो गया सर ये देख लो ये इनिशियल ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वन जैसे ही मोल फ्रैक्शन की वैल्यू वन हुई अगर काई वन की वैल्यू वन हुई ध्यान सुनना की वैल्यू वन हुई सर काई की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो इसका मतलब यहां पर सिर्फ सिर्फ क्या है प्योर वन है मतलब यहां पर जो पी टोटल होगा वो सिर्फ सिर्फ किसके कारण होगा पी वन नॉट के कारण होगा ठीक है ये देख लो अगर मैं बोलता हूं काई वन की वैल्यू जीरो तो काइटू की वैल्यू क्या हो गई वन और यहां पर प्योर टू होगा सेकेंड कंपोनेंट ही होगा फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट जीरो हो गया मतलब जो पी टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा पी टू नॉट देख लो अब यहां पर फिर से एक लाइन यहां से शुरू करो ये किसका ग्राफ है सर ये किसका ग्राफ है तो ये देख लो ये किसका ग्राफ है पी टू नॉट ये कैसे बनाया तो सर ये पी टू इज नथिंग पी टू नॉट इन टू ये देख लो या जाएगा पक्का अब इन दोनों को मिला दोगे इन दोनों को मिला दोगे इन दोनों को मिला दोगे तो ये ग्राफ जो होगा ये दोनों ग्राफ अगर ऐसे मिला दोगे तो ये पता है किसका लाइन आ जाता है ये पता है किसका लाइन आ जाता है ये हो जाता है पी टोटल P टोटल का ग्राफ ये P1 का ग्राफ होगा ये P2 का ग्राफ होगा ये P टोटल का ग्राफ होगा और जो ऊपर जो लाइन दिख रही है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ग्राफ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ग्राफ है ये याद रखना अपने पास जब भी तुम्हें एग्जाम हॉल में मिले पहली बार तुम्हारी लाइफ में ना पहली बार तुम्हारी लाइफ में क्लोज ग्राफ मिल रहा होता है कि हाँ भाई इस सॉल्यूशन चैप्टर में अपने पास क्लोज क्लोज ग्राफ ग्राफ मिलेगा मिलना शुरू होता है सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लाइन जो ऊपर वाली लाइन लाइन होती उसको है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली बोलते हैं ठीक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन ये देख लो पी वन अपना लाइन जा रहा है पी टू अपना लाइन जा रहा है सब स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ सब के सब स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे पी टोटल की ग्राफ वैसे जाएगा कोई बोले पी टू अब यहां पर अलग अलग कंपोजिशन है ये देख लो ना प्योर वन है तो पी टोटल पी वन नॉट देख लो पी टोटल P1 वन नॉट हो गया अगर पीओ टू है तो P टोटल P2 टू नॉट हो गया बाकी इन बिटवीन चलता चला जाएगा अच्छा किसने बोला सर P टोटल को ना मैं चाहूंगा तो अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं कैसे एक बात बताओ अगर मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को दिक्कत देख लो अब कोई बोले सर अब ऐसे मैथ्स का गेम खेलते रहो इसके साथ खेलते रहो कोई दिक्कत नहीं यहाँ देखोगे अपने पास यहाँ देखोगे तो ये क्या हो रहा है अगर मैं इसी तरह से पी टोटल को ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं ये देख लो हो जाएगा श्योर हो ये देखना अब अपने ऊपर है जिस तरह से कोई चाहे कोई भी बोले कि सर मुझे ना ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है ये इक्वेशन यूज कर लो ये इक्वेशन बोले ये इक्वेशन यूज कर लो फर्क ही नहीं पड़ रहा अब आपके पास देखो ये राउल्ड्स लॉ था राउल्ड्स लॉ इसके हिसाब से ये राउल्स लॉ है इसके बाद तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हो कि सर ये नॉर्मल है प्रेशर प्रेशर ऐड कर दो टेम्परेचर टेम्परेचर अपने प्रेशर प्रेशर ऐड करो और कुछ नहीं नॉर्मल यूज़ कर रहे हो नॉर्मल यूज़ कर रहे हो ठीक है नॉर्मल यूज कर रहे हो तो याद रखना अपने पास अच्छा एक बात बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड किसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड किसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड किसको बोलते हैं यह देखना अगर कोई पूछ दे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड किसी का बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना हो किसी लिक्विड का तो कैसे डिफाइन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर या फिर इसी को हम लोग बोल दें एटमोस्फेरिक प्रेशर वेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट बोलना चालू करते हैं उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं और बॉइलिंग पॉइंट में भी देख लोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर फोर्स जिसका इंटर फोर्स ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर फोर्स तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर फोर्स हो जाएगा पक्का ये देख लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऐसे होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चोर है पक्का ये देखना अब तुमसे अलग अलग तरीके से मैं एक एक सिंपल सी चीज और बताता हूं ध्यान सुनना यहां पर ये देखो बड़ा अच्छा सा एक मिलेगा अपने पास कंपोजिशन ये देखो यहां पर मैंने दो लिक्विड को मिक्स किया था लिक्विड वन और लिक्विड टू को मिक्स किया था तो यहां वेपर्स बने थे इसके ना वेपर्स बने थे यहाँ पर वेपर्स बन गए थे सबके अपने अपने वेपर्स बने थे ये देख लो सर ये पार्ट ऊपर क्या था ऊपर क्या है गैसियस फेज है ऊपर क्या है गैसियस फेज है और नीचे क्या है लिक्विड फेज है यहाँ क्या है लिक्विड फेज है इस साइड क्या है लिक्विड फेज है. देख लेना अपने पास तुम्हें यह बताया गया राउल्स लॉ ने यह बोला कि सर किसके कितने वेपर प्रेशर बनेंगे पी वन इज इक्वल्स टू पी वन नॉट काई वन और पी टू इज नथिंग पी टू नॉट काई टू लेकिन इवन इसका पी टोटल ही बता दिया कि पी टोटल कितना होगा पी वन नॉट काई वन प्लस पी टू नॉट काई टू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये राउल्स लॉ से आया लेकिन अगर गैसियस फेज को डिस्कस कर रहे हैं अगर गैसियस फेज को पढ़ रहे हैं तो गैसियस फेज के अंदर गैसियस फेज के अंदर पता है क्या करना पड़ेगा अगर तुमसे कोई पूछ दे सर ये काइवन और काइटू क्या है काइवन और काइटू क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ वन इन लिक्विड फेज सर वन इन लिक्विड फेज काइटू की वैल्यू क्या हो जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ टू इन लिक्विड फीस पक्का मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वन इन लिक्विड फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ इन लिक्विड फेज ऐसे लिखेंगे और ये देख लो अपने पास सर जैसे ही अगर आपको वेपर कंपोजिशन इन वेपर फेज निकालने को बोला गया बोला गया कि यार सर एक बात बताओ आपने लिक्विड फेज का कंपोजिशन निकाला है मोल फ्रैक्शन ये अगर मैं कंपोजिशन इन वेपर फेज निकालने के लिए बोलूं तो सर क्या होता है ध्यान सुनना वेपर फेज का कंपोजिशन निकालना हो तो इसको हम लिखते हैं वाई वन वाई वन मतलब वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ अब देखना ऊपर जो कंपोजिशन है ऊपर जो मूल फ्रैक्शन आएगा मूल फ्रैक्शन ऑफ वन वन इन वेपर फेज मूल फ्रैक्शन ऑफ वन इन वेपर फेज ये क्या हो जाएगा सर ये किसके इक्वल होगा P1 वन अपॉन पी टोटल और ये किसके इक्वल होगा P1 वन नॉट काई वन अपॉन पी वन नॉट काई वन प्लस पी वन नॉट काई टू ये हो गया ये देख लो अगर Y2 निकालने जाता हूं तो ये क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टू मोल फ्रैक्शन ऑफ टू इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ टू इन वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ टू इन वेपर फेज दैट इज पी टू अपॉन पी टोटल पी टू अपॉन पी टोटल एंड दैट इज इक्वल्स टू पी टू नॉट काई टू पी वन नॉट काई वन प्लस पी टू नॉट काई टू

ऐसे इसीलिए मैं बोल बार बार बोल रहा हूं कि अभी ये स्टेट्स ऑफ मैटर हटा नहीं है ये इसके बिना जिंदगी चल ही नहीं पाएगी डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शल प्रेशर चलेगी ही चलेगी डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शल प्रेशर देख लो अब कोई बोले स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर हटा दिया नहीं हटाया भाई अभी कल भी क्वेश्चन देखोगे ना कल भी गैसियस स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आया है जेई मेन्स में तो बस बेवकूफ बनाया जा रहा है जेई मेन्स में भी गैसियस स्टेट के क्वेश्चन आए हैं तो प्लीज देख लीजिएगा सब लोग अटेम्प्ट करके रखिएगा ठीक है गैसी स्टेट छोड़ना नहीं है गैसी स्टेट नहीं छोड़ना है भाई ठीक है गैसी स्टेट छोड़ोगे मतलब गया ये सब चीजें आप नहीं छोड़ सकते चलिए राउल्ट लॉ हो गया राउल्ट लॉ के ग्राफ हो गए एक काम करते हैं ये क्वेश्चन करके दिखाइए फार्मूला आपके पास बैठा हुआ है फॉर्मूला पता है फार्मूला पता है क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए सीधा सीधा आंसर निकल के आएगा फार्मूला आपको पता है क्वेश्चन कीजिए बताइए क्या आंसर आएगा क्या होगा कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा तो सर कुछ नहीं पी टोटल निकालना है तो पी टोटल के लिए क्या लिखते हैं सर पी वन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी पी नॉट बी काई बी और यहाँ पर क्या आ जाएगा पी नॉट ए कितना है हंड्रेड इंटू काई ए कितना है सर काई ए टू अपॉन अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स और इसका कितना हो जाएगा एट्टी इंटू सर अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितना हो गया सर ये ट्वेंटी फोर्टी और ये कितना हो गया सिक्सटीन फोर्टी एट कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा कितना आ जाएगा 88 एट टॉर आ जाएगा कितना आ जाएगा 88 एट टॉर आ जाएगा पक्का हो जाएगा सर प्योर हो पक्का चलो अगला क्वेश्चन करो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए क्या होगा अगला क्वेश्चन बताइए क्या बनेगा क्या होगा क्या बन जाएगा सर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर बताओ किसका इथाइल अल्कोहल का दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है सर 0.6 दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल कितना दिया हुआ है सर प्रोपाइल अल्कोहल का कितना हो जाएगा जीरो क्यों क्योंकि एक का जीरो है दूसरे का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल दिया हुआ है पी नॉट दिया हुआ है टोटल प्रेशर दिया हुआ है सर प्रोपाइल का ये दिया हुआ है कितना 200 हंड्रेड एम एम एच जी क्या बोला जा रहा है पी टोटल भी दिया हुआ है तो पी टोटल के फॉर्मूले में पुट कर दो सर पी नॉट आपको इथाइल अल्कोहल का नहीं पता कोई दिक्कत नहीं सर इसका नहीं पता कोई दिक्कत नहीं इसको किससे मल्टीप्लाई करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है निकाल दो टू हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट फोर प्लस नहीं पता पी नॉट ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच इंटू क्या करोगे जीरो पॉइंट सिक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू टू नाइनटी ये कितना हो गया अस्सी और ये कितना हो गया टू हंड्रेड टेन जीरो पॉइंट सिक्स ये ऊपर चला गया सिक्स थ्री जा और थ्री uh, फिफ्टी आ जाएगा कितना आ जाएगा थ्री फिफ्टी इज द करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा थ्री फिफ्टी इज द करेक्ट आंसर थ्री फिफ्टी इज द करेक्ट आंसर ये निकाल लो थ्री फिफ्टी इज द करेक्ट आंसर थ्री फिफ्टी इज द करेक्ट आंसर पक्का चलो अगला क्वेश्चन निकालो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए क्या बनेगा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए क्या होगा कितना आ जाएगा देखो क्या आ जाएगा सर यहां देखना अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कुछ दिक्कत नहीं यहां पर पी टोटल अपने पास पी टोटल पी टोटल और यहां देखना पी टोटल दिया हुआ है पी टोटल कितना है 550 है इसको इक्वल्स टू क्या रख देंगे पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी ये रख देंगे पी नॉट ए काइ ए पी नॉट बी काई बी ये देखना अपने पास सर 550 हो गया पी नॉट ए कितना है तो पी नॉट ए की कि वैल्यू कितनी है 400 हंड्रेड है काई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे सर काइए की वैल्यू अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स पी नॉट बी की कि वैल्यू कितनी है पी नॉट बी की वैल्यू है सिक्स हंड्रेड इन टू इसके मोल्स अपने टोटल मोल्स ये हो गया ये देख लो फाइव फिफ्टी वन प्लस एक्स को कॉमन ले लो और इधर कितना हो गया फोर हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड एक्स ले लिया सर फाइव फिफ्टी प्लस फाइव फिफ्टी एक्स कर दिया एंड दैट इज इक्वल्स टू फोर हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड एक्स हो गया सर फिफ्टी एक्स इज इक्वल्स टू वन फिफ्टी आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री आ जाएगी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री आ जाएगी सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री आ जाएगी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री आ जाएगी ठीक है ए के वन मूल है, बी के कितने हैं ठीक है चलिए यह भी अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है अटेम्प्ट करके देखिए मजा आएगा अटेम्प्ट करके देखिए मजा आएगा क्या हो जाएगा सर यहां पर देखोगे एक मोल ए का है शुरुआत में तीन मोल बी के हैं और प्रेशर कितना है 550 फिफ्टी एमएम ऑफ एच जी है टोटल प्रेशर 550 फिफ्टी एम एम ऑफ एच जी है दो केस अलग अलग हैं तो केस वन देखना अगर केस वन लेते हैं केस वन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है थ्री पी टोटल निकालने जाएंगे तो पी टोटल किसके इक्वल होगा सर ये देखिएगा पी नॉट ए ए प्लस पी बी बी होगा ये देखना पी टोटल है किसके इक्वल 550 के पी नॉट ए कितना हो गया नहीं पता काई ये कितना है तो सर वन अपॉन फोर हो गया और ये कितना है पी नॉट बी ये कितना हो गया सर थ्री अपॉन फोर हो गया सर यहां फोर कॉमन ले एलसीएम -ले से तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू हंड्रेड इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस थ्री टाइम्स P नॉट बी आ जाएगा तो ये देख लो पहले वाले पहले केस से हमारे पास क्या आ गया ये आ गया पहले केस से क्या आ गया सर कुछ देर बाद क्या बोल रहा है ध्यान से देखना केस टू क्या बोल रहा है कि एट द सेम टेम्परेचर वन मोल बी का ऐड कर रहे तो वेपर प्रेशर टेन से इंक्रीज कर रहा है मतलब अगर तुम ए के मोल्स में टच ना करो ए का मोल सेम रखने दो बी के मोल्स को कितना कर दो सर फोर कर दो तो सर पी टोटल अब की बार कितना हो गया फाइव सिक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए वन बाई फाइव प्लस पी नॉट बी इंटू फोर बाई फाइव ये देख लो ये कितना आ जाएगा फाइव सिक्सटी ट्वेंटी थ्री हंड्रेड आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस फोर पी नॉट बी हो जाएगा यही होगा शायद और देख ले भाई कितना आ जाएगा ट्वेंटी थ्री हंड्रेड इज इक्वल्स टू फाइव सिक्सटी हो गया ना प्रेशर इज इंक्रीज भाई फाइव सिक्सटी हो गया ट्वेंटी थ्री हंड्रेड इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस फोर पी नॉट बी और ट्वेंटी टू हंड्रेड अरे फाइव हंड्रेड फाइव टाइम्स है सॉरी 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 फाइव टाइम्स है तो फाइव टाइम्स मतलब ट्वेंटी एट हंड्रेड हो गया ना ट्वेंटी एट हंड्रेड हो गया हाँ ट्वेंटी एट हंड्रेड हो जाएगा ये देख लो ट्वेंटी एट हंड्रेड हो जाएगा और ये क्या हो गया पी नॉट ए प्लस थ्री टाइम्स पी नॉट बी अब दो इक्वेशन हैं सॉल्व करोगे माइनस 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 ये कैंसिल आउट ये सिक्स हंड्रेड हो गया और ये कितना हो जाएगा पी नॉट बी पी नॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 600 हंड्रेड पी नॉट ए निकालने जाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा सर वो निकालूंगा 400 आ जाएगा आंसर क्या आएगा पी नॉट ए 400 और पी नॉट बी कितना आ जाएगा 600 हंड्रेड ऑप्शन कौन सा मैच करेगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन पक्का हो जाएगा सर श्योर हो तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं राउल्स लॉ के ऊपर राउल्स लॉ के ऊपर अच्छा इस तरह क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे चलो इस तरह क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम हॉल में कैसे करने वाले हो इस तरह क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे इस तरह क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे कौन सा होगा अगर प्योर ए का निकालना है और प्योर बी का निकालना है एक बात बताओ ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है मैं एक सिंपल सा तरीका पुट कर दूं। काइबी की वैल्यू जीरो पुट करूंगा सर काइबी की वैल्यू जीरो पुट हुई मतलब काई ये वन हो गया यहाँ पर जो पी टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है पी नॉट ए के और यहाँ पर जो पी टोटल पी नॉट ए एक के इक्वल होगा पुट करके देखो काइबी की वैल्यू जीरो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी अगर मैं काइबी की वैल्यू कितनी पुट कर दूं वन और काइये की वैल्यू उस टाइम पे कितनी हो जाएगी जीरो तो पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा पी नॉट बी के और यहां पर कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव इंटू वन कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव देख लो कितना आंसर आ जाएगा ए का कितना आया 120, बी का कितना आया 45, देख लो आंसर कितना आ जाएगा सी आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा सी आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा सी आ जाएगा पक्का चलिए अब एक काम कीजिएगा जो एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है चलिए ये क्वेश्चन निकालिएगा वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलवीन निकालना है इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलविन इन वेपर फेज निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलवीन इन वेपर फेज निकालना है अटेम्प्ट कीजिए भाई साहब क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलवीन इन वेपर फेज निकालना है क्या आएगा अपने पास क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलवीन इन वेपर फेज मतलब दो लोग हैं मुझे एक काम सीधा सा इक्विमोलर दिया हुआ इक्विमोलर मतलब शुरुआत में अगर बेंजीन इन लिक्विड फेज देखो अपने पास लिक्विड फेज में क्या दिया हुआ है लिक्विड फेज में क्या दिया है दोनों के बेंजीन के मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलवीन दोनों के मान लो एक्स एक्स मान लेता हूं जब इक्वी मूलर है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन वन मान लेता हूँ ना यार हटाओ हो वन वन तो सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा वन बाई टू मूल फ्रैक्शन ऑफ टॉलवीन कितना हो जाएगा वन बाई टू पी टोटल कितना हो जाएगा सर पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पी नॉट ऑफ टॉलवीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलवीन पी नॉट ऑफ बेंजीन कितना है सर बेंजीन का कितना है वन सिक्सटी इंटू वन बाई टू और ये कितना हो गया सिक्सटी इंटू वन बाई टू कितना हो गया 80 और प्लस इतना 30 110 ये पी नॉट आ गया पी टोटल तो आ गया कोई पूछ रहा है कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंज टॉलवीन बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलवीन बताओ इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलवीन इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलवीन इन वेपर फेज बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलवीन इन वेपर फेज बताओ तो क्या हो जाएगा वाई वो किसके इक्वल होगा पी अपॉन पी टोटल सर ये देखना टोलविन का अपना प्रेशर कितना है थर्टी और टोटल प्रेशर कितना है इसका आंसर कितना आ जाएगा थ्री बाई इलेवन कितना आ जाएगा थ्री बाई इलेवन थ्री बाई इलेवन की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री बाई इलेवन की वैल्यू कितनी आनी शुरू हो जाएगी थ्री बाई इलेवन की वैल्यू कितनी आनी शुरू हो जाएगी जीरो पॉइंट टू सेवन कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट टू सेवन थ्री बाई इलेवन की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट टू सेवन हो जाएगा तो राउल्स लॉ हो गया है राउल्स लॉ की कैलकुलेन्स हो गई हैं राउल्स लॉ हो गया है राउल्स लॉ की कैलकुलेशंस हो गई हैं राउल्स लॉ हो गया है राउल्स लॉ की कैलकुलेशंस हो गई हैं अब एक काम करते अब एक काम करते अब यहाँ पर थोड़ा सा आइडियल और नॉन आइडियल की तरफ चलते हैं आइडियल और नॉन आइडियल की तरफ चलेंगे लेकिन एक काम करते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ने से पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ठीक है ना ज़्यादा नहीं पंद्रह मिनट का ब्रेक ले लेते हैं पंद्रह मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फिफ्टीन मिनट्स ब्रेक ले लेते हैं ठीक है फिफ्टीन मिनट्स ब्रेक ले लेते हैं अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे पंद्रह मिनट का ब्रेक लेते हैं और पंद्रह मिनट के बाद मिलते हैं भाई एक बजने वाला है पंद्रह मिनट के बाद मिलते हैं सवा एक पे। ठीक है चलो जल्दी जल जल्दी खाना वाना जो भी खाना है खाना खा लो, ठीक है और उसके बाद मिलते हैं चलो हाँ भाई आवाज आवाज क्लियर है शुरू करें हम लोगों ने बार बार अपने पास कंसंट्रेशन टर्म्स कर लिया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर लिया है हाँ भाई लेट ओपी ठीक है लेट ओपी भाई इस चक्कर में मत पढ़ो पढ़ लो यार एक बोल रहा है बच्चे कम हो गए भाई सच बताऊं तो कम बच्चे कहीं सिलेक्शन होना है ना यार तो यहाँ भी बच्चे कम हो रहे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो हमें भी पता होता है तुम तो पहले दिन उम्मीद की क्लास देखना पहले दिन उम्मीद क्या किसी भी चीज़ की पहली पहली क्लास देखना उसमें देखना भीड़ क्या होती है और धीरे धीरे जब टाइम आता है फिर पता चलता है कि अच्छा भाई इतने ही फिर वो सिलेक्शन लेकर तुम्हें ही पता है सिलेक्शन का रेशियो ऐसा ही तो होता है पहले दिन दस हज़ार लोग बीस हज़ार लोग देख रहे होते हैं लास्ट में आते थे तो चार सौ पाँच सौ क्यों क्योंकि वही लोग बचे होते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं तो टेंशन मत लो ठीक है हाँ सोलह हजार थे इस बार उम्मीद में ना शुरुआत के दिन हाँ तो सोलह हजार थे सोचो अभी हजार पे आ गए <laughs> इसका मतलब क्या है उम्मीद में बैकलॉग हो गया है अब उम्मीद में बैकलॉग हो गया आदमी अपनी गलती निकाल नहीं सकता तो क्या बोलेगा कि अभी यार टीचर ने फास्ट पढ़ा दिया स्लो पढ़ा दिया अभी भाई तो एक दिन में एक दिन में छह घंटे के अंदर तो पूरा चैप्टर पढ़ना चाहता है बारह पंद्रह घंटे का अठारह घंटे का तो ऑब्वियसली फास्ट ही होगा ठीक है ओके बहुत बढ़िया जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी बना के रखी है अच्छी बात है बाकी कोई दिक्कत नहीं देखो यार ही बात है हंसी मजाक अलग टाइप है बट हाँ आप अपने सिलेक्शन के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो आपको ही पता है आपको क्या करना है किस टाइम पे कौन से स्टेप्स लेने हैं किस टाइप पे नहीं लेने ये सब चीज़ें याद रखिएगा और कोई दिक्कत नहीं ठीक है ओके चलो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पास हम लोगों ने क्या क्या देख लिया तो हम लोगों ने सॉलिबिलिटी देख लिया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख लिया है कॉन्सनट्रेशन टर्म्स और सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड लिक्विड हमने देख लिया अब हम बात करेंगे किसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो अब हम लोग बात करेंगे कि सर लाउल्स लॉ जो फॉलो करेगा अब हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करेंगे सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करने वाले एक्चुअली देखो किसी भी टाइप का सॉल्यूशन बनाओगे ना सॉल्यूशन जब भी बनाओगे किसी भी टाइप का सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन जब भी बनाओगे इनट्रॉपी क्या होती है ग्रेटर देन जीरो गिवस एनर्जी क्या होगी लेस देन जीरो किसी भी टाइप का सोल्यूशन हो किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो ये चीज़ होती ही होती है क्यों क्योंकि सर जब मिक्सिंग करते हैं तो अब्वैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो आपकी इन बढ़ने के चांसेज हैं ऑब्वैसे आपके पास रैंडमनेस बढ़ेगी इंट्रॉपी बढ़ेगी गिब्स एनर्जी क्या होगी लेस देन जीरो होगी अब देखना अपने पास यहां पर मुझे क्या बोला गया मुझे बोला गया कि सर सॉल्यूशन में अगर ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ यहां बोल दें याद रखना अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ अगर मैं सोल्यूशन को डिवाइड करूं अगर मैं सोल्यूशन को ऐसे डिवाइड करूं डेल्टा तो जी लेस देन जीरो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो अगर मैं सॉल्यूशन को डिवाइड करने जाऊं तो सॉल्यूशन मेरे पास दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा सॉल्यूशन मेरे पास दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एक को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, एक को क्या बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और एक को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक आइडियल कहलाएगा एक अपने पास नॉन आइडियल कहलाएगा एक आइडियल सॉल्यूशन और एक क्या कहलाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है सर जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा ध्यान सुनना अपने पास जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा आइडियल सॉल्यूशन क्या है जो ओबे करने वाला है ओबेज राउल्स लॉ ओबेज राउल्स लॉ ये क्या फॉलो करेगा ओबेज राउल्ड्स लॉ ओवर द एंटायर कंपोजिशन ओवर द एंटायर कंपोजिशन शुरू से लेकर लास्ट तक वो क्या फॉलो करने वाला है राउल्ड लॉ फॉलो करने वाला है मतलब अगर इसका ग्राफ तुम बनाते अगर तुम इसका ग्राफ बनाते अगर तुम इसका ग्राफ बनाते तो ये वाला ये वाला ग्राफ ये परफेक्ट बनता परफेक्ट बनता ऐसा बनता स्ट्रेट लाइन जा रहा है यहां पी वन नॉट है यहां फिर ऐसा बनता यहां पी टू नॉट है ये इन दोनों को मिला दोगे तो ये पी टोटल का ग्राफ बन जाएगा ऐसा बन जाएगा यहाँ पर काई वन इज इक्वल्स टू जीरो यहाँ काई वन इज इक्वल्स टू वन यहाँ काई टू इज इक्वल्स टू वन यहाँ काई टू इज इक्वल्स टू जीरो ऐसा बन जाएगा पक्का तो ये अपने पास देख लो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ मतलब सब कुछ इक्वल होगा जैसे आप राउल्ड्स लॉ में कर रहे थे कि सर P1 वन नॉट इज नथिंग सॉरी P1 वन इज नथिंग P1 किसके इक्वल होगा P1 वन नॉट काई के इक्वल होगा P2 किसके इक्वल होगा P2 टू नॉट काई के इक्वल होगा हो हो सर P टोटल किसके इक्वल होगा इन दोनों को इक्वेट करेंगे सर ये सब कुछ एक दूसरे से ऐड होता चला जाएगा ये ऐड होता चला जाएगा पी वन पी नॉट ऐसे करके बना सकते हैं पक्का राउल्ड्स लॉबे करते रहिए आइडियल सोल्यूशन हो गया ये अपने पास आइडियल सोल्यूशन हो गया p1 p2 p टोटल सर यहां पर देखोगे ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा सब कुछ फॉलो हो रहा होगा कोई दिक्कत नहीं आएगी आइडियल सॉल्यूशन करने में लेकिन लेकिन अगर तुमसे मैं बोलूं कि भाई साहब सुनिए तो सही अगर मैं बोलूं कि भाई आइडियल सॉल्यूशन ऐसा क्यों हो रहा है आइडियल सॉल्यूशन कोई क्यों बना रहा है तो याद रखना a b या फिर a ऐसे बना देता हूं a a b b अगर आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो ऐसा क्यों बन रहा है तो इसका रीजन याद रखिएगा इसका रीजन क्या होता है रीजन फॉर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि सर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा ना इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो चाहे अपने पास सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हो सबका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है सबका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है सबका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है तो याद रखिएगा आइडियल सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रहेगा इक्वल रहेगा मतलब इनके जो एग्जाम्पल्स होंगे अभी आप

नॉन आइडियल क्या है कि भाई ये फॉलो ही नहीं करेगा ये क्या करेगा डू नॉट ओबे ये ओबे नहीं करने वाला है डू नॉट ओबे राउल्स लॉ डू नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कंपोजिशन शुरू से लेकर लास्ट तक एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन को फॉलो नहीं करने वाला है अब यहां देखोगे तो यहां पर क्या होगा यहां पर पी वन इज नॉट इक्वल्स टू पी वन नॉट काइवन कुछ ना कुछ चेंज आएगा शुरू में हो सकता है कुछ देर फॉलो करे कुछ देर ना भी फॉलो करे यहां पर देखोगे तो ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा ये इस तरह से इक्वल नहीं आएगा कुछ ना कुछ तो ज्यादा आएगा या कम आएगा ध्यान सुनना अपने पास ये इक्वल नहीं होगा आइडियल सोल्यूशन में एक चीज और होती है कि सर यहां पर मिक्सिंग करने पर कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी क्यों क्योंकि सर इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम है सर इसके वॉल्यूम को आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर भी क्या होगा इक्वल्स टू जीरो कोई चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर में वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा सर ध्यान सुनना जो आइडियल सॉल्यूशन मतलब गैस होता है, जो को करता है तो वैसे ही मतलब हो गया जो फॉलो करे उसको क्या बोल देंगे सोल्यून बोल, बोल देंगे अब आइडियल सोल्यूशन में देखोगे तो सर इसमें सब कुछ इक्वल चलता है सब कुछ ही फॉलो कर रहा होगा सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती इसमें एग्जाम्पल भी ऐसे आ जाएंगे नॉन आइडियल में क्या होगा कि सर आप ग्राफ बनाओगे ना पता चला आपने ग्राफ बनाया देखो ना इसका ग्राफ बनाओगे आप सोचोगे आप सोचोगे कि सर ऐसा लाइन होना चाहिए था ऐसा अपने पास यहां से यहां तक ऐसे लाइन होना चाहिए था हम लोग तो ऐसे ऐसे बनाते थे सर ये अपने पास ऐसा होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन रियलिटी में देखोगे तो रियलिटी में जितने भी ग्राफ बनेंगे ना वो या तो ऊपर से चले जाएंगे या फिर नीचे से चले जाएंगे या फिर नीचे से चले जाएंगे ऐसे करके बन जाएगा मतलब कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा कोई भी राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा ये ध्यान रखिएगा जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन और इसका रीजन क्या होगा ध्यान सुनना इसका रीजन क्या होगा तो इसका रीजन अपने पास इसका रीज़न हम लोग क्या बोल देंगे कि सर इसका रीज़न क्या होगा ये रीज़न देख लो अपने पास यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा इंटर फोर्स जो होगा वो किसका ज़्यादा होगा सर ए ए का ये इक्वल नहीं होगा बी बी के और ये सब इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे ए ए बी बी अपने पास इक्वल नहीं होंगे ठीक है ये आपस में इक्वल नहीं होने वाले हैं ये आपस में इक्वल नहीं होने वाले हैं तो ये देख लेना मुझसे किसने बोल दिया कि सर ये अपने पास आ रहा है ये ये इसका रीजन अपने पास याद रखना आइडियल में क्या होता है सब कुछ इक्वल होता है इसीलिए वो क्या होता है सर स्प्राउल्स लॉ फॉलो करता है इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग अलग चेंज हो जाता है इनका इंटर फोर्स क्या हो जाता है अलग अलग चेंज हो जाता है इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है अलग अलग चेंज हो जाता है तो यहां पर ये इक्वल नहीं होते अब किसने बोल तो दिया सर नॉन आइडियल है नॉन आइडियल के केस में सर यहां पर यह इक्वल नहीं होगा तो डेल्टा एच मिक्सचर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो डेल्टा वी मिक्सचर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर सेम टाइप के लोग नहीं होंगे इनके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के नेचर के लोग होंगे जैसे पानी है तो पानी के साथ क्या डाल देंगे एसिड डाल देंगे मान लो पानी के साथ क्या डाल दिया एल्कोहल डाल दिया तो ये लोग ना अलग अलग नेचर के आते हैं और इसीलिए ये क्या बनाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं ठीक है तो ये देख लो मैंने क्या बोला राउल्स लॉ जो हमने अभी पढ़ा था ब्रेक से पहले उसी के ऊपर एप्लीकेशन की बात करें तो जो राउल्स लॉ को शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो करेगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग आइडियल सोल्यूशन और जो नहीं फॉलो करेगा उसको क्या बोल देंगे नॉन आइडियल आइडियल क्यों होता है बिकॉज उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स में चेंज नहीं आता सर ऑब्वियस हेगजेन है हेप्टेन है दोनों का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है सिमिलर टाइप का हेप्यूटेन पेंटेन है बेंजीन

अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेता हूं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सर सीधी सी बात है सर यहां पर हमने पढ़ा कि डेल्टा एच मिक्सचर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो डेल्टा एस मिक्सचर इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा वी मिक्सचर इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो अब नॉट इक्वल्स टू जीरो है इक्वल टू जीरो नहीं है तो यहाँ पर दो चीज़ें आने वाली हैं मतलब सर एक तो सर या तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन एक हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम क्या हो जाएगा राउल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और एक होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लॉ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं हम लोग ये देख लो अपने पास पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन 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 नेगेटिव है पहली बात डिफरेंस याद रखिएगा का मतलब कि सर सबसे पहली चीज डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो मतलब ये रिएक्शन जो होगा ये एंडोथर्मिक होगी जब इस तरह का सॉल्यूशन बनेगा एंडोथर्मिक डेल्टा वी मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो मतलब यहां वन लीटर प्लस वन लीटर अगर मिक्स करोगे वन लीटर और वन लीटर मिक्स करोगे तो ये वैल्यू वन लीटर और वन लीटर मिक्स करोगे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या आएगा ग्रेटर देन टू लीटर आ जाएगा यहां एक लीटर एक लीटर को मिक्स करोगे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन टू लीटर्स आ जाएगा ठीक है ये देखना अपने पास सर पहला सॉल्यूशन इसमें भी सेम चीज नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि सर डेल्टा एच मिक्सचर सर ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स मिक्सचर क्या हो जाएगा नेगेटिव मतलब नेगेटिव का मतलब क्या हो गया एक्सोथर्मिक नेगेटिव का मतलब क्या हो गया एक्सोथर्मिक हो गया नेगेटिव का मतलब क्या हो गया एक्सोथर्मिक डेल्टा वी मिक्सचर ये नेगेटिव का मतलब ये देखो निगेटिव मतलब यहाँ वन लीटर प्लस वन लीटर को मिक्स करोगे तो ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा लेस देन टू लीटर हो जाएगा लेस देन टू लीटर हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा ये ध्यान रखिएगा पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन की कहानी ये है कि सर ये अपने पास चीजें आएंगी ये एक्जो है ये एंडोथर्मिक है पक्का हो जाएगा सर श्योर हो होगा अब देखना मुझसे किसने बोला कि सर एक बात करते हैं ये पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन में पहली चीज तो ये देख ली सर दूसरा अगर मुझसे कोई पूछ दे कि सर पॉजिटिव डिविएशन में अगर पॉजिटिव डिविएशन ले रहे हैं तो पी वन की वैल्यू पी वन नॉट काई वन से बड़ी आएगी पी टू की वैल्यू पी टू नॉट काई टू से बड़ी आएगी जो राउल्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे वो सब कुछ उससे ज़्यादा ही वैल्यू आएगी ये ध्यान रखिएगा उससे ज़्यादा ही वैल्यू आएगी पी टोटल की वैल्यू पी वन नॉट काई वन प्लस पी टू नॉट काई टू से ज्यादा एक सिंपल चीज दिखाता हूं ये देखो मतलब तुम पहले अगर लाइन ड्रॉ करते पहले लाइन ड्रॉ करते पहले लाइन ड्रॉ करते, करते तो पहले तुम राउल्स लॉ के हिसाब से ऐसे ड्रॉ करते राउल्स लॉ के हिसाब से तुम ऐसे ड्रॉ करते ठीक है ये देखो ऐसे ड्रॉ करते राउल्स लॉ के हिसाब से ऐसे ड्रॉ करते लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिविएशन का मतलब क्या हो जाएगा कि ये देखना जो तुम सोच रहे हो ना उन सबसे ज्यादा ही ग्राफ मिलेगा अपने पास सर जितना तुम सोच रहे हो ना उससे ज्यादा ही वैल्यूज मिलेंगी जो भी तुमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है उससे ज्यादा वैल्यूज मिलेंगे क्यों क्योंकि सर ये पॉजिटिव पॉजिटिविएशन का ग्राफ है इसका रीजन क्या होता है ध्यान सुनना इसका रीजन क्या होता है इसका रीजन होता है इसका रीजन देखोगे तो सर वही सेम चीज ए है आपस में रिएक्ट करा बी बी बना रहा है सर ए ए और आपस में रिएक्ट करके ए बी बना रहा है सर इसका रीजन कोई पूछेगा तो रीजन में क्या आ जाएगा कि सर रीजन आ जाएगा ए ए की वैल्यू ए की वैल्यू सर क्या हो जाएगी ए ए चाहे बी बी इनकी वैल्यू सॉल्यूट या सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए एज कंपेयर टू सॉल्यूशन तभी जाके ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे पॉजिटिव डेविएशन क्यों दिखा रहे हैं क्योंकि सर ऑब्वियस इनका बॉन्ड सॉल्यूशन में जाके क्या हो जा रहा है वीक हो जा रहा है पॉजिटिव डेविएशन

पानी के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर देता है पहले पानी चार चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा होता है नॉर्मली जैसे ही अल्कोहल आएगा ऑब्वियस उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी वो क्या दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा वो क्या दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा यहां देखोगे अब इसके जस्ट अपोजिट इधर चलो तो यहां पर क्या होगा सर यहां पर P1 वन इज लेस देन पी वन नॉट काई वन पी टू इज लेस देन पी टू नॉट काई टू यहाँ पर देखोगे सब कुछ उल्टा आ जाएगा सर जो पॉजिटिव के लिए पढ़ रहे हैं यहां पर उल्टा कर लो निगेटिव के लिए सर सीधा सीधा क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा पी टू नॉट काई टू ये देख ले ये देखना ये देखो यहां पर आप सोच रहे हो यहां पर जो आप सोच रहे हो कि आप यहां पर ग्राफ ऐसे बनाओगे यहां पर ग्राफ ऐसे बनाओगे ये आप स्ट्रेट लाइन राउल्स लॉ के हिसाब से ऐसे ग्राफ बना रहे थे आप राउल्स लॉ के हिसाब से ऐसे ग्राफ बना रहे थे अब के टाइम पे जो ग्राफ बनेगा अब के टाइम पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या होगा नीचे की तरफ जाएगा नेगेटिव डिविएशन का मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा नीचे रियल ग्राफ कैसा हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा रियल ग्राफ कैसा हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा ठीक है ये देख लेना अपने पास पी वन लेस देन पी टू नॉट ये अपने पास अब इसका रीजन कोई पूछ दे कैसे रीजन हो गया अरे सर रीजन क्या होगा सर फिर से ए ए बी बी के साथ रिएक्ट करेगा क्या बना रहा है सॉल्यूशन ए बी बना रहा है अब यहां पर देखोगे सर यहां वेपर प्रेशर अपने पास प्रेशर अपने को प्रेशर कम हो रहा है प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा यहाँ जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा ऑब्वियस वेपर प्रेशर कम कम होता है जब आपका बॉन्ड क्या हो जाए जब आपका बॉन्ड क्या हो जाए स्ट्रांग बन जाए तो ए ए का बॉन्ड जब वीक हो जाए मतलब आप सॉल्यूशन में गए और वहां आपने स्ट्रांग बॉन्ड बना लिया तो आपका क्या बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव डेविएशन याद रखिएगा सर रीजन याद रखिएगा कैसे कैसे एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे ये एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के अब यही पर एक सिंपल सा लॉजिक बताओ याद करो हम सब ने ग्राफ में एक सिंपल चीज़ पढ़ी है बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एक मिनट देखना अपने पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि सर यहां से यहां तक लेके आएंगे जो वेपर प्रेशर जब इसका वेपर प्रेशर कहां तक पहुंच जाए ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते थे एटमोस्फेरिक लाइन सर ये जो लाइन यहां तक पहुंच जाए इसी को क्या बोलेंगे सर ये क्या बोलेंगे इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे अब अगर बॉइलिंग पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन में ये बॉइलिंग पॉइंट है सर पॉजिटिव डिविएशन में क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा पॉजिटिव डिविएशन में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा खुद से सोचो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा पहले आइडियली आपको यहां से यहां आना चाहिए था लेकिन आपका ऑलरेडी वेपर प्रेशर ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे आप कहां पहुंच जाएंगे बॉयल करना शुरू कर देंगे तो पॉजिटिव में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा डिक्रीज करेगा ये देखो सर आइडियल में यहां से यहां तक आपको हीट देना था लेकिन अब आपको कहां से कहां तक हीट देना पड़ेगा यहां से यहां तक हीट देना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं सर पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डिविएशन में यही सेम चीज इधर आगे कंटिन्यू करते हैं पॉजिटिव डिविएशन में बात करें और नेगेटिव डिविएशन की बात की जाए पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन की बात की जाए तो यहां पर हम सीधा सीधा एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि सर पॉजिटिव डिविएशन में क्या होगा सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डिक्रीज करता है इसीलिए अभी आइस एजियो पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये क्या बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बना देगा ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप साइड आएगा यहां देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डिक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है सॉरी इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट निगेटिव डिवीजन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज करेगा यहां पर कौन सा बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनता है पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन की बात कर रहा हूँ पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन की बात कर रहा हूँ एक में बॉलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा एक में बॉलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज करेगा पक्का तो ये पॉजिटिव डिविएशन हो गया एक नेगेटिव डिविएशन हो गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज्यूट्रॉप्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजूट्रॉप्स अपने पास सर ये देख लो इसके एग्जाम्पल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं अगर पानी अकेला है ना तो सर उसको ना वाटर प्लस एल्कोहल सर ये पॉजिटिव डिविएशन का एग्जाम्पल है बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं उनको लगता है पानी में एल्कोहल डालेंगे मिक्सिंग अच्छी होगी नहीं सर पानी का अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाता है क्योंकि एल्कोहल क्या करेगा साइज में बड़ा होगा ये पता चला आपका वाटर का

वाटर प्लस एसिड वाटर प्लस एसिड में देखोगे तो सर ये क्या हो जाएगा एच टू प्लस कोई भी और एसिड ले लो एच टू एस फोर ले लो सर पहले देखो ना ये क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है जैसे ही पानी में जाएगा ये क्या तोड़ के बना देगा आयंस बना देगा और आयंस में क्या बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है तो इनका बॉन्ड स्ट्रांग बन जाता है इनका बॉन्ड स्ट्रांग बन जाता है तो याद रखिएगा अपने पास ये वाले एग्जाम्पल्स एक तो वाटर का एग्जाम्पल्स वाटर के एग्जाम्पल्स और जैसे अब क्लोरोफॉर्म है अब क्लोरोफॉम है क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन है तो ये क्या करना शुरू कर देता है ऐसे बनाना शुरू कर देगा ये ऐसे बनाना शुरू कर देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां बॉन्ड बनना शुरू हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो गया यह सब क्या हो जाएगा कि सर अब आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा कि सर ये आपके ना बॉन्डिंग क्या सर निगेटिव डिविएशन शो करेगा क्योंकि आपका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या बोल सकते हैं सर इन डिक्रीज कर जाएगा इनक्रीज कर जाएगा वेपर्स क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे क्यों क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है मैं आपको एक सिंपल सा एक टेबल देता हूं उसको ध्यान रखिएगा एनसीआरटी में आपको मिल जाएगा यहां एक सिंपल सा टेबल दे रहा हूं देखिए नेगेटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन कभी याद नहीं करना करना क्यों क्योंकि भाई बेंजीन है जो सेम टाइप के नेचर हैं एक्जेन है हेप्टेन है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड ब्यूटाइल क्लोराइड ब्यूटाइल ब्रोमाइड सी ये सेम टाइप के लोग हैं जो सेम टाइप के ग्रुप के क्लास जो सेम क्लास के लोग होते हैं उनको हम आइडियल सोल्यूशन बोल देते हैं मजा कब आता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन में आते हैं पॉजिटिव डिविएशन में देखिएगा एसीटोन प्लस इथेनॉल एसीटोन प्लस टू ये एनसीईआरटी में है ये आपको पता होना चाहिए एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ये एनसीआर टी में है ये आपको पता होना चाहिए देखिएगा याद रखिएगा एसिड एसिड सर अल्कोहल प्लस एसिड ये सब जो रिएक्शन कर सकते हैं वाटर प्लस एच ये सब क्या होगा अपने पास एसिड प्लस बेस क्या होगा फास्ट रिएक्शन करेगा सॉल्ट बना लेगा तो निगेटिव डिविएशन दिखाएगा यहां देख लो वाटर प्लस इथेनॉल वाटर प्लस मिथेनॉल ये सब जो होंगे एसीटोन प्लस बेंजीन ये क्या करेगा आपकी बॉन्डिंग कम करेगा साइक्लोहेक्सन प्लस इथेनॉल तो ये सारे एग्जाम्पल्स एक साथ हैं आप आराम से इसको आराम से देख लीजिएगा कभी भी मज़ा आए ऐसे लगे नहीं तो ऐसे तो मैं बोलूंगा आप एनसीईआरटी की ही एग्जांपल्स देखिए एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए उन्हीं की बात करिए लेकिन हां फिर भी आपको लगता हो तो आप ऐसे कर सकते हैं मतलब जहां भी रिएक्शन में जहां भी रिएक्शन में ये देख लो ना एसिड प्लस बेस होगा तो एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा एसिड प्लस, प्लस बेस क्या बना देगा सर रिएक्शन करेगा नेगेटिव डिविजन बना देगा एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है सॉल्ट बना लेता है तो वो कौन सा डिविजन शो करेगा नेगेटिव डिविजन शो करेगा तो ये सब चीजें देख लेना पक्का ओके okay. चलो ये अपने पास आ जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन ये अपने पास आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ठीक है अब आते हैं एक एजियो पे कि एजियोट्रॉप क्या है देखो भाई एग्जांपल्स हो गए पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन के आइडियल और नॉन आइडियल की बातें हो गई अब एक काम करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन करने के बाद अभी क्वेश्चन करेंगे पहले एक आईजीओ खत्म कर लेते हैं ठीक है उसके बाद करते हैं एजियो देखते हैं एजियोट्रॉप क्या होते हैं कि भाई सीधी सी बात है एजियोट्रॉप्स मतलब जो एक सिंपल सा एक सिंपल सी लाइन पहले रुक जाओ एजियोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं एजियोट्रॉप्स कौन से होते हैं मिक्सचर्स हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट इनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर हम बोल सकते हैं तो मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज मतलब आप जो कंपोजिशन अभी पढ़ रहे थे लिक्विड और वेपर फेज का लिक्विड एंड वेपर फेज मतलब अगर दो लोग हैं तो लिक्विड फेज का कंपोजिशन और सॉलिड गैसियस फेज का कंपोजिशन क्या हो जाए सेम हो जाए ऐसी कंपोजिशन को ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं एजियोट्रॉप बोलते हैं ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं एजियोट्रॉप बोलते हैं ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं एजियोट्रॉप बोलते हैं क्या बोला जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो इनका क्या होगा सेम कम्पोजिशन होगा लिक्विड एंड वेपर फेज में सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड एंड वेपर फेज में ये क्या कहलाता है एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप के कौन से एग्जाम्पल्स होंगे तो सर ये कौन से एग्जाम्पल्स होंगे सर सोल्यूशन solution. सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन जिसके अंदर पॉजिटिव डिविएशन हो सोल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डिविएशन उनको हम लोग क्या बोल देंगे मिनिमम बॉलिंग पॉइंट एजियो ड्रॉप क्यों क्योंकि उनका ग्राफ ज्यादा बड़ा होगा आराम से दिखा देंगे इसी के अंदर एक और आता है क्या बोलते हैं उसको हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियो ड्रॉप क्या हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियो ड्रॉप्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम बॉयलिंग पॉइंट एजियो ट्रॉप्स मैक्सिमम बॉलिंग पॉइंट एजियो ट्रॉप्स मतलब सर जो सोल्यूशन हैविंग नेगेटिव डिविएशन having negative deviation. नेगेटिव डेविएशन तो ये ऐसे पास पॉजिटिव डेविएशन वाले नेगेटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका था अपने पास सर पॉजिटिव डिविएशन का क्योंकि उसका वेपर्स क्या हो रहे थे ज्यादा हो गए थे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका था नेगेटिव डिवीशन की उसके वेपर्स कहाँ आ गए थे नीचे आ गए थे पक्का तो एजियो क्या है एजियो के बारे में एक और बात बोली जाती है कि वो सेपरेट आउट नहीं किए जा सकते स्टीम डिस्टिलेशन से दोनों फ्रैक्शन को आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते सेपरेट आउट क्योंकि उनके बीच में उनके बीच में अगर बात करें उनके लिए तो इनके बीच में एक बात बोली जाती है कि इनको सेपरेट इसलिए नहीं कर सकते सेपरेट आउट नहीं कर सकते बिकॉज इनके बीच में क्या हो रहा होता है कि सर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है कांस्टेंट मतलब वेपर्स क्या बनाएंगे दोनों सेम बना देंगे तो ये ये लाइन 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 देखिएगा आपको अब आप समझ में आएगी एनसीईआरटी की है कंपोनेंट्स इन एज्यूट्रॉफ कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन क्यों क्योंकि सर इनकी कंपोजिशन सेम होती है अगर आप हीट करोगे तो इनके वेपर्स में भी सेम कंपोजिशन आ जाएगा, जाएगा जैसे पहले था इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स अब ऑब्वियस है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स बोल देंगे और इसी को हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये हटा दो अब क्योंकि इसके दो बनेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियो ट्रॉस और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजो ट्रॉस बन जाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम बन जाएंगे पक्का मैक्सिमम और मिनिमम बन जाएंगे अब एक काम करो हमने राउल्ड्स लॉ पढ़ लिया हेनरीज लॉ पढ़ लिया यहाँ पर राउल्ड्स लॉ और हेनरीज लॉ को बात करते हैं हम लोग एक लाइन लिखते हैं राउल्ड्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ राउल लॉ को स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ बोला जाता है क्यों भाई राउल्स लॉ को स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ क्यों बोला जाता है हैनरीज लॉ किसके लिए था सर ये किसके लिए था गैस इन लिक्विड के लिए था गैस इन लिक्विड के लिए था यहां पर पी इज इक्वल्स टू क्या होता था के एच इन टू काई होता था सर ये क्या होता था राउल्ट लॉ किसके लिए था राउल्ट लॉ किसके लिए था लिक्विड लिक्विड के लिए था लिक्विड इन लिक्विड के लिए था यहां पर पी की बात करेंगे तो ये किसके इक्वल था पी नॉट इन टू का ही था सर एक बात बताओ ये स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ क्यों कहा जा रहा है इसको स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ क्यों कहा जा रहा है ये देखना अपने पास स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ क्यों कहा जा रहा है राउुल्स लॉ को स्पेशल केस ऑफ उल्टा भी बोल सकते हैं लेकिन उल्टा नहीं बोल रहे हम राउल्स लॉ को बोल रहे स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ क्यों ये तभी हो पाता है जब ये देख लो अपने पास जब पी नॉट की वैल्यू क्या हो जाए के एच के इक्वल और और स्पेशल केस ऑफ एनरी वेन गैस इज वेन लिक्विड इज सो वोला मतलब वो लिक्विड इतना वोला हो वेन लिक्विड इज सो वोला व्हेन वेन लिक्विड इज सो वोला दैट इट एक्ट्स एज गैस वो किसकी तरह काम करना शुरू कर दे गैस की तरह काम करना शुरू कर दे मतलब वो इतना वोला टाइल हो जैसे पेट्रोल है पेट्रोल लिक्विड नहीं बोल सकते उसको पेट्रोलियम गैस बोल देते हैं क्यों क्योंकि वो इतना ज्यादा वोला टाइल है कि वो बिहेव एज अ गैस वो किसकी तरह काम करना शुरू कर दे गैस की तरह काम करना शुरू कर दे वो गैस की तरह काम करना शुरू कर दे तो याद रखिएगा कोई पूछे कि राउल्ट लॉ हेनरीज लॉ कब बोला जाता है स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ सर ये कंडीशन जब पी नॉट किसके इक्वल हो जाए के एच के पी नॉट किसके इक्वल हो जाए के एच के पी और केज क्या हो जाए? हो जाएं। पी और केज क्या हो जाए? हो 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 और क्या तो हमारा कहलाएगा पक्का हो जाएगा। इतना ज़्यादा कि भाई किस की तरह करना कर की तरह। करना शुरू कर दे, की गया काम पक्का तो सर एजियोट्रॉप हो गया आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो गए आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो गए अब देख लो ना कुछ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स ऐसे आपके एग्जाम में एग्जाम में ये पूछेगा नहीं ये वाला एग्जाम में नहीं पूछेगा परसेंटेज कंपोजिशन बताइए ये एग्जाम में नहीं आएगा हाँ एग्जाम हॉल में एनसीईआरटी में ये गिवन है ये एनसीईआरटी में ये गिवन है नाइट्रिक एसिड वाला गिवन है नाइट्रिक एसिड वाला गिवन है तो नाइट्रिक एसिड आ सकता है नाइट्रिक एसिड आ सकता है देखो नाइट्रिक एसिड वाला गिवेन है इनका कॉन्स्टेंट अपने पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कॉन्सटेंट ये देख लो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजुट्रॉप हैं मतलब नेगेटिव डेविएशन वाले हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है उससे ज्यादा है इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों क्योंकि सर इनका वेपर्स क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजुट्रॉप मतलब निगेटिव डेविएशन वाले लोग निगेटिव डेविएशन वाले लोग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज्यूट्रॉप बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज्यूट्रॉप बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज्यूट्रॉप्स बनाते हैं ठीक है पक्का हो जाएगा सिर्फ एनसीआरटी में ये है तो इसी को याद रखिएगा इसको परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो ट्रॉप्स में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है चलो क्वेश्चन बताओ क्या होगा क्या होगा आंसर बताइए क्या होगा कितना आएगा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बताना है कितना होगा कितना होगा

स ज्यादा हो जाएगा 383 एटी थ्री कैलविन से ज्यादा हो जाएगा क्यों क्योंकि हमने पढ़ रखा है जब एसिड वाटर और एसिड मिक्स होते तो क्या दिखाते हैं नेगेटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या हो गया अपने पास नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या हो गया पक्का ग्रेटर देन 383 एटी थ्री कैलविन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वॉटर एंड एच सी एल बॉय सेट अब इसका बताओ इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर क्या आएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है इसको डिस्टिलेशन करेंगे बताओगे क्या मिलेगा एच मिलेगा वाटर मिलेगा क्या मिलेगा इसमें क्या मिल जाएगा सर कुछ भी नहीं मिलने वाला क्यों क्योंकि आप अलग कर ही नहीं पाएंगे ना डिस्टिलेशन से आप इनको सेपरेट आउट कर ही नहीं सकते डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट आउट कर ही नहीं सकते कुछ भी नहीं मिलने वाला ये तो बता दिया okay. स्पेशल केस ऑफ चलो अब देखो यहां पे बात कर रहा था मेरे पास अब मेजर चैप्टर का मेजर पोर्शन फिनिश्ड है अब देखो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन जब हम लोग बनाते हैं ना तो वहां पर क्या होता है क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज दिखती है मतलब अगर मुझसे कोई पूछ दे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज तो यहां पर याद रखना क्या होता है यह देखना नहीं बेटा अब तुम सोचोगे कि हर एक चीज़ पे बहुत टाइम मिले कहाँ मिल पाएगा या पूरा चैप्टर ख़त्म करना है छः घंटे अभी पाँच बजे से दूसरी क्लास है तो छः घंटे में ख़त्म भी करना है चार बजे तक तो पूरा इतना भी टाइम नहीं मिल पाएगा जितना आप सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं आराम आराम से बैठ के करूँगी फिर करूँगी ऐसा नहीं हो पाएगा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा था देख भाई क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है ये क्या होते हैं सर दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन क्वालिगेटिव प्रोपर्टीज मतलब क्या हो गया दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स ऑनली ऑन विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इरस्पेक्टिव ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर Irrespective of their nature, size, reactivity. इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर साइज और रिएक्टिविटी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके साइज और रिएक्टिविटी से ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही हो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही हो उसके अलावा किसी चीज पे फर्क ना पड़ेगा कोई उनका नेचर साइज रिएक्टिविटी इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको क्या बोल देंगे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज बोल देंगे उसको so, क्या बोलेंगे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी बोल देंगे सर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर जो डिपेंड करता हो उसको क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी जो सिर्फ नेचर साइज रिएक्टिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सर ऐसे कौन से हैं देयर आर फोर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में हैं ये चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में हैं चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं है हमारे सिलेबस में कौन कौन सी ये देखिएगा फर्स्ट वन जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत आगे पढ़ लॉ में पढ़ चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर जैसे ही सॉल्यूशन बनाते हैं आपको पताया था अभी शायद कि जैसे ही सॉल्यूट डालते हैं वो क्या हो जाता है कम हो जाता है सर वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा एलिवेशन होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा एंड थर्ड वन अगर हम बात करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा 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 डेल्टा टी एफ हो जाएगा डेल्टा टी एफ हो जाएगा इसको डेल्टा टी बी बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं आर एल वी पी बोल देते हैं आर एल वी पी बोल देते हैं और चौथा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है दैट इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर उसको क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर किससे डिनोट करते हैं पाई से याद रखिएगा इन तीनों के बारे में बोला जाए तो ये तीनों क्या हैं रिलेटिव क्वांटिटी हैं ये तीनों क्या होती हैं रिलेटिव क्वांटिटी होती है रिलेटिव क्वांटिटी होती है रिलेटिव क्वांटिटी होती है ये बंदा क्या होता है ये बंदा क्या बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है एब्सोल्यूट क्वांटिटी है इसीलिए इन चारों में सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं जब बायो में पढ़ेंगे आगे तो आप लोगों को पता चलेगा डॉक्टर बनने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा यूज होता है चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है उसमें बायो में कॉस्मोटिक प्रेशर यूज होने वाला है ऑस्मोटिक प्रेशर यूज होने वाला है ये देख ले भाई मेरे पास मैंने बोला क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वैसी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो किस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूड पार्टिकल्स पे चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कौन कौन सी आर एल वीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पकड़ते हैं आर एल वीपी होता क्या है हमने सर शुरुआत में बोला था कि सर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमने पढ़ा था ये कि सर इसको क्या बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऐसे लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यही लिखा जाएगा P1 नॉट P1 क्या होता था अगर कोई सॉल्यूशन बनाएगा तो इसको क्या बोलते थे वेपर प्रेशर ऑफ इसको सॉल्यूशन बोल दो या फिर इसको हम लोग बोलते थे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन पक्का ये वन नॉट हो गया ये P1 वन हो गया P1 नॉट हो गया और ये क्या हो गया P1 हो गया P1 नॉट और P1 देख लो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक बात बताओ अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे P1 बड़ा होता है या P1 नॉट बड़ा होता है अच्छा P1 किसके इक्वल होता है सर राउल्ड्स लॉ के हिसाब से यही तो पढ़ा है पीवन किसके इक्वल होता है कहां से आया ये राउल्स लॉ से आया मतलब तुम कोई भी सोल्यूट डालोगे तुम्हें पता है कि सर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होने वाला है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होने वाला है क्यों क्योंकि सर शुरुआत में आपका पी वन नॉट था बाद में कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा पी वन नॉट माइनस पी वन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया सर पी वन नॉट डेल्टा पी की वैल्यू एक बार देखो ये क्या पुट कर दें डेल्टा पी की वैल्यू पी वन नॉट कॉमन कर दो वन माइनस का इसको क्या लिख सकता हूं ये देखना डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग मतलब अपने रिस्पेक्ट में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर याद रखना अपने पास ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है ये क्या होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता क्यों डेल्टा पी की वैल्यू सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रही है सॉलिड पे भी डिपेंड कर रही है लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने जाऊं तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सर मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे किस पर डिपेंड कर रहा है मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे किस पर डिपेंड कर रहा है मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखना है डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट काई टू इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा इसमें बस एक कंडीशन याद रखना ये देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नॉर्मल है बस इन केस ऑफ इन केस ऑफ ध्यान सुनना इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब एनसीआरटी में क्या किया है ना कि भाई ये फॉर्मूला ये वाला डायरेक्ट यूज कर दिया है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे पहचानेंगे तो सर वेरी डाइल्यूट पहचानने का तरीका है काइटू की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए वेरी लो या फिर बहुत ज्यादा डेल्टा पी की वैल्यू बहुत कम आ जाए मतलब चेंज इन प्रेशर बहुत छोटा हो तो ये अपने पास या फिर हम बोल सकते हैं कि एन टू की वैल्यू बहुत कम हो जाए नंबर ऑफ सॉल्यूट के मूल्स काफी कम हो जाए एज कंपेयर टू तो एन वन तो उस केस में एन टू प्लस एन वन को हम लोग क्या ले लेंगे एन वन ये तीन कंडीशन में याद रखिएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन

ये रियल फॉर्मूला है उसके अंदर अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन आ गया अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन आ गया मतलब इन तीनों कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई करना शुरू कर दे इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना शुरू कर दे तो उस केस में हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई ये क्या हो जाएगा अब अपने पास ये क्या कहलाएगा कि सर ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में डायल्यूट सोल्यूशन ले लो ठीक है हो जाएगा पक्का तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऐसे देख लेंगे एन टू एन वन प्लस एन टू अपने पास ये याद रखना है किसके लिए होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वेरी डाइल्यूट पहचानने का तरीका काई टू डेल्टा पी एन टू लेस लेस देन एन वन एन टू प्लस एन वन ये क्या हो जाएगा इसको एन वन मान लेंगे अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आए आप इसको बस पहचान लेना ये कैसे पहचानेंगे इसके लिए तीन कंडीशन बताई इन तीन कंडीशन में ही पहचानना है अपने को चलो जैसे देखो बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होता है बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होता है बताओ बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होगा कैसे डिफाइन होगा बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होता है बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वेपर प्रेशर जब किसके इक्वल हो जाए एटमोस्फेरिक प्रेशर के वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए एटमोस्फेरिक प्रेशर के भाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जल्दी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से बताओ क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा विचो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेक्स ओनली इन आइडियल सोल्यूशन नॉट किस पे डिपेंड करेगा क्या होगा स्टेटमेंट कौन सा सही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा सॉल्वेंट पे एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पक्का उसको सॉल्वेंट से कोई मतलब नहीं चलिए ये बताइए ये बताइए क्या होगा इसका क्या आंसर आएगा इसका आंसर क्या आएगा जल्दी इसका आंसर क्या आएगा होगा वेन वन मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज थ्री मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब पी वन विथ रिस्पेक्ट टू पी वन नॉट ये किसके इक्वल होगा P1 वन अपॉन पी नॉट तो सीधा सीधा सर कहां से आया है ये ये तो फार्मूला कहां से पढ़ा था ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना कहां से होता है सर ये फार्मूला हमने राउल्स लॉ से पढ़ा है तो P1 वन अपॉन पी नॉट इज काई वन तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई काई वन की वैल्यू कितनी है थ्री मूल्स अपॉन थ्री प्लस वन कितना आ जाएगा थ्री बाई फोर आ जाएगा 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 जल्दी ये क्वेश्चन निकालो ये क्वेश्चन निकालो कैलकुलेट करना है जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180 ग्राम सर इसको पानी के साथ डिजॉल्व कर रहे हैं पानी का मास कितना है सर 18 ग्राम सर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल के देखो नेग्लेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते उसके बाद सोचो क्या आंसर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 18 अपॉन 180 कितना आ जाएगा 0.1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने जाओगे 178.2 डिवाइड बाय 18 करोगे सर ये कितना आ जाएगा आई थिंक 9.9 के आसपास आ जाएगा 9.9 आ जाएगा हो गया अब निकाल लो वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब क्या निकालना है सर वैल्यूज पुट करो पी वन नॉट कितना दिया है पानी का अपना खुद का प्रेशर कितना दिया है 17.5 माइनस पी वन कितना दिया हुआ है यही निकालना है डिवाइड बाय 17.5 पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू काई टू की वैल्यू कितनी होगी सर एन टू की कि वैल्यू कितनी है नंबर ऑफ मोल्स 0.1 ये 0.1 पॉइंट वन प्लस नाइन और ये कितना हो गया वन बाई टेन हो गया जीरो पॉइंट वन बाई टेन हाँ जीरो पॉइंट वन बाई टेन ठीक है तो ये कितना हो गया हंड्रेड हो गया अब देख लो इधर लाके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ये हंड्रेड सेवन फिफ्टी माइनस हंड्रेड पी वन इज इक्वल टू सेवनटीन पॉइंट फाइव और हंड्रेड पी वन इज इक्वल टू सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी माइनस सेवनटीन पॉइंट फाइव सेवनटीन हंड्रेड थर्टी फोर पॉइंट फाइव थर्टी थ्री पॉइंट फाइव ना थर्टी टू पॉइंट फाइव पी तो वन की वैल्यू कितनी आ गई सेवनटीन पॉइंट थ्री टू फाइव सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा सेवनटीन पॉइंट थ्री टू फाइव क्या आंसर आ जाएगा सेवनटीन पॉइंट थ्री टू फाइव सेवनटीन पॉइंट थ्री टू फाइव पक्का सेवनटीन पॉइंट थ्री टू फाइव हो जाएगा चलिए ये क्वेश्चन करिए क्या होगा रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताइए इस क्वेश्चन में क्या है इस क्वेश्चन में पहले ये बताओ डाइल्यूट सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है क्यों देखना शुरुआत से पढ़ना पांच ग्राम नॉन वोल इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो किसमें नाइनटी ग्राम वाटर के अंदर डाल रहे हो ठीक है 90 ग्राम वाटर के अंदर पांच ग्राम नॉन ये सर शुरुआत में सॉल्यूशन का प्रेशर कितना दिया है इतना और उस टाइम पे वाटर का वे प्रेशर कितना दिया है इतना मतलब चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है बहुत कम आ रहा है डेल्टा पी की वैल्यू क्या है बहुत कम है डेल्टा पी की वैल्यू निकालने जाओगे तो कितना होगा सर 3000 के रिस्पेक्ट में बहुत कम चेंज आ रहा है 15 का चेंज आ रहा है तो डेल्टा पी कम है इसीलिए कौन सा सॉल्यूशन लिया जाएगा वेरी डायल्यूट सोल्यूशन लिया जाएगा और यहां पर कौन सा फॉर्मूला पुट कर देंगे सर याद कीजिएगा डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टू बाई एम टू एम टू एम वन बाई डब्ल्यू वन हो गया डेल्टा पी कितना है 15 ये कितना है 3000 थाउजेंड टू कितना हो गया सर 5 ग्राम उसका मोलर मास वही नहीं पता इन टू एम वन कितना है 18 अपॉन 90 सर ये क्या हो गया एम टू की वैल्यू कितनी आ गई टू हंड्रेड आ गई एम टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू हंड्रेड आ जाएगी एम टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू हंड्रेड आ जाएगी तो आप देख लो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो इन तीन चार क्वेश्चन पे आप निकाल सकते हो इन तीन चार क्वेश्चन पे आप काम कर सकते हो अरे कहा गया वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है ध्यान सुनना वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा वेपर प्रेशर जब डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करने पे क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा ये बात तो हमें पहले से पता चल रही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा सुनना ध्यान से इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से अब डेल्टा टीवी ध्यान सुनना अपने पास मैंने बोला कि सर आप जैसे ही कोई सोल्यूशन बनाओगे जैसे ही कोई सोल्यूशन बनाओगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा एक सिंपल सा काम करते हैं ग्राफ बना लेते हैं ये देखो टेम्परेचर का ग्राफ है इधर टेम्परेचर लिखा मैंने और इधर मैंने क्या कर दिया प्रेशर का ग्राफ बना दिया ध्यान से देखना तुमसे बोला गया कि सर अब ये वाली जो लाइन है ना ये जो लाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है ठीक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है मान लो प्योर सॉल्वेंट जा रहा है प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जा जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा यहां जाके हिट कर गया ये क्या है प्योर सॉल्वेंट है ये क्या है प्योर सॉल्वेंट है ये क्या है प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट मान लो इस टेम्परेचर पर जाके हिट कर रहा है इस टाइम पे उसका प्रेशर जाके किसके इक्वल हो रहा है सर टीबी क्या है टीबी क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये देखना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट अब मुझसे किसने बोला कि सर सॉल्वेंट के बदले सॉल्यूशन बना दीजिए सॉल्यूशन जैसे ही बनाऊंगा सर वेपर प्रेशर क्या होगा डिक्रीज तो ग्राफ कहां से स्टार्ट करूंगा नीचे से सॉल्यूशन का ग्राफ कहां टकराएगा सर इधर टकराएगा सॉल्यूशन नीचे से क्यों बना रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें पता है प्योर सॉल्वेंट से कम होगा सॉल्यूशन का वेपर यहां देखोगे तो सर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी डैश कर दू और तुम्हें पता है बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आ रहा है वो कितना हो रहा है सर बॉइलिंग पॉइंट टीबी डैश माइनस टीबी बॉइलिंग पॉइंट अब क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है याद रखिएगा ये जो डेल्टा टीबी है ये जो चेंज है ये जो चेंज है डेल्टा टीबी का ये जो चेंज है डेल्टा टीवी का ये जो चेंज डेल्टा टीबी का दिख रहा है ये जो डेल्टा टी बी का चेंज है डायरेक्टली पोर्सनल टू क्या होता है मोलालिटी होती है डायरेक्टली पोर्सनल टू मोलालिटी डेल्टा टी बी इज नथिंग के बी इन टू एम हो जाएगा के बी इन टू एम वेयर के बी इज नोन एज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, वेयर के बी इज़ नोन एज एब्यूलोस्कोपिक कॉन्सटेंट के बी को क्या बोलेंगे ईब्यूलोस्कोपिक कॉन्सटेंट या फिर मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट 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 बोला जाएगा डेल्टा टीवी क्या कहलाएगा के बी इन एम कहलाएगा के बी इंटू एम कहलाएगा पक्का ये देखो मुझसे बोला गया सर डेल्टा टी वी का फॉर्मूला अगर बड़ा सा लिखा जाए तो डेल्टा टीवी इज नथिंग के बी इंटू डब्ल्यू टू बाई जितने न्यूमेरिकल्स करने हैं अब इसके ऊपर करते चले जाओ थाउजेंड बाई डब्ल्यू वन याद रखना न्यू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कोई पूछ दे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कोई पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर कोई पूछता है तो वो क्या है सर टीबी प्लस डेल्टा टीबी लिख सकते हैं ना याद रखिएगा पुराना सॉल्यूशन ये दो तीन क्वेश्चन आते हैं खूब सारे जितना मोलालिटी बढ़ाओगे जितनी मोलालिटी बढ़ाओगे ध्यान सुनना जितनी मोलालिटी बढ़ाओगे जितनी मोलालिटी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी जितनी मोलालिटी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी सर डेल्टा टीबी की वैल्यू बढ़ेगी और उतनी ज्यादा क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जितनी मोलालिटी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा क्या होगी डेल्टा टीबी की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्यों क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं देखना ध्यान से अगर आप मोलालिटी इंक्रीज करते हो सर मोलालिटी इंक्रीज करोगे डेल्टा टी भी क्या होगा इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा इंक्रीज करेगा बॉयलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा इंक्रीज होगा इसके ऊपर एक ग्राफ का क्वेश्चन भी आ जाता है इसके ऊपर एक ग्राफ का क्वेश्चन भी आ जाता है जो ग्राफ मैंने नॉर्मल ऐसे ही बनाया था उसी ग्राफ का क्वेश्चन मैं अगर ऐसे दे दूटमोस्फेरिक प्रेशर का ये देख लो यहां सॉल्यूशन वन है कोई सॉल्यूशन है वन ये सॉल्यूशन टू है और यह सॉल्यूशन थ्री है चलो बताओ सॉल्यूशन वन टू थ्री इन दोनों में मोलालिटी किसकी ज्यादा होगी डेल्टा टीबी का ऑर्डर बताओ डेल्टा टीबी का ऑर्डर बताओ ग्राफ देख के बता सकते बता। हो टीवी का ऑर्डर बताओ क्या होगा मोलालिटी डेल्टा टीवी इन सब का ऑर्डर बताओ क्या बनेगा डेल्टा टीवी मोलालिटी इन सब का ऑर्डर बताओ क्या बनेगा क्या हो जाएगा सर सबसे ज्यादा किसका होगा सबसे ज्यादा किसका होगा सर देखो ना बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ये ये टेम्परेचर इसका बॉलिंग पॉइंट यहां पर इसका बॉलिंग पॉइंट यहां पर सबसे ज़्यादा बॉलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा थ्री का तो इसका मतलब उसकी मुलालिटी ज़्यादा फिर टू की फिर किसकी होगी वन की सर सबका सेम ऑर्डर आएगा अभी ध्यान रखना अभी फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ चेंज आएगा ये ध्यान रखिएगा थ्री टू वन ऐसे आ जाएगा पक्का थ्री टू वन ऐसे मुलालिटी आ जाएगा मुलालिटी का ऑर्डर ऐसा आ जाएगा मुलालिटी ऐसे आ जाएगी पक्का अब देखना सर यहां पर जो Kb आया ना डेल्टा Tb में अगर हम लिख रहे हैं केबी इन टू एम के बी की जो वैल्यू है के बी की जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं केबी जो होता है डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है इसकी वैल्यू जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है वैल्यू जो होगी वो कॉन्स्टेंट फॉर गिवन सॉल्वेंट आपको पानी का केबी याद रखना होता है पानी का केबी जो होता है पानी का केबी जो होता है पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो इसका केबी याद रखिएगा जीरो पॉइंट फाइव टू क्या हो जाएगा कैल्विन मोल इनवर्स के जी ठीक है या मोल इनवर्स के जी ऐसे करके देख लीजिएगा केबी की वैल्यू निकल के आती है उसकी वैल्यू होती है आर टीबी स्क्वायर एम थाउजेंड टाइम्स डेल्टा एच वेपराइजेशन उन टाइम्स डेल्टा एच वेपराइजेशन यह क्या हो जाएगा आर टीबी वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट हो जाता है यह सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है सोलवेंट के ऊपर टीबी का मतलब क्या होता है बॉयलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्वेंट एम का मतलब क्या हो गया मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब क्या हो गया डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब हो गया कि भैया डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या हो जाएगा ये वेपराइजेशन इन थे ठीक है तो ये देख लो के बी की वैल्यू क्या हो गई आर टी बी स्क्वायर एम थाउजेंड टाइम्स डेल्टा एच बाई डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ऐसे करके हम लोग वैल्यूज निकालते रहेंगे इस तरह से चीजें सॉल्व होगी पक्का तो डेल्टा बी के बी इन एम हो गया डेल्टा बी के बी इंटू एम हो गया ये निकाल दो ओके डन ये देख लो वन पॉइंट एट सिक्स बेटा के बी की वैल्यू नहीं आती जीरो पॉइंट फाइव टू होती है वन पॉइंट एट सिक्स के एफ की वैल्यू होती है केबी की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट ठीक है चलो ठीक है अब देखना मेरे पास फॉर्मूला आ गया छोटे छोटे देखो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है दो फॉर्मूले अभी तक आए और दोनों फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जैसे ये न्यूमेरिकल आ गया ये न्यूमेरिकल आ गया बताओ इसका क्या आंसर आएगा एक न्यूमेरिकल ऐसा आ गया डी मतलब डेल्टा है यार ये क्या आंसर आएगा इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर क्या आएगा बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अशन ऑफ टेन ग्राम ऑफ सोल्यूट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर इज हंड्रेड डेल्टा टी विल ऑफ वाटर इज कैसे निकालेंगे के बी की वैल्यू कैसे आएगी केबी इंटू फार्मूला क्या था बस फार्मूला पुट करो आंसर निकाल लो फार्मूला पुट करो आंसर निकाल लो ये देख लो डेल्टा टी टीवी सर ये डेल्टा टी टीवी इसकी वैल्यू केबी इंटू डब्ल्यू टू टेन मोलर मास कितना है हंड्रेड इन टू थाउजेंड अपॉन गिवन सॉल्यूट कितना है हंड्रेड ये देख लो डेल्टा टीबी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है Kb के बी के इक्वल के बी इज नथिंग डेल्टा टीबी हो गया क्या आ जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर पक्का चलिए निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए क्या होगा क्या होगा प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है के भी पता है पानी का दिया है जीरो पॉइंट फाइव वन थ्री बॉइलिंग पॉइंट निकालना है बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो पहले क्या निकालोगे डेल्टा टी बी दैट इज़ के बी इन टू एम के बी की वैल्यू क्या है तो के बी की वैल्यू कितनी हो गई सर जीरो पॉइंट सिक्स नाइन इंटू जीरो पॉइंट फाइव वन थ्री इतना डेल्टा टी बी आ गया सर टी बी की वैल्यू क्या होगी नया सॉल्यूशन का कितना होगा नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन टू फाइव प्लस जीरो पॉइंट सिक्स नाइन इंटू जीरो पॉइंट फाइव वन थ्री यही होगा शायद जीरो पॉइंट सिक्स नाइन इंटू जीरो पॉइंट फाइव वन थ्री जीरो पॉइंट सिक्स नाइन इंटू जीरो पॉइंट फाइव वन थ्री कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट ये कितना है अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो जीरो पॉइंट थ्री फाइव फोर आ जाएगा और इसको ऐड कर दिया जाए नाइन्टी नाइन पॉइंट टू फाइव हंड्रेड पॉइंट जीरो सेवन एट नाइन सेवन हंड्रेड पॉइंट जीरोक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर तो ऐसे निकाल लो अब यहां पर सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा बॉइलिंग पॉइंट अपने पास देख लो जैसे अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है चलो इस क्वेश्चन को करो इस क्वेश्चन को करो क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा जल्दी एलिवेशन निकालना है तो डेल्टा टी बी बस फॉर्मूला निकालना है के बी इन टू डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू वन बेटा देख ले अपने पास के बी की वैल्यू सर के बी डब्ल्यू टू की वैल्यू कितनी है वाई ग्राम सर उसका मोलर मास कितना है एम इंटू थाउजेंड अपॉन टू फिफ्टी लगा दिया तो टू ये फोर टाइम्स हो गया और फ़ोर टाइम्स के बी इन टू वाई अपॉन एम हो जाएगा ये डेल्टा टी बी हो गया डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर टाइम्स के बी इंटू वाई अपॉन एम हो जाएगा फोर टाइम्स के बी इंटू वाई अपॉन एम हो जाएगा डेल्टा टी बी का फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा पक्का हो जाएगा चलो

सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन है ध्यान सुनना इस लाइन को टच करोगे जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब अब आपका सॉल्वेंट sol, जब फ्रीज कर रहे हैं फ्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा अब आप फ्रीज कर रहे हो तो आप अपना टेम्परेचर कम करोगे टेम्परेचर कम करोगे तो प्योर सॉल्वेंट कैसा होगा प्योर सॉल्वेंट बेचारा ऐसा होगा जिस टेम्परेचर पे लाके आप उसको फ्रीज कर दोगे जिस टेम्परेचर पे यही क्या कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट अब दिक्कत क्या है कि सर आपने क्या किया सॉल्यूशन का ग्राफ कहां से आएगा नीचे से आएगा क्यों क्योंकि सॉल्यूशन का हमेशा आपको ही पता है सॉल्यूशन के केस में हमेशा क्या बोलते हैं कि सर उसका वेपर प्रेशर कम होता है तो अब वो कहां हिट करेगा अब देख लो टीएफ डैश सर टीएफ डैश क्या है सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है और इन दोनों के बीच में देख लो तो सर यहां पर क्या हो रहा है डेल्टा टी एफ क्या हो रहा है सर टी एफ माइनस टीएफ सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रही है डिप्रेशन में जा रही है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है डेल्टा टीएफ क्या हो रहा है देख लो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है डिप्रेस हो रहा है ये एक बात देख लेना फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है डिप्रेस हो रहा है मतलब प्योर सॉल्वेंट है सॉल्यूशन उसके नीचे होगा तो ऑब्वियसली जब फ्रीज करेंगे तो वो कहां जाके हिट होगा यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में डिफरेंस है ठीक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में डिफरेंस है क्या डिफरेंस आ रहा है तो प्योर सॉल्वेंट इधर क्या हो रहा है यहां पर इस टाइम पे जाके हिट हो रहा है सॉल्यूशन यहां जाके हिट हो रहा है टीएफ डैश डैस पक्का तो ये प्योर सॉल्वेंट हो गया डेल्टा टीएफ अगर मैं बात करूं डेल्टा टीएफ इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी डायरेक्ट अप टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी डेल्टा टीएफ की बात करेंगे तो यहां पर डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा के केएफ इनटू एम हो जाएगा यहां पर ये केएफ क्या है सर केएफ को बोलते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फिर हम लोग इसी को बोल देते हैं डेल्टा टी एफ इज नथिंग के एफ इंटू एम यह देख लो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू थाउजेंड अपॉन थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू वन बस अब ये सारे फॉर्मूले जितना ज्यादा आप देख लो ना अपने हिसाब से जितना ज्यादा आप चाहोगे क्रायोस्कोपी कांस्टेंट की वैल्यूज उस तरह से फ्लक्चुएट कराओ अगर तुमसे के एफ की वैल्यू कोई पूछ देगा तो के एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी सर के एफ की वैल्यू आर टी एफ स्क्वायर एम अपॉन थाउजेंड टाइम्स डेल्टा एच फ्यूजन हो जाएगा वेयर टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट M is molar mass of solvent. जैसे आपने वहां का फॉर्मूला बस कंपेयर कर लेना सब कुछ फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सब कुछ सिमिलर है वहां पर अपने पास सेम फार्मूला था वहां बॉइलिंग पॉइंट था वहां वेप्रेशन इ थेरेपी थी यहां पर क्या हो गया है बस फ्यूजन इन थेरेपी आ गई है और कोई डिफरेंस नहीं आया है सब कुछ सिमिलर सा है फ्रीजिंग पॉइंट में देख लो फ्रीजिंग पॉइंट में बस एक ही डिफरेंस आएगा एलिवेशन एंड फ्रीज बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बस एक ही डिफरेंस आएगा पता है क्या एक तो इनका ग्राफ अलग अलग होगा दूसरा ग्राफ में एक चीज़ याद रखना अगर मैं बोलूं कि सर मोलालिटी इंक्रीज करते हो अगर मैं बोलता हूं कि मोलालिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू इंक्रीज होगी बट फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा देख लो अब तुम्हें ये डिफरेंस याद रखना क्यों क्योंकि ये जब ग्राफ ऐसे बनेगा ना मान लो ये प्रेशर का ग्राफ है और ये टेम्परेचर का है ध्यान से देखना अपने पास ये सॉलिड सॉल्वेंट है इसके इधर सोल्विड होगा यह देख लो ये इससे टकराया ये मान लो प्योर सॉल्वेंट था सॉल्यूशन वन ले लिया ये सॉल्यूशन टू है तुम खुद से बताओ वन और टू में किसका फ्रीजिंग पॉइंट ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट ये है इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखोगे इसका टी एफ ये हुआ ये टी एफ डैश ले लेता हूँ ये टी एफ डबल डैश ले लेता हूँ सर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है सर डेल्टा टी एफ का आप खुद से कंपेयर कर लो डेल्टा टी एफ किसका ज़्यादा है सर टू का ज्यादा है वन से सर मोलालिटी भी किसकी ज़्यादा होगी मोलालिटी किसकी ज़्यादा होगी सर टू की ज़्यादा होगी किससे से वन से लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट पूछ दूं तो फ्रीजिंग पॉइंट सर टू का कम होगा किससे वन से याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है आपके डिक्रीज कर रहा है तो ये ध्यान रखिएगा आपको बॉइलिंग पॉइंट में ये डिफरेंस याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट वाले में हमने सेम ऑर्डर रख रखा है फ्रीजिंग पॉइंट में हमारा सेम ऑर्डर नहीं होगा फ्रीजिंग पॉइंट में हमारा सेम ऑर्डर नहीं होगा फ्रीजिंग पॉइंट में हमारा सेम ऑर्डर नहीं होता है इस बात का ध्यान रखिएगा अदरवाइज ये दिक्कत आने वाली है अदरवाइज़ ये दिक्कत आ जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट में

लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है डिक्रीज करता है और नो इफेक्ट ऑन केबी एंड के एफ केबी और केएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता के बी और के एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं के एफ ऑफ वाटर जो होता है वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो उसकी वैल्यूज याद रखिएगा कैलविन के जी पर मोल कैलविन के जी मोल वाटर का केफ याद रखिएगा 1.86 होता है वाटर का केफ याद रखिएगा 1.86 होता है तो ये ध्यान रखिएगा हो जाएगा सर श्योर हो 1.86 पक्का हो जाएगा अब देख लो इसके क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ क्या होगा मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताओ फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा कितना आएगा फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा केएफ दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है डेल्टा टी एफ निकाल देते हैं डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा के एफ इन टू डब्ल्यू टू बाई एम टू इन टू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू वन थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू वन देख लो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आएगी तो डेल्टा टी एफ निकालना है के एफ़ की वैल्यू वन पॉइंट एट सिक्स डब्ल्यू टू थ्री फोर्टी टू ग्राम ऑफ केन शुगर है तो उसका ही मास थ्री फोर्टी टू है इंटू थाउजेंड अपॉन थाउजेंड ग्राम दिया हुआ है तो सर ये सब कुछ आ जाएगा कैंसिल आउट डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी वन पॉइंट एट सिक्स अब गलती से भी 1.86 ऑप्शन मत टिक कर देना फ्रीजिंग पॉइंट में हमेशा ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आप निकालने चाहोगे तो सर पानी ऐसे नॉर्मली कितने पे फ्रीज होता है जीरो पे अब कितना माइनस करना पड़ेगा सर माइनस वन डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा माइनस वन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा माइनस वन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा माइनस वन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा माइनस वन पॉइंट एट सिक्स डिग्री सेल्सियस हो जाएगा हो, चलो तो ये चीजें आ जाएंगी ये क्वेश्चन देखो बताओ क्या होगा निकालो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो, क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा प्योर बेंजिन फ्रीज कर रहा है 5.45 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री कहीं किसी जगह पे कहीं गया पता चला फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया मतलब कम हो गया कितना है डेल्टा टी एफ कितना है डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा 5.45 पॉइंट फोर फाइव माइनस थ्री पॉइंट फाइव फाइव कितना कर देंगे जीरो फोर्टीन में से फाइव गया नाइन ये कितना हो गया वन पॉइंट नाइन डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होती है सर केएफ इन टू एम होता है केएफ निकालना है तो डेल्टा टी एफ अपॉन एम की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट थ्री सेवन फोर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितने के आसपास आ जाएगा फाइव पॉइंट जीरो एट आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा फाइव पॉइंट जीरो एट आ जाएगा एक बोल रहा है सोल्यूशन का डेली लाइफ में क्या यूज है बेटा सोल्यूशन का बहुत ज्यादा यूज है आगे जाके सोल्यूशन ही बनाना है अपने को आगे जाके सोल्यूशन ही बनाना है चलो बताओ कॉलेज में पहुंचेंगे तभी तो होगा अब इधर सॉल्यूशन बनाने लायक नहीं बन पाएगा ना क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना हो जाएगा कितना आ जाएगा मुलालिटी दी गई सर के सी के एफ दिया हुआ है क्या निकालना है डेल्टा टी एफ निकालना है तो डेल्टा टी एफ क्या होगा यार के एफ़ इंटू एम मल्टीप्लाई करना है बस 5.12 पॉइंट वन टू इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन एट सर फाइव पॉइंट वन टू इंटू जीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन एट कितना आ जाएगा सेवन कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर जीरो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ जीरो पॉइंट जीरो सेवन एट जीरो पॉइंट फोर जीरो कैलविन आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर बस निकालते रहो ठीक है चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मोलालिटी को डबल कर रहे मोलालिटी को डबल कर रहे तो केफ को क्या फर्क पड़ेगा केफ को क्या फर्क पड़ेगा मोलालिटी डबल करने से केफ का कितना चेंज होगा कोई चेंज होगा क्या कोई चेंज नहीं होने वाला केफ कितना होगा कोई चेंज नहीं करेगा केफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है केफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ठीक है पक्का चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा जल्दी बताओ कितना आ जाएगा कितना हो जाएगा वन ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट है डिजॉल्व कर रहे फिफ्टी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दिया है डेल्टा टीएफ की बात करें तो क्या हो जाएगा के एफ इन टू डब्ल्यू टू बाई एम टू इन टू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू वन यही होगा शायद सर डेल्टा टीएफ ये निकालना है तो क्या हो जाएगा के एफ फाइव पॉइंट वन टू है डब्ल्यू टू का मतलब क्या हो गया One upon molar mass कितना हो गया टू फिफ्टी हो गया इन टू थाउजेंड अपॉन थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू वन की वैल्यू कितनी हो गई टू फिफ्टी हो गई यही हो गया ये फोर टाइम्स हो गया ये फोर से नहीं नहीं सर थाउजेंड अपॉन थाउजेंड अपॉन फिफ्टी वन पॉइंट टू है ना यार सॉरी ग्राम बंजी तो ये फोर टाइम्स हो गया ये कितना हो गया टेन टाइम्स हो गया डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई जीरो पॉइंट फोर आ गई डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ गई जीरो पॉइंट फोर आ गई तो डेल्टा टी एफ कितने से कम होगा जीरो पॉइंट फोर से कम हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर से कम हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर से कम हो जाएगा पक्का चलिए सर अब चौथी और लास्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ये थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वाला देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर अपने पास पाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ठीक है यहां देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं एक्चुअली एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या है सर ध्यान सुनिएगा ऐसे बायो में आप लोगों ने करा हुआ है ऑस्मोसिस क्या होता है ये बोलते हैं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट याद रखिएगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिकल्स मूव करता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन थ्रू सेमी परमिएबल मेंब्रेन सेमीपर्मिएबल मेंब्रेन फ्रॉम फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमियल मेंब्रेन फ्रॉम पहली चीज सोल्यूशन टू ऑस्मोसिस का मतलब होता है सोल्यूशन टू मतलब सॉरी प्योर सॉल्वेंट कहां से कहा अपने पास क्या करना शुरू करेगा प्योर सॉल्वेंट टू किधर की तरफ सॉल्यूशन की तरफ प्योर सॉल्वेंट से किधर मूव करना शुरू करेगा सॉल्यूशन की तरफ इसी को क्या बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं पहला डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में मिलेगा प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग ये जानते हैं प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं या फिर इसके अपोजिट लिख दें कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जैसे आप चाहें वैसे बोल सकते हैं हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सर ऑस्मोसिस क्या है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट अगर आपने मान लो ऐसे रख रखा है ध्यान देखिएगा अगर सेमी परमिओबल मेम्ब्रेन एसपीएम जो हम लोग लगाते हैं इधर क्या है अपने पास मान लो प्योर सॉल्वेंट है प्योर वाटर है और इधर उसका कोई सॉल्यूशन है तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा ये इधर से इधर मूव करना शुरू कर देगा ये इधर से इधर मूव करना शुरू कर देगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं ऑलरेडी हम बायो में पढ़ के बैठे होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है तो ये प्रेशर अप्लाइड ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं प्रेशर अप्लाइड 2. Stop osmosis Pressure applied to stop osmosis इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कि सर ऑस्मोसिस को रोकना है मैं नहीं चाहता ये फ्लो हो ये जो मूवमेंट हो रहा है ऑस्मोसिस को मैं चाहता हूं रोकना तो उसके लिए जो प्रेशर अप्लाई करूंगा उसी को क्या बोल दिया जाता है ऑस्मोसिस बोल दिया जाता है उसी को क्या बोल दिया जाता है ऑस्मोसिस बोल दिया जाता है और एक बात याद रखिएगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू टेम्परेचर पाई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन और इसीलिए पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी वेयर सी का या आप का कसी की वैल्यू देखोगे एन टू बाई वी आर टी या फिर डब्ल्यू टू बाई एम टू कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ये देख लो पाई का ये एक बड़ा फॉर्मूला है ऑस्मोटिक गलती से ही पाई की वैल्यू या थ्री पॉइंट पुट कर देना पाई एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है पाई इज इक्वल्स टू ट्वेंटी टू बाई सेवन मतपुट कर देना पता चला एग्जाम हॉल में ये सोच रहे निकालना क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है टू स्टॉप द ऑस्मोसिस जो हमें निकालना हो ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए हमें जो निकालना हो उसको हम लोग यूज करते हैं ऑस्मोसिस हम लोग रोने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं पक्का ये देख लो अच्छा हमेशा याद रखना जब भी तुमसे कोई बोले ऑस्मोटिक प्रेशर का एक बेसिक सा फॉर्मूला है डब्ल्यू टू तो बाई एम टू थाउजेंड अपॉन वी आर की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो एट टू पुट करते हैं बिकॉज मोस्टली हमारा प्रेशर एटीएम या बार में आता है ठीक है आर की वैल्यू हमेशा ये पुट करते हैं यहां पर अच्छी बात क्या होती है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू आ गया डब्ल्यू टू बाई एम टू इन थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम इन आर इन टी या फिर टी या फिर एन टू बाई वी आर टी ये देख लो अपने अगर दो सोल्यूशन एक वर्ड यूज होते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या हो गया कि सर दो लोगों का जिनका भी ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो गया उसको क्या बोल देंगे आइसोटोनिक और अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो आपको हम लोग क्या बोल देंगे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम लोग बोल देते हैं हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं हाइपोटोनिक बोल देते हैं हाइपरटोनिक और उसको क्या बोल देते हैं हाइपोटोनिक ये हाइपरटोनिक वो क्या हो गया हाइपोटोनिक तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन पाई वन इज ग्रेटर ग्रेटर देन पाई टू अपने पास ये आ जाएगा पक्का ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे काम करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे काम करता है ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखना ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोस्ट प्रेफर्ड प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं मोर प्रेफर्ड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों भाई ये ज्यादा प्रेफर क्यों करी जाती है इसके पीछे का एक लॉजिक होता है क्यों क्योंकि सर पहली चीज ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी है क्यों क्योंकि ये पहली चीज सब सबसे पहला देखो बाकी इससे पहले जितने भी आप कर रहे थे ना चाहे डेल्टा डेल्टा टीबी निकालो चाहे डेल्टा आप कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल डेल्टा टीएफ डेल्टा टीबी या फिर डेल्टा पी बाई पी वन नॉट इन सब में क्या था ये छोटे छोटे चेंजेस मेजर करने पड़ते थे ये रिलेटिव क्वांटिटी थी पहले से देखो कितना चेंज हो रहा है नहीं चेंज हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर में रिलेटिवली नहीं देखने की जरूरत आप सीधा सीधा क्या निकाल सकते हो सीधा सीधा क्या निकाल सकते हो वैल्यूज निकालो आंसर निकाल दो तो ये होती है इसमें क्या होता है कि सर हमेशा प्रेफर मतलब, क्यों करते हैं मोर प्रिफर्ड क्यों क्योंकि स्मॉल चेंज थोड़ा सा भी चेंज करोगे स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू बिगर चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर ऑस्मोटिक में बीगर चेंज क्रिएट कर देगा ऑस्मोटिक तो प्रे, ऑस्मोटिकेश चेंज करेंगे तो बड़ा चेंज दिखने को मिल जाएगा क्यों क्योंकि इसमें टेम्परेचर मल्टीप्लाइड होता है इसमें टेम्परेचर मल्टीप्लाइड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर का इसका रिवर्स ये देखो ना ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का ज्यादा एडवांटेज होता है एनसीआरटी की लाइन है ज्यादा एडवांटेज होता है क्यों क्योंकि सर यहां पर देखो एज कंपेयर टू अदर क्वालिकिटी प्रोडक्ट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन एन की लाइन द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ये हम लोग यूज करते हैं ये क्वेश्चन आ रखे द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिटरमाइंड फॉर बायोमालिक्यूल्स बायोमोलिकल्स के लिए यही यूज किया जाता है क्यों क्योंकि सर ये हाईस्ट टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते और इसीलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं खासकर प्रोटीन्स विटामिन पॉलीमर्स इन सब के जो स्ट्रक्चर्स निकालने के लिए या हम बोल सकते हैं इन सब के बारे में जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं पक्का अब ऑस्मोसिस हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया एक और वर्ड आता है जैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं ध्यान से देखना अपने पास रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम लोग घर में आरोग के फॉर्म में यूज करते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस दैट कि सर यहां पर ऑफ फ्लो मतलब क्या हो जाए रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा कि यहां पर भी स्लो ऑफ सोलवेंट ही मूव करेगा यहां भी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल यहां भी होगा लेकिन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां से कहां ओनली थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट मतलब अब डायरेक्शन चेंज हो गया सोल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। अब ये कैसे पॉसिबल होगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है याद रखिएगा ये कब पॉसिबल है जब आप क्या करें जब टेक्स प्लेस व्हेन प्रेशर अप्लाइड अप्लाइड प्रेशर जो होगा वो किससे ज्यादा हो जाए ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर से ऑस्मोटिक प्रेशर से अप्लाइड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए मतलब आप जो रिवर्स ऑस्मोसिस करना चाहते हो आपने क्या बोला कि सर मैं एक काम करता हूं देखो नेचुरली क्या होगा मैंने बोला इधर प्योर सॉल्वेंट रखा है इधर प्योर सॉल्वेंट रखा है इधर सॉल्यूशन रखा है मैंने यहां रख दिया सेमी परमिबल मेमब्रेन तो नॉर्मल नेचुरल केस में क्या होगा इधर से इधर मूव करेगा नेचुरली इसको हम लोग क्या बोल देंगे ऑस्मोसिस तुमने बोला यार ऑस्मोसिस रोकना है तो ऑस्मोसिस रोकना है तो कैसे रोकेंगे ऑस्मोसिस रोकने के लिए क्या लगाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस रुक जाएगी जैसे ही इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी जैसे ही इसमें ऑस्मोसिस प्रेशर लगाएंगे ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी लेकिन ध्यान देखिएगा अब इसी चीज में अगर मैं उससे ज्यादा प्रेशर लगा दूं मतलब यहां पर जो प्रेशर देखो मैंने क्या बोला ऑस्मोसिस हो रहा है तुमने बोला ठीक है सर रोकना है तो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही लगाया जैसे ही प्रेशर पाई लगाया ऑस्मोसिस रुक गया मैंने कहा एक काम करो यार प्रेशर ग्रेटर देन पाई लगा दो प्रेशर ग्रेटर डाइन ग्रेटर देन पाई लगाओगे पता है क्या हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा मतलब जो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर आ रहा था अब कहां चला जाएगा इधर से इधर और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन या इसी को हम बोलते हैं डिसलिनेशन ऑफ वाटर डी ऑफ वाटर वाटर प्यूरिफिकेशन हम ऐसे ही करते हैं जब अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन क्या हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर ये रिवर्स ऑस्मोसिस है रिवर्स ऑस्मोसिस है अपना आंसर निकाल दोगे ठीक है देख लो तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए याद रखना प्रेशर ग्रेटर देन अप्लाइड प्रेशर ये देखो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो देख लोगे एनसीईआरटी में यही पिक्चर दिख जाएगी फ्रेश वाटर है सॉल्ट वाटर है डिसलिनेशन ऑफ वाटर डिसलिनेशन ऑफ वाटर इसी को हम लोग एनसीईआरटी में बोलते हैं डिसलिनेशन ऑफ सी वाटर सी वाटर को हम लोग फ्रेश वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रेश वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिसलिनेशन ऑफ सी वाटर इधर सॉल्ट वाटर इधर फ्रेश वाटर है इधर से इधर कर दो क्या हो जाएगा इधर प्रेशर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन पाई लगा दो अपने पास पानी बाहर आ जाएगा प्योर हो पक्का चलो बताओ क्या बनेंगे आंसर बताओ आंसर बताओ क्या क्या आएगा आंसर क्या आएगा द पासिंग ऑफ पार्टिकल्स थ्रू सेम परमियम मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ क्या निकलेगा पाई की वैल्यू सी आर टी करो कैलकुलेट सी की वैल्यू जीरो पॉइंट टू आर की वैल्यू इन टू टेम्परेचर थ्री हंड्रेड कैलकुलेट करेंगे इसको वन बाई ट्वेल्व ले सकते हैं कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा फाइव के आसपास आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा फाइव के आसपास आंसर आ जाएगा फाइव के आसपास आंसर आ, आ, आ जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ये क्वेश्चन आ जाएगा चलिए यह क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा 10% परसेंट डब्ल्यू यूरिया 10% परसेंट डब्ल्यू बाई वी ग्लूकोज का बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा क्या होगा सर यूरिया की बात कर रहा है इसका मतलब टेन परसेंट डब्ल्यू बाई ये देख लो सर पी वन की वैल्यू क्या लिखेंगे सर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो सर क्या लिखेंगे डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इं टू टी यही लिखेंगे P1 की इस वैल्यू कितनी हो जाएगी W2 का मतलब 10 अपॉन ये कितना हो गया सर यूरिया का मास कितना हो गया यूरिया का मास हो गया अपने पास 60 इंटू थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम कितना लेंगे 100 एम एल आर इंटू टी ये पी वन हो गया सिमिलरली पी टू लिखने जाएंगे तो डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू थाउजेंड अपॉन वी आर टी लिखेंगे सर पी टू की वैल्यू कितनी लिखेंगे 10 अपॉन ये कितना हो जाएगा 180 सौ अस्सी इंटू थाउजेंड अपॉन वी इंटू आर इंटू टी वॉल्यूम कितना है 100 ये देख लो सब कुछ सिमिलर है बस 180 और 60 को छोड़ के बाकी सब कुछ सिमिलर है अगर आपका देख लो यहाँ पर सारी की सारी कैलकुलेशन नहीं करनी कंपेयर करना है तो सर ये सब कुछ सिमिलर सा है ये देख लो ये वैल्यू जितनी भी आए ये वैल्यू जितनी भी आए बस ये एक चीज देख लेना मोलर मास देख लो सर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है मोलर मास हो रहा है तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा जिसका मोलर मास ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा है मतलब पाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी आंसर क्या आ जाएगा पाई टू की वैल्यू क्या अरे वही पी वन पी टू जो भी है अब पी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू पी वन पक्का देख ले डन चलो ये देखो अगर किसी के ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग हैं, डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उस केस में क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोलते हैं जिसका भी हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं हाइपरटोनिक बोलते हैं पक्का हाइपरटोनिक होगा तो बस हाइपरटोनिक निकाल दो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो एनसीईआरटी के की एग्जाम्पल्स आप एक बार एनसीईआरटी की जो पिक्चर्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर है आप लोग देख लीजिएगा कि जो जो कच्चा मतलब होता है ना आम जो होता है उसका जो अचार बनाते हैं हम लोग तो वो क्या करता है अचार में कन्वर्ट हो जाता है जो विल्टेड फ्लावर्स होते हैं जो मुरझाए हुए प्लांट फ्लावर्स होते हैं अगर पानी में रख दोगे तो अच्छे से फूल जाते हैं कैरेट होता है अगर वो ढीला ढाला हो गया लिंप हो गया है तो उसको पानी में डालोगे तो क्या कर देगा उसको फ्रेश बना देगा सर मीट को हम लोग प्रिजर्व करते हैं बाई सॉल्ट और फ्रूट्स ऐड करके तो वो क्या करता है

लोअर है तो ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं स्वेल कर जाते हैं एक ये है ये केमिस्ट्री में दिया है आपको पता होना चाहिए एडेमा एडेमा क्या होता है कि जो लोग बहुत सॉल्टी फूड खाते हैं उनके अंदर क्या होता है वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है और वाटर रिटेंशन बढ़ेगा तो बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा पफीनेस आ जाएगी चेहरा फूल फल जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग एडेमा बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एडेमा बोलते हैं ठीक है वाटर का मूवमेंट प्लांट्स के अंदर भी किसके कारण होता है ऑस्मोसिस के कारण ही होता है वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉयल इनटू प्लांट रूट्स एंड सब्सिक्वेंटली इनटू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट इज पार्ट इज पार्शली बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस तो ये ऑस्मोसिस के ऑस्मोसिस के रीजंस होते हैं तो जो लोग मोटे हैं वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मोटापा है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है जैसे मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरे बॉडी मैं मोटा नहीं हूँ मैं मोटा नहीं हूं बस बॉडी ने सॉल्ट ज्यादा खा लिया सॉल्ट ने पानी ज्यादा एबजॉर्व कर लिया मोटापा थोड़ा ही ना यार फूल गए सूजन हो रखी है सब जगह हाँ जो मोटे इंसान है वो ये सब एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि मोटापा नहीं है सूजन है ठीक है बस यूनिफॉर्म सूजन हो गई है ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक है मोटापा किसने बोला हाँ बॉडी सेमिंग कर रहे हैं बताओ यार ठीक है <laughs> चलो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं ठीक है एनसीआर के एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन एनसीआर में दिया हुआ है बाकी आपको ये देखो ये मेन चीज है ये दो एग्जाम्पल्स ये देखना तीन एग्जाम्पल्स यहां पर देखना अभी बोला था कि अगर इक्विवेलेंट है तो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं जैसे तुमने शुरुआत में जब हम लोग जब तुम जाओगे कॉलेज में एमबीबीएस करने तो वहां पर यही चीज सिखाई जाती है डॉक्टर्स को देखोगे ना तो नॉर्मल सलाइन बनाने को दिया जाता है वो देखा जाता है कि हाँ भाई सही बना भी पा रहा है या नहीं बना पा रहा पता चला भाई सामने वाले ने ज्यादा ही सॉल्ट दे दिया पता चला बेकार हो गया पता चला सामने वाले ने ज्यादा ही दे दिया उसके सेल्स सारे सिंक कर जाएंगे अगर आपका सॉल्यूशन अगर आपका सॉल्यूशन ज्यादा है मतलब आपके सेल्स में ज्यादा है अब ये सब चीजें आप देख लीजिएगा हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक वाले एग्जाम्पल्स ये सलाइन वाले एग्जाम्पल्स आपको सेल्स बॉडी के अंदर सेल्स वाले चैप्टर में मिले होंगे बायो में हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक बोलते हैं ठीक है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एक डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एक डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है देख लो ऑस्मोसिस किसका होता है सर यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है डिफ्यूजन किस में होता है डिफ्यूजन में क्या होता है कोई सेम परमिबल मेम्ब्रेन नहीं होता डिफ्यूजन का मतलब जैसे अगरबत्ती जलाई और दरवाजा जैसे ही खोला डिफ्यूज हो गया सब कुछ मिक्स हो जाएगा ऑस्मोसिस का मतलब ये नहीं था ऑस्मोसिस का मतलब था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होता है यहाँ मूवमेंट किसका होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पॉलिक्यूल्स यहाँ सब कुछ मूव कर जाएगा यहाँ सब कुछ मूव कर जाएगा डिफ्यूजन एक बार अगरबत्ती जला दी तो उसको रोक नहीं पा सकते उसको रोक नहीं सकते रिवर्स नहीं कर सकते ऑस्मोसिस को रिवर्स किया जा सकता है

चलो अब देखो हमारे पास क्या आ गया अब हम लोग बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक और उसके बारे में बात करेंगे और वो है वेंट ऑफ फैक्टर अभी तक जितना भी आप पढ़ रहे थे ना अभी तक आप जितना भी पढ़ रहे हो वो सब कुछ किसके लिए पढ़ रहे थे आप जितना भी पढ़ रहे थे वो सब कुछ इसलिए पढ़ रहे थे वेंट ऑफ फैक्टर क्या बताता है ध्यान सुनना वेंट ऑफ फैक्टर क्या बताता है वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग आई से डिनोट करते हैं एक्चुअली होता क्या है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है इसकी I इज इक्वल्स टू वन ये किसके लिए होता है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सर दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं हमारी जिंदगी में एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब उनको जिंदगी में डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होना होता है लेकिन सर आई की जो वैल्यू होती है मेनली डिफाइंड फॉर डिफाइंड फॉर या कैलकुलेटेड फॉर डिफाइंड या कैलकुलेटेड फॉर हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्यों क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं डिसोसिएट करते हैं या एसोसिएट करते हैं वेंट फैक्टर क्या है कि सर ये क्या बताता है वेंट फैक्टर डिफाइन होता है किसके लिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों क्योंकि देखो होता क्या है तुमने अभी सारे फॉर्मूले पढ़े उन सब में क्या पढ़ा कि सर जितनी भी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जितनी भी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डायरेक्टली पोर्सनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे वो किस पे डिपेंड करेगी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे वो किस पे डिपेंड करेगी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे अब एक बात बताओ एन ए सी एल है इलेक्ट्रोलाइट है एन एस सी एल है अब ये बंदा हमें देखने में लग रहा है कि एक पार्टिकल लेकिन जैसे ही पानी में जाता है ये एक सॉल्यूट नहीं रहता कितने हो जाते हैं दो हो जाते हैं तो इसकी जो वैल्यू हम सोचते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो आती है वो अलग आती है इसका रीजन क्या होता है देख लो एन ए सी एल का हम अगर सोचें कि यार इसका डेल्टा टी एफ कितना आएगा ये के एफ इंटू एम आएगा लेकिन पता चला ये हम क्या कैलकुलेट करके बैठे हम कैलकुलेट करके बैठे हमने बोला अच्छा इसका इतना आएगा पता चला डेल्टा टी एफ जो ऑब्जर्व हो रहा है वो पता है कितना ऑब्जर्व हो रहा है सर टू टाइम्स के एफ इन टू एम ये टू टाइम्स क्यों हो गया बिकॉज एन पानी में एनए नहीं रहा दो पार्टिकल्स में टूट गया एन ए प्लस सीएल माइनस में इसीलिए उसकी वैल्यू कितनी हो गई टू टाइम्स ज्यादा हो गई तो याद रखिएगा जब भी आपसे कोई बोलेगा तो वेंटअप फैक्टर निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है सिंपल सा तरीका होता है कि आप ऑब्जॉर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी दे दीजिए ऑब्जॉर्व या फिर एक्सपेरिमेंट से जो आया एक्सपेरिमेंटल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई जैसे यहां पर देखो ना एन की वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई कैसे सर देख लो दोनों से डिवाइड करके देख लो अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी एक तो वेंटर फैक्टर निकालना हो तो आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो आपने सोचा था उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा वेंट फैक्टर कहलाएगा पहला डिफरेंस ये दूसरा ध्यान सुनना दूसरा वेंटा फैक्टर निकालना हो तो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकालते हैं दूसरा तरीका नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिसोसिएशन और एसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर वेंट फैक्टर निकालने के अलग अलग तरीके हैं कौन सा कब डिसाइड करेंगे वो आपको अब एग्जाम हॉल में देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा रिएक्शन ले रहा है अगर सामने वाले ने क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज दे दी हैं तो मैं उस वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा अगर सामने वाले नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात कर रहा है अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात कर रहा है तो मैं कौन सी लूंगा मैं फिर ये लूंगा वेंट फैक्टर ऐसे डिफाइन होगा आई की वैल्यू ऐसे डिफाइन हो जाएगी तो वेंट फैक्टर ऐसे डिफाइन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन वेंट फैक्टर देखो एक तो हो गया कि मैं ऐसे निकाल दूं ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से निकाल दूं एंड एक चीज और होती है वेंट फैक्टर एक और तीसरे चीज से भी निकाल सकते हैं तीन चीजों से निकाल सकते हैं वेंट फैक्टर पता है कौन सा एक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू का रेशो निकाल दो दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशो निकाल दो या फिर तीसरा कि सर एक बात बताओ एन अभी हम क्या मास ले रहे हैं दोनों का मास साथ में ले रहे हैं जब जाएंगे तो ऑब्वियसली डिसोसिएट करेंगे तो मास क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा तो हम लोग वेंटो फैक्टर को निकालने के लिए एक तरीका और लेते हैं एंड दैट इज नोन एज नॉर्मल या फिर हम बोलते हैं फॉर्मूला मोलर मास नॉर्मल या फिर हम बोल देते हैं फॉर्मूला मोलर मास डिवाइडेड बाय नॉर्मल ठीक है मोलर मास नॉर्मल मोलर मास ये मतलब क्या हो गया एबनॉर्मल मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर है फॉर्मूला एबनॉर्मल मतलब मोलर मास मोलर मास इन सॉल्यूशन एबनॉर्मल का मतलब ऐसा नहीं ऑब्वियस टूट जाएगा डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा तो ये तीन तरीके जहां से वेंटर फैक्टर निकाला जा सकता है ये तीन तरीके जहां से वेंटर फैक्टर आपका निकाला जा सकता है नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन और अपने पास ये निकाल सकते हैं किससे नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल से ध्यान सुनना अपने पास ध्यान सुनना अब मुझसे बोला गया इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं ध्यान सुनना अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के कैसे सर डिसोसिएट तो होंगे वेंटर फैक्टर या तो क्या होगा देखना इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है सर ये 100 परसेंट डिसोसिएशन करता है 100 परसेंट डिसोसिएट करेगा या एसोसिएट करेगा 100 परसेंट डिसोसिएशन होगी या फिर क्या होगी एसोसिएशन होगी 100 परसेंट डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन यहां पर देखोगे तो यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो जाएगा ये देख लो ये क्या हो जाएगा लेस देन हंड्रेड डिसोसिएशन या एसोसिएशन लेस देन हंड्रेड डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन लेस देन 100 परसेंट डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन ये देख लो हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन या एसोसिएशन से कम होता है सुनना ध्यान से क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर सामने वाला ये देखो आप सब लोग अल्फा जानते हो यहां अल्फा की वैल्यू वन होगी या फिर 100 परसेंट ले लिया जाता है अल्फा की वैल्यू वन या फिर हंड्रेड लिया जाता, जाता है यहां पर अल्फा की वैल्यू लेस देन वन या फिर लेस देन हंड्रेड परसेंट से कम होती है यही होता है ये देखो अगर डिसोसिएशन का केस ले रहे हैं अगर डिसोसिएशन का केस ले रहे हैं मान लो कोई पार्टिकल है ये टूटा और कितने पार्टिकल्स बना दिए एक पार्टिकल टूटा कितने पार्टिकल्स बना दिए एन पार्टिकल्स तो पता है इसका वेंटा फैक्टर कितना हो जाएगा एन बाई वन

ये देख लीजिए सर यहां पर मैं बोल सकता हूं जब भी आप डिसोसिएट करेंगे डिसोसिएट करेंगे वेंटा फैक्टर क्या होगा ग्रेटर देन वन और एसोसिएशन में क्या होगा वेंटा फैक्टर लेस देन वन पक्का अरे इसको बाद में अलग से लिख दूंगा देख लो अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो सोचना नहीं है क्यों क्योंकि कोई भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है ना कोई भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मान लो कोई ऐसे देखो अपने पास मान लो कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है अगर मैं बोल रहा हूं कि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है ये स्ट्रॉ इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका वेंटा फैक्टर कितना हो गया टू हो गया टू बाई वन क्यों डिसोसिएट करके दो पार्टिकल अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मान लो थ्री बी मिलकर क्या बना रहा है सर बी थ्री बना रहा है तो वेंटा फैक्टर कितना आ जाएगा वन बाई थ्री आ जाएगा वेंटा फैक्टर कितना आ जाएगा वन बाई थ्री आ जाएगा निकाल देना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है टेंशन नहीं है लेकिन जैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट में आए जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग है अपने पास ये के केस में कोई टेंशन है ही नहीं कोई बोल दे सर फोर ए गिव्स ए फोर फोर ए गिव्स ए फोर तो क्या हो जाएगा वन बाई फोर क्यों क्योंकि चार पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना रहा है तो वन बाई फोर हो गया ठीक है यह देखो अगर वीक हुआ तो वीक के केस में क्या होता है अल्फा की वैल्यू वन नहीं होती वीक के, के केस में अल्फा की वैल्यू जो होती है वो वन नहीं होती यहां पर अल्फा की वैल्यू वन है तो टेंशन नहीं है वीक के, के केस में याद रखिएगा जब भी कोई बंदा डिसोसिएट करेगा ना डिसोसिएशन करेगा तो याद रखिएगा अगर कोई पार्टिकल डिसोसिएट करके एन पार्टिकल्स बना रहा है तो आई की वैल्यू जो होगी सर वो सीधा सीधा एन नहीं लिख सकते सीधा सीधा एन नहीं लिख सकते एन माइनस वन अल्फ़ा लिखेंगे डिसोसिएशन के केस में हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लो वन प्लस एन माइनस वन इन टू अल्फा लिखेंगे अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में ली जाएगी अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में लिया जाएगा अगर एसोसिएशन का केस ले रहे हो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर कोई एसोसिएशन का केस ले रहा है अगर कोई एसोसिएट कर रहा है तो सर आई की वैल्यू जो होगी वन प्लस वन बाई एन माइनस वन क्या हो जाएगा अल्फा ये हो जाएगा ठीक है अल्फा यहां पर इक्वल टू वन नहीं होता क्यों क्योंकि सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा की वैल्यू बस याद याद रखिएगा यहां पर अल्फा की जितनी वैल्यूज हैं ये फ्रैक्शन में होगी कभी भी परसेंटेज मत ले लेना अल्फा हमेशा कहां ली जाती है इसमें फ्रैक्शन में ली जाती है सिंपल सा आपको क्या करना है जितने पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहे हैं उसमें से एक इन अल्फा यहां देखो वन बाई एन माइनस अल्फा वन बाई एन माइनस वन बाई एन माइनस अल्फाइन ध्यान सुनना एक ही चीज बता रहा हूं एक ही चीज बता रहा हूं ये देखो अगर मान लो ए फोर बी थ्री है ध्यान सुनना ए फोर बी थ्री है ये कैसे डिसोसिएट होगा तो ऐसे डिसोसिएट होगा सुनना एक बार ये डिसोसिएट होगा अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका वेंटर फैक्टर कितना हो जाएगा सेवन बाई वन हो जाएगा अगर इसका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये सेवन बाई वन हो जाएगा लेकिन अगर यही बंदा वीक होता तो इसका वैल्यू क्या आता सर वन प्लस सेवन माइनस वन इन टू अल्फा आई की वैल्यू क्या आ जाती वन प्लस सिक्स अल्फा आ जाती ये देख लो सबके लिए आई की वैल्यू अलग अलग आएगी अगर स्ट्रांग है तब तो डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लेना लेकिन अगर वीक है तो एक कम कर देना वन प्लस सिक्स अल्फा कर देना अगर स्ट्रांग है तो फोर प्लस थ्री सेवन एक पार्टिकल से कितने आ रहे हैं सेवन आई की वैल्यू डायरेक्ट सेवन आ गई देख लो अपने पास ऐसे करके अब क्वेश्चन देखना आई का अल्फा के साथ रिलेशन निकालना शुरू करो अगर मैं ऐसा बोलता हूं ध्यान से देखना अगर मैं बोलता हूं कि यह स्ट्रांग है अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या आंसर आएगा चलो बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू क्या आएगी और अगर यही मैं बोल दू ये वीक है तो आई की वैल्यू क्या आएगी ये रिएक्शन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो रही हो और यही रिएक्शन स्ट्रांग के लिए हो रही हो तो क्या आएगा ये देखना वीक के लिए हो स्ट्रांग के लिए होगी तो वन बाई थ्री आएगी लेकिन अगर वीक के लिए होगी तो वन प्लस वन बाई थ्री माइनस वन इन अल्फा आएगा आई की वैल्यू क्या आ जाएगी वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू अल्फा बाई थ्री आ जाएगी सबके लिए अपने पास अलग अलग सेम आदमी सेम आदमी स्ट्रांग के लिए अलग तरीके से और वीक के लिए अलग तरीके से कहीं भी आप रिएक्शन कर रहे हो ना आप कहीं भी रिएक्शन कर रहे हो अगर ये स्ट्रांग रिएक्शन हो रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू डायरेक्टली फोर लिख सकते हैं लेकिन अगर यही वीक हो रहा है अगर वीक हो रहा है तो इसके केस में आई की वैल्यू वन प्लस क्या लिखूंगा थ्री अल्फा लिखूंगा जितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है उसे, कम कर देना अल्फा लगा देना पक्का अब आप अलग अलग तरीके से लगाना चलो शुरू हो जाओ अगर ये स्ट्रांग है चलो इसका आई बताओ स्ट्रांग है तो क्या होगा आई की वैल्यू क्या होगी और अगर वीक होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी वीक होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी जल्दी स्ट्रांग और वीक का केस देख लो स्ट्रॉन्ग के केस में थ्री और वीक के केस में वन प्लस टू अल्फा थ्री माइनस वन अल्फा थ्री माइनस वन अल्फा तो वैसे निकाल दो मुझसे किसने बोल दिया ये देखिएगा अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि यहां पर आई की वैल्यू निकालिए और वीक के केस में आई की वैल्यू निकाल दीजिए वीक के केस में आई की वैल्यू निकाल दीजिए क्या होगा दोनों के लिए सेम होगा अलग अलग होगा साथ साथ में करते चले जाओ क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा तो वन बाई सिक्स हो जाएगा वीक होगा तो वन प्लस वन बाई सिक्स माइनस वन इंटू अल्फा मतलब वन प्लस वन माइनस वन माइनस फाइव अल्फा बाई सिक्स हो जाएगा यही होगा ये देख लीजिएगा अगर वीक होगा स्ट्रांग होगा तो सीधा सीधा थ्री लिख देंगे लेकिन वीक होगा तो वन प्लस टू अल्फा लिखेंगे तो आई और अल्फा का रिलेशन आप स्टेब्लिश करना सीख गए आपको ये पता चल गया कि आई की वैल्यूज क्या होती हैं आई की वैल्यूज कुछ नहीं भाई आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखना है आफ्टर डिसोसिएशन आई के तीन तरीके हैं आई की वैल्यूज कैसे कैसे निकाल सकते हो तो सर एक अपने पास ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी शॉर्टकट में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं आई की वैल्यू एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर बोला नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर बोला और एक क्या हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर बोला है मैंने ठीक है आई की तीन वैल्यूज हैं आई की वैल्यू एक और तरीके से निकाल सकते हैं नॉर्मल मूलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मूलर मास नॉर्मल मूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मूलर मास ये जितना भी आई निकाल रहे हैं ये सब कुछ किसके लिए निकाल रहे हैं स्ट्रॉन्ग के इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल रहे मतलब सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकाल रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, के लिए हम लोग नहीं निकालते नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो फॉर्मूला हम पहले से पढ़ रहे थे वही वैलिड रहता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग आई निकालते हैं वेंटअ फैक्टर निकालते हैं और जैसे ही आई निकालते हैं चलो और बताओ डिसोसिएशन होगा ध्यान सुनना अगर कोई बंदा डिसोसिएट कर रहा है मतलब उसका फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे आफ्टर डिसोसिएशन तो फैक्टर क्या होगा आई ग्रेटर देन वन। इसका मतलब नॉर्मल मास अपॉन एब नॉर्मल मास इसका जो रेशियो होगा ये ग्रेटर देन वन होगा मतलब कोई डिसोसिएट करता है तो उसका जो फॉर्मूला मोलर मास होता है और जो सॉल्यूशन के अंदर जो मोलर मास होता है उन दोनों में रिलेशन देख लीजिएगा नॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि सर जो नॉर्मल बाहर है और एबनॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि सर जो सॉल्यूशन के अंदर जाने पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो एसोसिएशन देखो एसोसिएशन में वैंट फैक्टर को क्या बोलते हैं लेस देन वन सर ये क्या है नॉर्मल अपॉन मोलर मास एबनॉर्मल ये लेस देन वन तो नॉर्मल मोलर मास क्या होगा हमेशा लेस देन मोलर मास अब नॉर्मल यही होगा शायद पक्का तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन में देख लो डिसोसिएशन और एसोसिएशन में देख लो वेंटा फैक्टर लेस देन वन वेंटा फैक्टर ग्रेटर देन वन किस में एक सिंपल सा लॉजिक लगाना जब कोई बंदा डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर अगर जाके डिसोसिएट हो जाए तो सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो उसका डिसोसिएशन होगा तो नॉर्मुलर मास क्या हो जाएगा कम तो नॉर्मल मोलर मास ज्यादा हो जाएगा और एसोसिएट हो गया मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसे जुड़ गए तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन के अंदर उसका पार्टिकल्स का मास क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा पक्का हो जाएगा श्योर हो तो ये देख ले अपने पास डिसोसिएशन एसोसिएशन उसके बाद अब जो आप लोग क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं मतलब अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड क्वालिगेटिव प्रो चलो पहले क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला देखते हैं हमने चार फार्मूलेज पढ़े क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला जितने भी हमने क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले पढ़े मैं एक बार लिखता हूं क्या था डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट या फिर इसी को लिख दें पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इज नथिंग एंड काई टू था या फिर एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू था यही था सर तो पहला क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इन टू एम था डेल्टा थर्ड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इन टू एम था एंड फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी यही था ना अपने पास पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी तो ऑब्जॉर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ये थी अपने पास ये जो फार्मूला हमने पढ़ा ना ये फार्मूला पता है किसके लिए था ये फार्मूला आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो सर आप यूज़ कर सकते हो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मतलब जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करते हैं उनके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करोगे अब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको मॉडिफाइड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला देखना पड़ेगा मॉडिफाइड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला देखना पड़ेगा सर मॉडिफाइड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला देखना पड़ेगा सर ये किसके लिए होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ये किसके लिए करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए करेंगे फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है मॉडिफाइड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला सर ये देखिएगा मॉडिफाइड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला किसको बोलते हैं सर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यहां पर जो चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे ये देख लो सर यहां पर i टाइम्स का मतलब सबकी वैल्यूज i टाइम्स हो जाएंगे जितने भी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज निकाल रहे थे ना उन सबकी वैल्यूज क्या करोगे i टाइम्स कर देना अगर डेल्टा टीएफ निकालने जाऊंगा तो I टाइम्स के एफ इंटू एम करूंगा और पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी कर दूंगा पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सीआर कर दूंगा तो अब देख लो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो आप पहले से ही पढ़ के बैठे ही हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो पढ़ से पढ़ के बैठे ही हो ये ध्यान ध्यान दे देना अपने पास जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसके हिसाब से आंसर दे दो कि भाई इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला फॉर्मूला आई टाइम्स सारी सारी वैल्यूज को जितने भी क्वालिकेटिव प्रोडीज हैं सबको क्या करेंगे आई टाइम्स कर देंगे सबको क्या करेंगे आई टाइम्स कर देंगे पक्का हो जाएगा i टाइम्स हो जाएगा i टाइम्स सी आर टी आई टाइम्स दिस, आई टाइम्स दिस कर दे तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला मॉडिफाइड क्वालिगे प्रॉपर्टी फॉर्मूला ये सब निकाल दो पक्का चलो तो हमारे पास यही सारा कुछ है अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं और देखते हैं मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ही आपको वेंटा फैक्टर लेना है अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर उसके लिए वेंटा फैक्टर नहीं लेने की जरूरत है आप इसके बाद अब सीधा सीधा क्वेश्चन पे आओगे और क्वेश्चन करोगे क्योंकि अब ठीक है ना अपने पास वेंटा फैक्टर इसमें देखोगे ना तो इसमें दो मेजर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो तीन ही मेजर टाइप के टाइप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर तुमसे कोई पूछेगा ना तो मेजर टाइप पता है क्या पूछेगा अगर देखो अगर अल्फा गिवन है देखना ध्यान से एग्जाम हॉल में क्या क्वेश्चन होगा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर आपसे यहां पर क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आपसे दो तीन ही टाइप के क्वेश्चन है कौन कौन से सर तो पहला अल्फा आपको गिवन होगा तो आपको क्या निकालना है वेंट ऑफ कैलकुलेट कर लो वेंट ऑफ ये वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर लो आई और अल्फा को रिलेट करके वेंटअ फैक्टर कैलकुलेट कर लो अगर ये आ गया तो हो सकता है सेकंड स्टेप में क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू पूछ ले बताओ सर डेल्टा टी भी बताओ तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पूछ ले इसके बस देख लो यही दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये पूछ देगा मतलब अल्फा दिया होगा तो उससे आई निकालो फिर उससे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दे देगा दूसरा टाइप का क्वेश्चन पता है क्या दे देगा कि सर देखिएगा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी होगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी होगी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो गिवन होगी तो यहां से वेंटर फैक्टर निकाल लो क्यों क्योंकि सर आपको हर एक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में वेंटर फैक्टर रिलेट कर सकते हैं और वेंटर फैक्टर आ गया तो अल्फा यहां से निकाल लेना अल्फा यहां से कैलकुलेट कर लेना तो ये आ गया इसके दो टाइप ये क्वेश्चन हो गए तीसरा टाइप क्या होता है कि सर वेंटर फैक्टर आपको ही पता है वेंटर फैक्टर जितना आई की वैल्यू वेंटर फैक्टर की वैल्यू जितनी हाई होगी वेंटर फैक्टर की वैल्यू जितनी हाई होगी सर उतना ज्यादा उतना ज्यादा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज क्या होंगी हाई होती जाएंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज क्या होंगी उतनी ज्यादा हाई होगी मतलब वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा ज्यादा डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होगी ज्यादा डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी ज्यादा सर पाई की वैल्यू क्या होगी ज्यादा लेकिन एक चीज सर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा डिक्रीज होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा डिक्रीज होगा क्योंकि आपको पता है सर डेल्टा टीएफ की वैल्यू बढ़ती है फ्रीजिंग पॉइंट अपोजिट चला जाता है पाई बढ़ेगा मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा और यहां लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा इंक्रीज करता जाएगा तो यही दो तीन टाइप के क्वेश्चन जाएंगे और कुछ भी नहीं है मतलब यही तीन टाइप के क्वेश्चन कि कम हो रहा है, है क्वालिगेटिव प्रोडक्स की वैल्यू नहीं मतलब गिवन है अल्फा की वैल्यूज रिलेट करो ये मैक्सिमम तीन ही टाइप के क्वेश्चन होंगे जो इसके ऊपर अब बेस्ड आते रहेंगे करना चाहते हो चलो स्टार्ट करते हैं ये देख लो अपने पास अब बस यही बेटा लास्ट टॉपिक था ये लास्ट टॉपिक खत्म हो चुका है अब क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक को फिनिश करेंगे ठीक है फैक्टर, ठीक है वेंट फैक्टर, यही था अपने पास वेंट फैक्टर, यही नॉर्मल मोलर मास बोल दो या अपने पास एनसीआरटी का जो भी आपको लेना है जो भी एनसीआरटी का लेना हो चलिए ये नहीं ये एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है मैं दिखाए तो एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है नॉर्मली स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे जैसे एन एस सी एल है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो टू मान लेंगे केसीएल है तो क्या मान लेंगे टू मान लेंगे ये टू हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा ये जो टेबल दिया है एनसीईआरटी में इन्होंने बोला कि यार मोलारिटी कम करेंगे मोलारिटी जैसे जैसे कम करते जाते हैं मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितना कम करते जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब देखो ना इसकी वैल्यूज क्या हो रही है बढ़ रही हैं इसकी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं बढ़ रही हैं तो ये वाली चीज़ एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं कि मोलरिटी कम कर रहे हैं तो ये आई की तो वैल्यूज़ तो क्या होती है ऐसे कंप्लीट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे तो टू 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 थ्री आएगा ऐसे देखो टू 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 थ्री लेकिन हाँ अगर आपसे कोई बोल दे अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बात करें तो यहाँ बोल सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे कंड ये मोलरिटी कम करेंगे ये क्या हो रहा है वेंटअप फैक्टर की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है तो ठीक है ना तो ये एक एनसीआरटी का टेबल है जिसका कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन यही है कि वीक के केस में फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वीक इलेक्ट्रोलाइट आप देख लो ये सारे जो हैं अपने पास मोलालिटी मोलालिटी जितनी कम हो रही है मोलालिटी डिक्रीज कर रही है तो वेंटा फैक्टर की वैल्यू आई की वैल्यू फैक्टर की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाकी स्ट्रॉन्ग में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा स्ट्रॉन्ग में तो फर्क पड़ ही नहीं रहा ठीक है चलो क्वेश्चन देखते हैं चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा मैक्सिमम लोरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व मैक्सिमम किस में कर सकते हो आपका क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज मैक्सिमम बताना है किसमें ऑब्जर्व होगा सर सबकी कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ सेम है तो ऑब्वियस यहां पर क्या चेक करना है वेंट ऑफ फैक्टर चेक करना है क्या चेक करना है वेंट ऑफ फैक्टर चेक करना है क्या चेक करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर चेक करेंगे क्या होगा क्या होगा सर इसका वेंट ग्लूकोज क्या होता इसका हो Excel, है इसका वेंट फैक्टर वन होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसका वेंट फैक्टर जब नहीं कुछ दिया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चलो इसका वेंट फैक्टर टू इसका वेंट फैक्टर टू सर सबसे ज्यादा किसका होगा सर सबसे ज्यादा वेंट फैक्टर किसका होगा इसका होगा ठीक है बी कहा जाएगा हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस है सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना मतलब डेल्टा टीबी का बढ़ना डेल्टा टीबी मतलब वेंट फैक्टर का बढ़ना बॉइलिंग पॉइंट में टेंशन नहीं है सेम ऑर्डर में चलता है लेकिन हाँ दिक्कत कहाँ आती है फ्रीजिंग पॉइंट में फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कहाँ आएगा किसके अंदर होगा सर यहां पर क्या होगा वेंट फैक्टर यहां पर आई की वैल्यू फोर यहां पर आई की वैल्यू थ्री यहां पर आई की वैल्यू टू यहां पर आई की वैल्यू वन यूरिया क्या होता है सर ये डिसोसिएट नहीं करता तो सबसे ज्यादा किसका होगा इसका होगा ए का होगा द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग पढ़ चुके हैं बताइए फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट मैं बोल रहा है मैक्सिम बताइए हाइएस्ट किसका होगा हाइएस्ट किसका होगा बताइए किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाइएस्ट होगा क्या होगा ये देख लो विल हैव मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट सर एक बात बताओ मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट हाई चाहिए तो वेंटर फैक्टर वहां क्या होना चाहिए कम होना चाहिए वेंटर फैक्टर यहां पर वेंटर फैक्टर इसको डिसोसिएट करोगे फोर आएगा इसको डिसोसिएट करोगे दो क्लोरीन और ये थ्री आएगा इसको डिसोसिएट करोगे यहां एक ही क्लोरीन होना चाहिए था यहां टू आएगा और इसको डिसोसिएट करोगे तो सर यहां पर वन आएगा तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा डिप्रेस किसका होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा ए का होगा फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा डी का होगा यह देख लीजिएगा अपने पास कन्वर्जेंस एन so का वेंटा फैक्टर अल्फा के साथ कैसे रिलेट होगा वेंटा फैक्टर अल्फा के साथ कैसे रिलेट होगा क्या हो जाएगा वन प्लस टू अल्फा हो जाएगा क्यों क्योंकि एन ए टूसो फोर में तीन पार्टिकल्स हैं डिसोसिएट होगा तीन पार्टिकल्स देगा तो वन प्लस थ्री माइनस वन टू अल्फा वेंट ऑफ फैक्टर इसका वेंट ऑफ फैक्टर हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितने पार्टिकल्स देगा टूटने के बाद कितने पार्टिकल्स देगा ये टूटने के बाद कितने पार्टिकल्स देगा क्या दे देगा चार नहीं पांच क्यों क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर में चार के प्लस एफिसिक्स अब देख लो ये डिसोसिएट करोगे बताओ इसका डिसोसिएशन से क्या मिलेगा एक्स एम वाई एन ये डिसोसिएट करेगा तो एक्स प्लस एन एम ले लो और ये कितना हो जाएगा एन वाई माइनस एम ले लो कितना पार्टिकल्स बनेगा अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी आई और अल्फा को रिलेट करो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है ये लिखेंगे आई माइनस वन एम प्लस एन वन इंटू अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आई माइनस वन एम प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा यही होगा अल्फा की वैल्यू यही आएगी क्या आ जाएगा कौन सा आएगा सर ये सारी वैल्यू सही है ये सारी वैल्यूज सही है ठीक है ये सारी वैल्यूज सही है कैसे सर ये देखिए पहला सही है आपने शायद ध्यान से देखा नहीं वन प्लस यही बोल रहा हूं आपको एग्जाम हॉल में ये सब चीजों से बचना है सारी वैल्यू सही है वन प्लस एम प्लस एन माइनस वन और ये भी देख लो इसको क्या लिख सकते हो आई माइनस वन लिख सकते हो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे से तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस सॉरी ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एम प्लस एन माइनस वन हो जाएगा देख लो ही चीज तो है तो डी इज द करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर चलो केसीएल है केसीएल का क्या हो रहा है बोल रहा है केसीएल का कंप्लीट डिसोसिएशन मानना है तो वेंट फैक्टर कितना लेना पड़ेगा केसीएल का वेंट फैक्टर कितना ले लिया जाएगा अगर केसीएल का कंप्लीट डिसोसिएशन है तो वेंट फैक्टर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा वेंट फैक्टर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा बस अब कैलकुलेट करो केसीएल का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट दिया हुआ है आई इन टू इंटू लिख दें आई की वैल्यू टू है के बी की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट फाइव टू एम की वैल्यू कितनी है तो सर वन है तो ये कितना हो गया वन पॉइंट जीरो फोर हो गया बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा सर कितना बढ़ जाएगा 1.04 बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा 1.04 बढ़ जाएगा 1.04 बढ़ जाएगा पक्का 1.04 बढ़ जाएगा पक्का चलिए ये देखिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी हाँ बेटा चार बजे छोड़ दूँगा पांच बजे से सॉल्ट की क्लास है ना तो चार बजे छोड़ दूँगा टेंशन मत लो मुझे भी याद है बट चार बजे नहीं तो दो तब तक क्वेश्चन तो निपटा लो हाँ जल्दी क्या हो 90 परसेंट आइनाइज हो रहा है कौन सा सर एक एसिड है एच बी का 90 परसेंट मतलब ये कितने प्लस देता है एच प्लस बी आर माइनस देता है एक बात बताओ आई इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा वन प्लस टू माइनस वन इंटू अल्फा लिख दूँ आई इज इक्वल्स टू वन प्लस अल्फा सर अल्फा की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी है नाइन्टी परसेंट नहीं लेना है फ्रैक्शन का मतलब नाइन्टी बाई हंड्रेड लेना है तो ये कितना हो गया जीरो पॉइंट नाइन हो गया तो वन आई इज इक्वल्स टू वन प्लस जीरो पॉइंट नाइन 1.9, I आई की वैल्यू आ गई अब डेल्टा टी एफ निकाल दो आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू टू बाई एम टू इन थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू वन यही पुट करेंगे तो सर आई की वैल्यू कितनी है 1.9, पॉइंट के एफ की वैल्यू कितनी है वन डब्ल्यू टू की वैल्यू कितनी है 8.1 ग्राम मोलर मास कितना होगा 81 ही है इसका थाउजेंड अपॉन इसका पानी का मास कितना होगा 100 होगा ये देख लो अपने पास ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट डेल्टा टी एफ की वैल्यू और उसी के हिसाब से माइनस में ये आंसर आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन नेगेटिव आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन नेगेटिव आ जाएगा ये अपने पास माइनस में ये आंसर आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर चलो एक अच्छा क्वेश्चन करो ये देखो ये देखना डिग्री ऑफ आइनाइशन कैलकुलेट करना है अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना है ऑब्सर्व करके देखने मिल रहा है जो मोलर मास ऑब्जर्व करते हैं वो कितना है सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स है बताओ डिग्री ऑफ अल्फा आयनाइजेशन बताओ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बताइए क्या होगा क्या होगा सर आई की वैल्यू क्या लिखेंगे नॉर्मल अपॉन एब नॉर्मल लिखते हैं नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल लिखा जाता है नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल लिखा जाता है नॉर्मल कितना है 164 एबनॉर्मल कितना है 65.6 है नॉर्मल कितना है 164 ये कितना हो गया 65.6 कैलकुलेट करोगे क्या मिल जाएगा आप कैलकुलेट करो 164 164 डिवाइडेड बाय 65.6 2.5 आ जाएगा कितना जाएगा? आ जाएगा 2.5 आ जाएगा वेंटर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 एम एक्स टू है Mx2 टू कैसे डिसोसिएट होगा एम प्लस टू होगा और सर एक्स माइनस टू एक्स माइनस होगा क्या होगा टू एक्स माइनस होगा एक बात बताना एम प्लस टू टू एक्स माइनस यहां देखना क्या क्या मिल रहा है मुझे ये देखो क्या बोला जाएगा आई की वैल्यू क्या लिखूंगा वन प्लस थ्री माइनस वन इन टूएल्फा ये कितना हो गया अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई जीरो पॉइंट सेवन फाइव आ गई अल्फा की वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन फाइव मतलब सर क्या हो जाएगा अल्फा परसेंटेज वाइज कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा अल्फा परसेंटेज वाइज कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा अल्फा परसेंटेज वाइज कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव परसेंट चलो इसका निकालो इसका कितना आ जाएगा ये क्वेश्चन करके देखिए तो कितना आएगा कितना आ जाएगा वेंटो फैक्टर निकालना विच इज 80 परसेंट इसके केस में कितने पार्टिकल्स हैं आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वन प्लस फोर अल्फा लिख सकते हैं फाइव पार्टिकल्स हैं तो वन प्लस फोर अल्फा वन प्लस फोर अल्फा की वैल्यू कितनी लिख दूंगा जीरो पॉइंट एट पक्का तो ये कितना हो गया वन प्लस थ्री पॉइंट टू कितना आ गया फोर पॉइंट टू आ जाएगा कितना जाएगा? आ जाएगा फोर पॉइंट टू आ जाएगा क्या आ जाएगा फोर पॉइंट टू आ जाएगा कितना आ जाएगा फोर पॉइंट टू आ जाएगा चलिए अब क्वेश्चन को निकालिए अल्फा दिया हुआ है चलिए इस क्वेश्चन को निकालिए जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा क्या होगा क्या होगा अल्फा की वैल्यू 90% परसेंट दी है तो अल्फा की वैल्यू 0.9 कर देता हूं AB3 थ्री दिया है AB3 थ्री कैसे टूटेगा ए प्लस थ्री मान लो और बी माइनस वन मान लो ये थ्री हो गया आई की वैल्यू क्या हो गई वन प्लस थ्री अल्फा वन प्लस थ्री टाइम्स जीरो पॉइंट नाइन कितना हो गया थ्री पॉइंट सेवन हो गया आई की वैल्यू क्या आ गई थ्री पॉइंट सेवन आई आ गया अब क्या बोल रहा है कि सर बॉइलिंग पॉइंट तो पहले डेल्टा भी निकालेंगे आई इंटू के बी इंटू एम आई इंटू के बी इंटू एम आई की वैल्यू कितनी है थ्री पॉइंट सेवन की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट फाइव टू एम की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट वन अभी क्या है ये कितना आ जाएगा बेटा 3.7 पॉइंट सेवन इंटू जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन नाइन टू फोर जीरो पॉइंट वन नाइन टू फोर जीरो पॉइंट वन नाइन टू फोर डेल्टा टी वी आ जाएगा और इससे बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा सर बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा पहले आपका कितना था 373 था अब कितना हो जाएगा 0.19 बढ़ा दो तो 373 सेवेंटी थ्री इन टू आ जाएगा पक्का उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए फॉर एस सी कैटेगरी यार अभी से ही कैसे डिसाइड कर लिया क्या बोला जाए लवली भाई या बहन जो भी है एक बोल रहा है सर थक नहीं रहे तुम ये सोचो तुम छः घंटे अभी तुम्हारी ये हालत है कि तुम छः घंटे नहीं देख नहीं पा रहे हो एग्ज़ाम तुम्हारा नज़दीक में है सेक्रीफाइस टीचर्स कर रहे हैं ठीक है तुम्हें पता भी नहीं है हमारी आंखों पे क्या हो रहा होता है चेहरे पे क्या हो रहा होता है इधर स्क्रीन इधर स्क्रीन यहाँ नीचे लाइट ऊपर से लाइट इधर लाइट उनके बीच में खड़े हैं तुम छः महीने नहीं देख पा रहे छः घंटे नहीं देख पा रहे ठीक है और तुम बोलते हो कि यार नीट क्लियर करना है ऐसे काम चलेगा यार ठीक है कभी कभी क्या होता है बेटा अब इस स्टेज पे आ गए हो ना कि यार अब ज्यादा डांट भी नहीं सकते ठीक है ज्यादा डांट भी नहीं सकते भाई यार ए बी टू है देखो ना अल्फा की वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट नाइन क्योंकि नाइनटी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये चार पार्टिकल्स में टूट रहा है वन प्लस थ्री फोर तो वन प्लस थ्री अल्फा अल्फा की वैल्यू पुट करो आई की वैल्यू आ गई आई की वैल्यू जैसे ही आएगी मैं I इंटू के बी इंटू एम कर लूंगा निकाल दो अपने पास मैं एम्स के एग्जाम नहीं निकला तो एम बेस्ट है पर उस मेरी उतनी औकात नहीं भाई कुछ और भी कर सकते हैं ना एम बी बी एस सब जगह से बराबर ही होती है एम से करोगे तो बस ये है कि अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा अब वैसे एम से करोगे तो आपको अच्छी अच्छी मशीन्स मिलेंगी पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे इंजेक्शन देना आसान होगा होता ना गुजारे हैं कहीं भी गलत भी लग रहा है तो एम्स का पेशेंट नहीं बोलता है अब तुम जाके अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ रईस लोग जाते हैं वहाँ जाके थोड़ा ना उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट जो सीखना होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों ज़्यादा सीखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा होते हैं और पेशेंट मतलब ठीक है ज़्यादा नखरे नहीं दिखाते अब अमीर आदमी बहुत ज़्यादा अमीर है बोलेगा अरे भाई एक बार में ही उसको मतलब कहीं से ब्लड नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए ठीक है तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाला बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी वी ये देख भाई सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल कितना था 373 था पानी का कितना होता है 170 सेवेंटी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो कितना हो जाएगा उसमें 0.19 पॉइंट ऐड कर देंगे 0.19 पॉइंट ऐड कर देंगे एक मिनट एक मिनट ये देखो ये।, ये देखना इस क्वेश्चन को बताओ इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा बस खत्म कर रहा हूं जल्दी चलो इसका आंसर बताओ जल्दी क्या होगा क्या होगा जल्दी बताओ विजय द फॉलिंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा इस क्वेश्चन में अरे जो अलग कॉन्सेप्ट है उसको करा रहा हूँ भाई अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही पे रिपीट क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा कराऊंगा ठीक है ये देख लो अपने पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मतलब यहाँ पर वैंटा फैक्टर देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा डेल्टा टी टीबी निकालो आई इंटू के बी इंटू एम अब यहाँ पर के बी तो सबका सेम है लेकिन आई इंटू एम देखना पड़ेगा क्यों ये देख लो अलग क्यों है क्योंकि इसमें देखो अपने पास यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है टू है यहाँ पर i की वैल्यू क्या है वन है यहाँ पर i की वैल्यू क्या है थ्री है यहाँ पर i की वैल्यू क्या है वन है सर डेल्टा टी वी की जो वैल्यू है ना वो सिर्फ i पे डिपेंड नहीं कर रहा है अब की बार i इंटू क्या करना पड़ रहा है m करना पड़ रहा है क्यों क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सबका अलग अलग है कॉन्सेंट्रेशन सबका अलग है इसकी वैल्यू देखो आई आई इंटू वो करो मल्टीप्लाई आई इंटू दिस करो ये वैल्यू देख लो 0.9 आ रही है और इसकी वैल्यू कितनी कर रहे हैं जीरो पॉइंट टू आ रही है तो सबसे ज्यादा जो हमें दिख रहा है चेंज वो सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है सी में दिख रहा है तो ये बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाइएस्ट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट अपने सबसे हाइस्ट हो जाएगा ठीक है ना बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाइस्ट हो जाएगा ये देख लेना कंसिडरिंग मोलैलिटी और मोलालिटी बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाइएस्ट यही मिल जाएगा चलो अब एक काम करते हैं मैं आपको ये क्वेश्चन बताइए कौन सा पॉइंट है जो किसको डिपेंड करता है जल्दी जल्दी क्या हो जाए जो तो फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन सा पॉइंट है जहां पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर रिप्रेजेंट हो रहा है कौन सा पॉइंट होगा क्या होगा हाँ ये देख लो ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा क्या सर क्यों क्योंकि देखो कंपोजिशन इन वेपर फेस देखो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है यहां पर यहां पर बॉइलिंग पॉइंट यहां पर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आ रहा है यहां पर बॉइलिंग पॉइंट एक ही है तो कौन सा पॉइंट होगा सी इज द करेक्ट पॉइंट सी जो होगा वो करेक्ट पॉइंट होगा सी जो होगा वो करेक्ट पॉइंट होगा पक्का तो चलो भाई अब रिवीजन में तो आप ही वो करना है पांच मई को एग्जाम है पांच मई 2024 को अब रिवीजन तो आप ही वो करना है भाई साहब रिवीजन में हम लोग क्या ही बोले चार कंसंट्रेशन टर्म्स है सब कुछ रिवाइज करो जितना रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो खत्म करो इसको जितना रिवाइज कर सकते हो फिनिश करो भाई ठीक है होमवर्क होमवर्क सेलेक्शन होमवर्क क्या है सेलेक्शन इन नीट दो चौबीस ठीक है सिलेक्शन इन नीट 2024, ठीक है बाकी अब आप लोग ज्यादा समझदार हैं मेरी तरफ से सॉल्यूशंस को जितना शॉर्ट में और जितना आसानी से कराया जा सकता है मैंने करा दिया है अगर इसके बाद भी अगर किसी को लगता है थोड़े हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा या कम हो सकता है क्योंकि देखो बेटा लेक्चर जब क्लास में होता है तो वहाँ टाइम ज़्यादा होता है और ऑब्वियस वहाँ डे बाई डे अलग होती हैं तो उसको इससे कंपेयर मत करो हाँ अभी जिस टाइम पर आप खड़े हो जिस बैच के लिए आप खड़े हो कोई ट्वेल्थ क्लास का बच्चा डायरेक्ट आ गया तो भाई तेरे लिए सॉरी तो क्लास का बैच देख हाँ रिवीज़न करने के लिए यूज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं लेकिन हाँ जो बच्चे भी जो भी देख रहे हैं प्लीज़ बेटा आप ट्राई करना इसको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम हॉल के लिए पढ़ाई करनी है उसके हिसाब से देखना ठीक है ना कोशिश कीजिएगा कहीं भी हाँ सर अभी अभी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा अगली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइटिक्स मैं भी कराऊंगा दो तीन चैप्टर मेरे पास है ट्वेंटी फाइव ईयर्स पी वाई की बहुत हैं थर्टी सिक्स ईयर्स ट्वेंटी फाइव ईयर्स जो भी करना है कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बीएससी नर्सिंग और बीएमएस ये सब चीजें अभी क्यों डिस्कस करना है जब सिलेक्शन होगा उसके बाद देखेंगे जब अपने पास काउंसलिंग uh, होगा ना तब देखा जाएगा अभी क्यों सोचना है कि बीएससी नर्सिंग अच्छा है या बीएमएस अच्छा है या अभी से ही सोच लिया है पी वाई क्यूज टाइम मिलता है तो कर लो टाइम मिलता है तो कर लो कोई दिक्कत नहीं जिनको टाइम मिलता है वो कर लो कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो अभी स्टार्ट कर रहा हूं भाई अभी क्यों स्टार्ट कर रहे हो यार अब तो टाइम खत्म होने वाला अब तो नया सेगमेंट पांच मई के बाद तो नए लोग स्टार्ट करना चालू कर देंगे बज टेन शॉर्ट <laughs> क्या है भाई ये नाम है सर मेरा नाम ले लो ठीक है आयनिक इक्विलिब्रियम सर ने करा दिया है ठीक है ना सर ने करा दिया ऑलरेडी इलेवंथ में आपने इलेवंथ का पोर्शन आपने फिजिकल केमिस्ट्री का अमित सर ने करा दिया है ट्वेल्थ के जो बचे हुए तीन फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थे वो मैं करा दूंगा जिसमें से एक हो गया दो बचे हुए केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये दो अपने पास बचे हैं ये मेजर मैं कराऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बेटा यकीन टू पॉइंट टू में मैंने दे दिया है वहां से आपको कहीं से कोई दोस्त दोस्त मिल जाए उससे ले सकते हो समरी लेक्चर मैंने वहां दे रखा है हर एक चैप्टर को चालीस पैंतालीस मिनट में रिवाइज करा रखा है तो जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं उनको इन सब की जरूरत नहीं वो समरी लेक्चर से भी कर सकते हैं ठीक है थेके? चलो 2025 में भी ऑब्वियस है अभी पहले यार एग्जाम पे फोकस करते हैं 2025 का जब यकीन टू आएगा तो देख लेंगे ठीक है आ, कल की क्लास में यार कल की क्लास शायद कल नहीं है कल थोड़ी ना होगा बैक टू बैक एक्चुअली तुम्हारी तीन केमिस्ट्री क्लास हो गई कल शाम को भी हुई थी कल शाम को ऑर्गेनिक हुई थी अभी सुबह फिजिकल हो गई शाम को फिर से इनऑर्गेनिक होगी तो अब थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा फिर मंडे को करेंगे ठीक है चलो थैंक यू भाई सब लोग थैंक यू सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग लास्ट के छः लोग देख रहे हैं मैं दुआ करता हूँ भाई ठीक है ना मैं सच बताऊँ तुम लोगों के लिए खासकर जो ये अभी 500 लोग देख रहे हैं इसका मतलब सही में फाइट करना चाह रहे हो तुम लोग और तुम ही लोगों के लिए ये सब चीज़ें हैं यार सच बताएं तो और तुम अच्छे से फाइट करो अच्छे से यूटिलाइज़ करो इस टाइम को ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो पाए ठीक है ना ओके तो चलो भाई जो लो बाकी 500 लोग बाकी पाँच लोग हैं फटाफट बोलते ना कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो कंपटीशन को फील करो और एग्जाम अच्छी बात क्या है कि अब सारा कंपटीशन साइड में जा चुका है जो बचे हुए लोग हैं जो फाइटर्स हैं वो बैठे हुए हैं ठीक है अभी भी देखो फ़ाइट कौन कर रहा है जो मिडिल वाला है कि भाई अब तो लड़ना है झगड़ना है चाहे जो हो जाए तो ये जो बच्चे हैं मुझे सच बताऊं तो एज ए टीचर कोई बोली कर आता कि अरे सर आपको बुरा नहीं लग रहा बच्चे कम हो रहे मुझे लिटरली बुरा हमें पता है ना यार तुम शायद अभी शायद नए नए देख रहे हो जो बच्चे क्लास में उनको ही पता है शुरुआत में बहुत भीड़ होती है धीरे धीरे कम होती है क्यों होती है क्योंकि लोग अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके आ पाते लोग कहीं ना कहीं काम चोरी करते हैं तुम उनमें से हो जो काम चोरी नहीं कर रहे हो तुम उनमें से हो जो लगातार पढ़ाई कर रहे हो तो तुम सभी लोगों का जो भी पाँच लोग बचे हैं बेटा बस ऐसे लगे रहो बस प्रैक्टिस कर लेना सेलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इस क्लास के अंदर जो कंटेंट है ना बेटा कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा हाँ ये है कि क्वेश्चन कम होंगे तो उसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा ओके तो चलो सबको ऑल द बेस्ट पढ़ाई करते रहो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक पढ़ाई करते रहिए